अध्याय 1681 से 1685 ... जब प्रकाश गहन ऊर्जा हवा में चमकने लगी तो यान अवाची ने अपना संतुलन खो दिया। वह अपने शरीर से जो गहन ऊर्जा छोड़ रहा था वह पूरी तरह से नष्ट हो गई और उसका शरीर ढेर होकर जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर बुरी तरह ऐंठ रहे थे और उसके गले से दर्द की कर्कश आवाजें निकल रही थी। यान वानहुन और यान वानगुई भी जमीन पर गिर गए। वे दर्द से जमीन पर गिरकर छटपटाने लगे और उनकी चीखों से पूरा वातावरण गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो वे जंगली कुत्ते हों जिन्हें खौलते तेल के बर्तन में फेंक दिया गया हो और वे भागने की कोशिश कर रहे हो। यान अवाची अपनी पूरी ताकत दिखाने से बस एक क्षण दूर था जब उसे लगा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। इससे उसे एक अविश्वसनीय ऊर्जा प्रतिक्रिया का अनुभव हुआ और जैसे ही उसकी अपनी अराजक ऊर्जा और पवित्र प्रकाश ने उसके शरीर को नष्ट कर दिया वह एक निराश जंगली जानवर की तरह चिल्लाने लगा जिसने अपने सभी अंग खो दिए थे। वह अविश्वसनीय निराशा और उन्मादी पीड़ा में जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। यदि क्षेत्र को रोशन किया जाता तो कोई भी दर्शक ये देख पाता कि तीन यम पूर्वजों के शरीर तेजी से सड़ रहे थे और हवा में ही गायब हो रहे थे। उनकी त्वचा झुलसे हुए चमड़े की परतों की तरह दिख रही थी जो पीछे की ओर निकल रही थी और उनकी सफेद हड्डियां जल्द ही सामने आ गई। उनकी खुली खोपड़ी ने भी उसके बाद धूम्रपान करना शुरू कर दिया क्योंकि सफेद टैंड्रिल हवा में तैरने लगे। जैसी उम्मीद थी यू चे ने यान वानहुन और यान वानगुई को नजरअंदाज कर दिया जो दोनों घबराहट में बेतहाशा भाग रहे थे। इसके बजाय जब वह इत्मीनान से यान अवाची की ओर चला तो उसके शरीर से हल्की गहरी ऊर्जा निकलती रही। आपका जीवन और आत्माएं इस स्थान पर विद्यमान रहने के लिए अंधकार में गहन ऊर्जा पर निर्भर हैं, इसलिए जैसे ही वे प्रकाश गहन ऊर्जा के संपर्क में आए वे दोनों तुरंत एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह जलने लगे। ये बहुत दर्दनाक होगा। प्रकाश गहन ऊर्जा और अंधकार गहन ऊर्जा एक दूसरे के सीधे विरोध में थे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास अंधकार गहन ऊर्जा है उसे शुद्ध प्रकाश गहन ऊर्जा इस हद तक नहीं धकेलेगी। हालांकि तीन यम पूर्वज अलग अलग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले 800,000 वर्षों में उनकी जीवन शक्ति और आत्मिक शक्ति इस स्थान की काली इन ऊर्जा से जुड़ गई थी। वे अब अपने निरंतर अस्तित्व के लिए पूरी तरह से डाक इन ऊर्जा पर निर्भर थे। उनकी हड्डियां, मांस और खून उसमें समाहित हो गए थे। वे पूरी तरह से अंधकार के प्राणी बन गए थे। जिस क्षण वे अंधकार के शुद्ध प्राणियों में परिवर्तित हो गए तब प्रकाश उनके लिए सबसे भयावह अस्तित्व बन गया, कुछ ऐसा जिसके संपर्क में वे किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते थे। आमतौर पर तीन यम पूर्वजों के लिए शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर को छोड़ना पूरी तरह से असंभव नहीं था। ची बुयाओ ने यह भी कहा था कि वे करीब एक घंटे के लिए इस जगह को छोड़ सकते हैं। हालांकि वे कभी भी बाहर कदम रखते नहीं दिखे क्योंकि उनकी कब्र के बाहर की प्राकृतिक रोशनी भी जो पहले से ही अविश्वसनीय रूप से मंद थी उन्हें दर्द और परेशानी महसूस कराएगी। इस बीच यू चे के शरीर से चमकने वाली रोशनी पवित्र गहन रोशनी थी जिसे केवल प्रकाश गहन ऊर्जा द्वारा जारी किया जा सकता था। जब ये तीन यम पूर्वजों के शरीर पर गिरा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो हजारों ब्लेड उनके शरीर को छेद रहे हो, मानो हजारों सुइयां उनकी आत्माओं में चुभ रही हो। नहीं, किसी की जीवन शक्ति और आत्मा को खत्म कर देना किसी के शरीर को नष्ट करने से बिल्कुल अलग अवधारणा थी। इस तरह के भक्षण के दर्द का वर्णन नहीं किया जा सकता है और इसे केवल इच्छा शक्ति से दूर नहीं किया जा सकता है। जैसे ही हांगा उठा आप गहरी नींद में सो गए और यूनचे के हाथ में मौजूद हेवन स्मिटिंग डेविल एम्परा तलवार हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार में बदल गई। पवित्र गहन प्रकाश यूनचे के शरीर से तलवार के शरीर तक फैल गया क्योंकि यही आन अवाची की ओर छेदा गया था। सस आ द्वारा से बढ़ने से होने वाली हुई होने वाली रही है। यान अवाची का शरीर बहुत मजबूत था इसलिए यू चे का आकस्मिक जोर स्वाभाविक रूप से उसे नहीं छू सका और केवल तलवार की नोक ने उसके मांस को छेद दिया। हालांकि तलवार की स्वर्गीय मारक शक्ति यू चे के शरीर से आने वाली हल्की गहन ऊर्जा के साथ विलीन हो गई थी, इसलिए इस छोटे से घाव से यान अवाची के दुख की चीख निकल गई जो 10,000 भूतों की चीख से कहीं अधिक तीखी थी। इस अत्यधिक दर्द ने यान अवाची की उग्र प्रतिक्रिया को उकसाया। ये प्रतिक्रिया शुद्ध निराशा से उत्पन्न हुई थी। यूं चेकी छाती पर बेरहमी से अपना पंजा मारने से पहले वह हवा में पीछे की ओर उछला। इस समय यान अवाची को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर और आत्मा शोधन की गहराई से आए लावा में नहा गया हो। उस पवित्र प्रकाश के दमन और इच्छा शक्ति के दायरे से परे दर्द के तहत उसकी ऐठन वाली बांह उसकी सामान्य शक्ति का 10वां हिस्सा भी पैदा नहीं कर सकी। हालांकि इसने यूनचे को अभी भी बहुत दूर तक उड़ा दिया। यूनचे का शरीर विस्फोटक तरीके से हवा में उड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना संतुलन वापस हासिल किया उसने बिजली की तरह यान अवाची की ओर पलटवार किया।
उन्होंने हेवनली वुल्फ की चौथी तलवार के रूप तात्कालिक नरक आपदा को प्रदर्शित करने के लिए अपनी हल्की गहन ऊर्जा का उपयोग किया और उनकी तलवार तेजी से यान अवाची की ओर चली, जो लंगड़ाकर जमीन पर गिर गया था। दरार उसकी तलवार ने यान अवाची के शरीर के चारों ओर की जगह को ऐसे तोड़ दिया जैसे वह सड़ी हुई लकड़ी का तख्ता हो। यह उनके दाहिने स्तन को छेदता हुआ उनकी पीठ के बाईं ओर से बाहर निकल गया और इस यम पूर्वज के शरीर को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। सस अर्ग उवाह। उसके शरीर के भीतर से हल्की गहरी ऊर्जा का विस्फोट हुआ और यह निसंदेह उसके अंदर एक नरक बनाने के बराबर थी। यान अवाची की कर्कश चीख से उसका गला फट गया और उसकी गहन ऊर्जा बेतहाशा फूट पड़ी। गड़गड़ाहट, जोरदार धमाके के बीच एक करुण चीख गूंज उठी। यूं चेका शरीर सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरा, लेकिन हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार यान अवाची के शरीर में मजबूती से फंसी रही। तलवार के आसपास का मांस और हड्डी तेजी से नष्ट हो रही थी, जिससे उसकी छाती में एक फैलता हुआ छेद दिखाई देने लगा। जैसे ही वह बुरी तरह विलाप करने लगा, यान अवाची ने उसकी छाती पर अपनी हथेली से प्रहार किया, जिससे उसके शरीर में फंसी हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार हिंसक रूप से निकल गई। हालांकि यूं चे की आकृति अचानक उसके सामने आ गई। हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार को उसके हाथों में चूस लिया गया क्योंकि उसने यान अवाची के खिलाफ एक और क्रूर तात्कालिक नरक आपदा को उजागर किया। इस बार उसकी तलवार यान अवाची के बाएं स्तन में घुस गई और उसके दाहिने कंधे के ब्लेड से बाहर निकल गई। प्रकाश की विनाशकारी शक्ति द्वारा बनाया गया एक और बड़ा छेद यान अवाची के शरीर में दिखाई दिया। यान अवाची की चीखें इतनी तेज थी कि दुनिया के सबसे क्रूर व्यक्ति के लिए भी उसे सुनना मुश्किल होगा। वह 8 लाख से अधिक वर्षों तक जीवित रहे थे, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने जो संचित दर्द अनुभव किया था, उसकी तुलना उस दर्द से नहीं की जा सकती जो वह इस क्षण में अनुभव कर रहे थे। उनकी गहन ऊर्जा ने यूचे के किसी भी हमले में बाधा नहीं डाली। इसे अविश्वसनीय रूप से अव्यवस्थित तरीके से छोड़ा गया था और यह प्रकाश को दबा नहीं सका या यूचे को उड़ा नहीं सका। अंत में टकराना, उसके घुटने जमीन पर गिर गए और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी और वह अपनी चेतना के आखिरी क्षणों में चिल्लाया, बूढ़े भूत बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। आर्ग, उसकी निराशा भरी दहाड़ पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई। यान वानहुन और यान वांगुई, जो दोनों दूर भाग गए थे, अचानक मुड़े और यून चेकी और यम घोस्ट हैंड्स को खोल दिया। यून चे के सिर को पकड़ने की कोशिश करते समय ये यम घोस्ट हैंड्स हवा में लहराने लगे। यून चे के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई जब उसने अचानक यान अवाची के शरीर से हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार को खींच लिया। वह अचानक चारों ओर घूम गया और उसने अपनी तलवार हवा में घुमा दी। उसके चारों ओर तेजी से एक विशाल तलवार का निर्माण हुआ। स्वर्गीय भेड़िए की छठी तलवार शैली ब्लिडमून अमर वध करने वाली तलवार। यह अमर वध तलवार संरचना थी, एक ऐसा हमला जिसे करने के लिए उसे आमतौर पर बहुत बड़ी मात्रा में गहन ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होगी। हालांकि अंधेरे की इस दुनिया में ये कुछ ही सेकंड में साकार हो गया था, एक ऐसी गति जिसकी बराबरी कैजी भी नहीं कर सकती थी। तलवारों का विस्फोट हुआ और अनगिनत चमकती ऊर्जा वाली तलवारें इस अंधेरी दुनिया में प्रकट हुई। चमकदार पूर्णिमा की छवि बनाने के लिए उनमें से पर्याप्त थे और इन ऊर्जा तलवारों से निकलने वाली पवित्र गहन रोशनी यूचे के शरीर से निकलने वाली रोशनी से हजारों गुना अधिक मजबूत थी। इसने निसंदेह 3 यम पूर्वजों को एक ऐसे यातनागृह में डाल दिया था जो पिछले की तुलना में लाखों गुना अधिक कष्टदायी था। ची, यह ऐसा था मानो 3 यम पूर्वज के शरीर पर आग की अनगिनत गुच्छियां प्रज्वलित हो गई हो। उनका मांस तेजी से सिकुड़ कर गायब हो गया, यहां तक कि उनकी हड्डियां भी राख में बदलने लगी। हालांकि शुद्धिकरण का उनका सच्चा परीक्षण अभी शुरू ही हुआ था। जैसे ही यूनचे की तलवार गिरी, हवा में भरी ऊर्जा तलवारें प्रचंड बारिश की तरह नीचे गिरने लगी। भले ही अमर वध तलवार संरचना शक्तिशाली थी, लेकिन ये 3 यम पूर्वजों को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वे क्रूर ताकत से इसका विरोध कर सकते थे या अपनी ओर सीटी बजाती तलवारों की बारिश से बच सकते थे। हालांकि यह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी जब उनके शरीर और आत्माएं निर्दयता पूर्वक प्रकाश द्वारा भस्म हो रहे थे। जब किसी व्यक्ति को इतना अधिक दर्द महसूस होता है कि वह उनकी इच्छा शक्ति को भी निगल जाता है, तो उनके पास अपने शरीर या शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होता है। परिणाम स्वरूप एक बार जब दीप्तिमान तलवार की किरणें उन पर गिरी, तो उनके शरीर निर्दयतापूर्वक काटे जाने लगे और उनके द्वारा छेदे जाने लगे। प्रत्येक तलवार ने अपने पीछे प्रकाश का एक निशान भी छोड़ा जो उनकी आत्मा और जीवन शक्ति को कुरेदता रहा। 3 यम पूर्वज इन हमलों का विरोध करना चाहते थे या भाग जाना चाहते थे, लेकिन वे अंधे कीड़ों की तरह थे जिनके पैर काट दिए गए थे।
उनके शरीर जमीन पर लुढ़कते और मुड़ते रहे और समय बीतने के साथ साथ उनकी तीव्र चीखें और अधिक निराशाजनक होती गईं। उन्होंने अपने लंबे जीवन में अनगिनत विरोधियों और शिकार के साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन उनमें से सबसे दयनीय भी उतना दुखी या दयनीय नहीं था जितना वे इस समय थे। शायद उन्होंने तीन यम पूर्वजों के वर्तमान दुख का एक अंश भी अनुभव नहीं किया था। जैसे ही प्रकाश ने उसे भस्म किया, यान अवाची के हाथ और पैर पहले ही गायब होने लगे थे। उसकी जांघ की हड्डियां उसके पैरों के ठूंठ से बाहर निकल आई थी और वे भी तेज रोशनी में धीरे धीरे राख में बदलने लगी थी। यान वानहुन और यान वांगुई ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं थे। उनकी उंगलियां रोशनी में तेजी से पिघल रही थी और उनका 70% मांस पहले ही जल चुका था। इस बिंदु पर उनके सिर व्यवहारिक रूप से खोपड़ी थे। उनकी भयानक स्थिति के बावजूद उनकी दयनीय चीखें अभी भी अनंत अंधकार के पूरे अस्थि सागर में गूंज रही हैं। कोई भी अच्छी तरह कल्पना कर सकता है कि वे इस समय किस नारकीय पीड़ा का अनुभव कर रहे होंगे। युनचे का चेहरा ठंडा और भावहीन था क्योंकि वह तलवार के गठन के केंद्र में खड़ा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, जो उसके सामने घट रही क्रूर त्रासदी हवा में गूंजती हृदय विदारक चीखों के साथ बिल्कुल असंगत थी। इमोर्टल स्लेयंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन तब तक चलेगा जब तक वह चाहेगा। यदि वह चाहे तो यह सदैव चलता रहेगा। अनंत अंधकार के अस्थि सागर की काली इन ऊर्जा उसके शरीर में बढ़ती रही। उसकी गहरी नसें इसे हल्की गहरी ऊर्जा में बदल रही थी, कुछ ऐसा जो इसके ध्रुवीय विपरीत था। वह प्रकाश छोड़ते हुए अंधेरे को अपने अंदर ले रहा था। यहाँ तक कि प्राचीन सृष्टि के देवता और शैतान सम्राट भी अगर इस दृश्य को देखते तो पूरी तरह से चकित हो जाते। जैसे ही उसने तीन यम पूर्वजों के शवों को धीरे धीरे अपनी तेज तलवार की ऊर्जा के नीचे गायब होते देखा, युनचे ने अचानक अपनी तलवार वापस ले ली। तुरंत ऊर्जा तलवारें जो स्वर्ग के नीले गुंबद को फैला सकती थी, उनकी हल्की गहन ऊर्जा के साथ गायब हो गईं, जिससे उनके आसपास की दुनिया एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। यदि यह जारी रहता तो तीन यम पूर्वज प्रकाश में विलीन हो गए होते, लेकिन वह उन्हें इस तरह मरने देना कैसे सहन कर सकता था। रोशनी खत्म हो गई और तीन यम पूर्वजों का यातनापूर्ण विलाप अंततः शांत हो गया। उनके क्षत विक्षत शरीर जमीन पर पड़े हुए थे और उनके कुछ हिस्से अभी भी भयंकर रूप से हिल रहे थे। यम क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थापक पूर्वज, ये व्यक्ति जिनके प्रति उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली देवता सम्राट को भी सम्मानजनक व्यवहार करना पड़ता था, वर्तमान में ऐसे दिख रहे थे मानो अनगिनत जंगली जानवरों ने उनके शरीर पर हमला कर दिया हो। वे मरते हुए कीड़ों के झुंड की तरह जमीन पर कांप रहे थे और हिल रहे थे। पूरा दृश्य अकथनीय रूप से उजाड़ और नीरस था। उनके चारों ओर एक बार फिर अंधेरा छा गया। इसने उस विनाश को कम करना शुरू कर दिया जो प्रकाश गहन ऊर्जा ने उनके शरीर, जीवन शक्ति और आत्माओं पर बरपाया था। उनके मांस और हड्डियां आश्चर्यजनक गति से पुनर्जीवित हो रही थी और युनचे उनके अंगों को ठीक अपने सामने बढ़ते हुए भी देख सकता था। भले ही उनके ठीक होने की गति युनचे जितनी अजीब नहीं थी, फिर भी ये पूरे ब्रह्मांड को आश्चर्यचकित करने के लिए काफी चौंकाने वाली थी। एक बार जब उनके शरीर और दिमाग का लगभग 80% हिस्सा ठीक हो गया तो यान अवाची अपने पैरों पर खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन उसका शरीर और आत्मा अभी भी अविश्वसनीय रूप से हिंसक तरीके से कांपते रहे। प्रकाश का नरक जो उसने अभी अभी अनुभव किया था, वह उसके शेष जीवन के सपनों को सताने के लिए पर्याप्त था। आप बस कौन है? उसने युनचे की ओर इशारा किया और वह अनजाने में पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी प्राचीन आंखों में भय और भय ही भय व्याप्त था। दूसरी ओर यान वानहुन और यान वांगुई भी खड़े हो गए थे। हालांकि वे अब युनचे को ऐसे नहीं देखते थे जैसे कि वह अब केवल एक छोटा बच्चा था। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे वे एक दुष्ट और क्रूर राक्षस को देख रहे थे जो नरक से बाहर आया था। युनचे ने धीमी हंसी के साथ कहा, ऐसा लगता है कि आप लगभग ठीक हो गए हैं। उसके शरीर से एक बार फिर हल्की गहन ऊर्जा चमकने लगी। तीन यम पूर्वजों के लिए इस पवित्र प्रकाश का पुनः प्रकट होना उस नरक में गिरने से अलग नहीं था जिससे वे कुछ क्षण पहले ही बच निकले थे। दर्द की पूरी तरह कर्कश और विकृत चीखें हवा में गूंज उठी क्योंकि प्रकाश ने एक बार फिर उनकी जीवन शक्ति और आत्माओं को कुतरना शुरू कर दिया। इस बार उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं रही। वे अपनी सारी ऊर्जा जो वे एकत्र कर सकते थे उसे तीन अलग अलग दिशाओं में पागलों की तरह तेजी से प्रसारित करते रहे, दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। युनचे ने उन पर मजाक उड़ाते हुए सोचा। उसने यम के किसी भी पूर्वज की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी आंखों में एक काली रोशनी टिमटिमा उठी। तुरंत उसके चारों ओर की काली इन ऊर्जा तेजी से हवा में प्रसारित होने लगी। इससे पहले कि तीन यम पूर्वजों में से कोई भी प्रकाश में घिरे क्षेत्र से बच पाता, वे पहले ही अंधेरे के विशाल ज्वार से पीछे की ओर कुचल दिए गए थे।
प्रभाव इतना जबरदस्त था कि वे पूरी तरह से पीछे धकेल दिए गए जहां यूंचे खड़ा था, जो इस प्रकाश का केंद्र भी था। उनका विलाप तुरंत कई गुना अधिक दयनीय हो गया। भले ही वे यूंचे के पैरों के ठीक बगल में थे, लेकिन उनकी इच्छाएं इतनी पूरी तरह से ढह गई थी कि वे विरोध करने की थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति नहीं जुटा सके। उन्होंने फिर भी क्षेत्र से भागने की पूरी कोशिश की। वे प्रकाश की इस दुर्गति से बचने के लिए कुछ भी करेंगे, एक ऐसी दुर्गति जो उनके सहन करने के लिए बहुत क्रूर थी। हालांकि हर बार जब वे भागने की कोशिश करते तो उन्हें अंधेरे के तूफान द्वारा बलपूर्वक पीछे धकेल दिया जाता, जिसका विरोध करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन वे एक पल के लिए भी इस नारकीय रोशनी से बच नहीं पाए। उनका अधिकांश मांस पहले ही इस प्रकाश द्वारा भस्म हो चुका था और उनके हाथ और पैर फिर से गायब होने लगे थे। उनकी आत्मा को थोड़ा थोड़ा करके नष्ट करने का दर्द नरक के भीतर नरक में गिराए जाने जैसा था। आखिरकार उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया था। उन्होंने यूंचे से अपने जीवन की भीख मांगने के लिए चेतना और इच्छा शक्ति के आखिरी टुकड़े का इस्तेमाल किया। शायद उन्होंने अपने जीवन में, जो लगभग 10 लाख वर्षों तक फैला था, एक बार भी कल्पना नहीं की थी कि वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा जब वे इस नीच और दयनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे। ओह, यूंचे सुस्ती से उनकी ओर मुड़ा और उसने शुष्क हंसी उड़ाई। हालांकि उनके शरीर से निकलने वाली पवित्र गहन रोशनी जरा भी कमजोर नहीं हुई। क्या इसका मतलब ये है कि आप अंततः जानते हैं कि आपका स्वामी कौन है? हम तैयार हैं, अर्ग, तुम्हें अपना मालिक मानने को तैयार है। वाह, मुझे बख्श दो, अर्ग, वह इस दर्द को सहने के लिए मजबूर होने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। हालांकि शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर में आत्महत्या भी अभी उसके लिए एक असाधारण इच्छा से अधिक कुछ नहीं थी। हम आपको अपने स्वामी के रूप में पहचानने के इच्छुक हैं। अन्य दो यम पूर्वज जोर जोर से चिल्लाने लगे। बहुत अच्छा, यूंचे ने अपना हाथ हटा लिया और रोशनी गायब हो गई। उनका दयनीय विलाप एक बार फिर शांत हो गया और तीन यम पूर्वज फर्श पर गिर पड़े। वे जोर जोर से सांस लेने के लिए हौंफने लगे और खून की हर बूंद, उनके शरीर पर मौजूद बालों का हर कतरा अनियंत्रित रूप से कांपता और ऐंठना जारी रखा। गंदे तरल पदार्थ ने उनकी पैंट के अगले हिस्से को भी भिगो दिया था और उनके नीचे एक बड़ा गड्ढा बन गया था। तीन यम पूर्वजों के नेता यान अवाची पर बसने से पहले यूंचे की नजर उन पर पड़ी। वह यान अवाची की ओर चला और ठीक उसके सामने रुक गया। जैसे ही उसने यान अवाची की दयनीय और खेदजनक छवि को देखा, उसने धीरे से अपना हाथ उसके सिर के ऊपर की ओर बढ़ाया। क्या आप क्या करने जा रहे हैं? यान अवाची ने धीमी आवाज में पूछा। यूंचे ने तिरछी आंखों से कहा, निश्चित रूप से मैं आप सभी पर एक गुलाम छाप डालने जा रहा हूँ। क्या तुम तीनों बूढ़े भूत यह सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? हे, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी विरोध करना चाहते हो? दो शब्दों, गुलाम छाप के कारण तीन यम पूर्वजों के शरीर कठोर और कठोर हो गए। वे तीन यम पूर्वज दास छापों से चिन्हित होने वाले थे। वह कितना अपमान होगा, ये कितना बड़ा मजाक होगा, वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? यान अवाची के शरीर में एक कपकपी दौड़ गई, इससे पहले कि वह एक उग्र बैल की तरह अपने शरीर को यूंचे की ओर उछालता। उसे उम्मीद थी कि वह अपने शैतान पंजों और आंशिक रूप से बरामद ताकत से यूंचे को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन जिस चीज ने उनका स्वागत किया वह प्रकाश गहन ऊर्जा की एक और चमक थी। वाह, यह ऐसा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने यान अवाची को मक्खी की तरह जमीन पर पटक दिया हो। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और तीन यम पूर्वजों की मौत की चीखें एक साथ एक गंभीर अंतिम संस्कार में बदल गईं जो इस असीम अंधेरे में गूंज उठी। यूंचे मुस्कुराते हुए सीधे खड़े हो गए और कहा, बहुत अच्छा, अब आप यम पूर्वजों के लिए अपना सम्मान साबित करने का समय आ गया है। यदि आपको निश्चित रूप से कुछ अधिक समय तक संघर्ष करना पड़े तो मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मेरे पास दुनिया का सारा समय है। यम क्षेत्र, शाश्वत अंधकार का शैतान महल। शाही पिता यान जी ने यम सम्राट यान तियानक्सियो के पीछे सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। यान तियानक्सियो ने पलट कर पूछा, क्या हमने अपने तीन पूर्वजों से कुछ सुना है? यान जी ने सिर हिलाया, अभी तक कुछ भी नहीं। क्या सीलिंग डीप फॉर्मेशन पर हमला किया गया है? यान तियानक्सियो ने पूछा। यान जी ने उत्तर दिया, ये बच्चा पिछले कुछ दिनों से इसे व्यक्तिगत रूप से देख रहा है। शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर को सील करने वाली महान संरचना किसी भी प्रकार की ऊर्जा से प्रभावित नहीं हुई है। ये शब्द कहने के बाद वह खड़ा हुआ और बोला, हालांकि यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। अब जब वह हमारे तीन पूजनीय पूर्वजों के चंगुल में फंस गया है तो वह संघर्ष भी नहीं कर पाएगा।
भले ही बैरियर को पूरी तरह से खोल दिया गया हो, फिर भी उसे भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यान तियानक्सियाओ की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। शाही पिता, क्या आप चाहते हैं कि यह बच्चा अंदर जाकर देखे? यान जी ने पूछा। नहीं, यान तियानक्सियाओ ने हाथ उठाया। कम से कम यू चे के बारे में एक बात सच है और वही ये है कि उसे एक शैतान सम्राट की शक्ति विरासत में मिली थी। हमारे तीन पूजनीय पूर्वज बहुत लंबे समय से अनंत अंधकार के अस्थि सागर में फंसे हुए हैं और उनकी सबसे बड़ी इच्छा हमारी सीमाओं से परे अंधेरे के क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होने की है। युनचे को पकड़ने के बाद मुझे यकीन है कि वे शैतान सम्राट की विरासत से संबंधित सभी रहस्यों को उसके शरीर से निकालने के लिए अपने सभी तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। वे उसके शरीर से इसे लूटने में भी सक्षम हो सकते हैं। हालांकि वह जानता था कि यह संभावना बेहद क्षीण है, फिर भी अगर मौका मिले तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा। वास्तव में वे उससे इसे प्राप्त करने के लिए अपने पास मौजूद हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वे अंत में सफल हो या असफल। मामला सुलझने के बाद आदरणीय पूर्वज अपनी इच्छा से सामने आएंगे। यदि आपको कब्र के भीतर कोई गतिविधि महसूस नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वे वर्तमान में इस मामले में अपना सारा प्रयास लगा रहे हैं। यदि आप बिना सोचे समझे कब्र में प्रवेश करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यान जी कांप उठे और उन्होंने जल्दी से कहा, शाही पिता सही कह रहे हैं। ये बच्चा उतावलेपन से बोला। हालांकि यान तियानक्सियाओ ने दूर तक देखने के लिए अपना सिर उठाया। 6 दिन हो चुके हैं लेकिन सोल चोरी क्षेत्र में कोई हलचल का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। क्या वे मानते हैं कि यूचे ने हम सभी को डरा दिया है और वर्तमान में खेती के लिए अनंत अंधकार के अस्थि सागर का उपयोग कर रहा है? हम कितना हास्यास्पद है। आत्मा चोरी क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कुछ लोगों को भेजे। यदि उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। हाँ, यान जी ने उनके आदेश स्वीकार किए और चले गए। यान तियानक्सियाओ काफी देर तक मौन विचार में डूबा रहा, लेकिन वह ऐसे किसी भी परिदृश्य के बारे में नहीं सोच सका जहां युनचे उन पर बाजी पलटने में कामयाब हो सकता था। वास्तव में उसे ये भी संदेह होने लगा था कि युनचे चिबुयाओ के डिस्पोजेबल मुहरों में से एक हो सकता है। चिबुयाओ के अतुलनीय निर्दयी और शातिर तरीकों को देखते हुए ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो वह करेगी। तो यान तियानक्सियाओ ने भी यही बात मान ली। बात बस इतनी सी थी, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि यम क्षेत्र के तीन प्राचीन संस्थापकों के साथ पिछले 6 दिनों से कैसा व्यवहार किया जा रहा है। गड़गड़ाहट, 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 अनंत अंधकार के अस्थि सागर में भारी विस्फोट हुए। हालांकि ऊर्जा के ये धरती हिला देने वाले विस्फोट पूरी तरह से कर्कश चीखों से घिर गए थे जो बहुत अधिक दयनीय थे। यू चे के शरीर से शुद्ध सफेद रोशनी चमक रही थी और शैतान को मारने वाली स्वर्गीय तलवार हवा में बिना किसी अंत के घूम रही थी। उसकी अत्याचारी तलवार हल्की गहन ऊर्जा से युक्त थी जो इस स्थिति में अतुलनीय रूप से पवित्र और क्रूर दोनों थी, क्योंकि उसने लगातार 3 यम पूर्वजों के शरीरों पर हमला किया था। हेवनली वुल्फ स्लैश वाइल्ड फैंग, हेवनली स्टार विलाप, तात्कालिक नरक आपदा, नीला वुल्फ क्लॉ, ब्लडमून अमर हत्या तलवार, हेवनली वुल्फ हेल गॉड स्टॉर्म के पहले 6 रूपों ने 3 यम पूर्वजों पर लगातार बमबारी की। वर्तमान युग की सबसे अत्याचारी और जबरदस्त भारी तलवार शैली के रूप में, यहां तक कि हेवनली वुल्फ हेल गॉड स्टॉर्म के पहले रूप हेवनली वुल्फ स्लैश ने भी भारी मात्रा में ऊर्जा समाप्त कर दी। युनचे अपनी सामान्य साधना के दौरान कुछ बार इसका अभ्यास करने के बाद आमतौर पर थकावट महसूस करते थे, हालांकि वह स्थान पर जी भरकर अपनी तलवार घुमा सकता था। पिछले 6 दिनों में उसने धीरे धीरे हेवनली वुल्फ हेल गॉड स्टॉर्म पर अपनी महारत मजबूत कर ली थी और 3 यम पूर्वज उसकी तलवार कौशल का अभ्यास करने के लिए मात्र पंचिंग बैग बन गए थे। इसके अलावा वे पंचिंग बैग थे जो मर भी नहीं सकते थे। भले ही वे उन्मादी तलवार की शक्ति और प्रकाश की गहन ऊर्जा से आधे में कट गए हो, लेकिन जब वह अपना प्रकाश वापस ले लेते थे तो वे तेजी से पुनर्जीवित हो जाते थे। इस प्रकार की अविनाशीता अद्वितीय स्वर्ग विरोधी क्षमता थी जो 3 यम पूर्वजों ने अतीत में प्राप्त की थी, लेकिन युनचे की हल्की गहन ऊर्जा के कारण यह अब उनके सबसे बड़े दुःस्वप्न में बदल गया था। वे अब तक अनगिनत बार अपनी शक्ति और भूत के पंजों का इस्तेमाल करके अपने ही शरीर पर हमला कर चुके हैं और अपना गला काट चुके हैं। उन्होंने अपनी शिरोबिंदु और जीवन शिराओं को भी विस्फोटित करने का प्रयास किया था। वे मरना चाहते थे, उनके सभी विचार और इच्छाएं मृत्यु की भीख मांग रहे थे। हालांकि उनके जीवन और आभा अनंत अंधकार के अस्थि सागर
से जुड़े हुए थे। उनका एकमात्र बचाव ये था कि यदि वे शाश्वत अंधकार के संपूर्ण अस्थि सागर को छोड़ सकते थे और नष्ट कर सकते थे, या यदि वे यूं चेकी प्रकाश गहन ऊर्जा द्वारा इस पृथ्वी के चेहरे से पूरी तरह से मिटा दिए जाते थे, वरना उनके लिए मरना एक खूबसूरत कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन यूचे वास्तव में उन्हें मारना या उन्हें जाने का मौका क्यों देना चाहेगा? प्रकाश के इस दुर्गम स्थान में उनके लिए केवल असीम निराशा और अंतहीन यातनाएं ही बची थीं। कभी कभी यूनचे इस प्रकाश को आग में बदल देता था और वह लगातार 9 सन्स हेवन्स फ्यूरी और वर्ल्ड इल्यूमिनेटिंग रेड लोट्स को हमला करता था, ऐसे हमले जिन्हें शुरू करने में उन्हें जलाने में उसे आमतौर पर लंबा समय लगता था। लेकिन ये चिलचिलाती नरकनकाल यम पूर्वजों के लिए एक बड़ी राहत थी। ये दुखद और क्रूर यातना पिछले 6 दिनों से बार बार दोहराई गई। उनके शरीर और आत्माएं अनगिनत बार नष्ट हो चुकी थीं और पुनर्स्थापित हो चुकी थीं। उनके फटे हुए गले आपस में जुड़ गए थे, इससे पहले कि उनकी चीखें उन्हें फिर से फाड़ देती। बजना, यूचे ने अपनी तलवार वापस ले ली और उसके शरीर से निकलने वाली सारी प्रकाश गहन ऊर्जा गायब हो गई। 3 यम पूर्वज अंधेरे में इधर उधर रेंगते रहे। जैसे ही उनके शरीर कांपने लगे और उनकी आत्माएं कांपने लगी, वे एक बार फिर खुद को बहाल करने लगे। हालांकि उन्होंने अब भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह बेकार था, पूरी तरह से बेकार। वो इंसान बिल्कुल शैतान जैसा था। नहीं, वो किसी भी शैतान से लाखों गुना ज्यादा भयानक और क्रूर था। वह अंधकार का सच्चा शासक था। इस स्थान की सारी काली इन ऊर्जा उसके नियंत्रण में थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वे तीनों भाग सके। मुझे मार डालो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे मार डालो। सबसे पहले उन्होंने उसे भयंकर रूप से शाप दिया और उस पर अपनी अवज्ञा की गर्जना की। भले ही वे मौत की भीख मांगे, फिर भी वे कुछ ऐसा चिल्लाएंगे जैसे, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। लेकिन अब वे उससे सबसे दयनीय तरीके से भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। मृत्यु, प्रकाश के इस नरक में वे मृत्यु से मुक्ति से अधिक मधुर और सुंदर कुछ भी नहीं सोच सकते थे। यदि यह कोई अन्य तिकड़ी होती तो इस प्रकार की यातना ने उन्हें बहुत पहले ही पागल कर दिया होता। हालांकि केवल उनके शरीर ही पुनर्जीवित नहीं हो रहे थे, बल्कि उनकी आत्माएं भी पुनर्जीवित हो रही थी। यहां तक कि अचेत अवस्था में गिरना भी उनके लिए एक दिवास्वप्न के अलावा कुछ नहीं था। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, कृपया मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। दर्द की ये कराहें हर यम पूर्वज के मुंह से निकली। उनकी निराशा और द्वेख इतना चरम था कि यहाँ की काली इन ऊर्जा भी उनके साथ विलाप करती प्रतीत होती थी। मौत, यूनचे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसने हड़बड़ी में कहा, आप सभी बहुत उपयोगी पुराने भूत हैं। मैं संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में आप जैसी दूसरी तिकड़ी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें मरने दूं तो ये बहुत ही बेकार होगा। आप यान अवाची पीछे मुड़ा, लेकिन जब यूचे की आकृति उसकी आंखों में गई तो उसके शरीर का हर एक हिस्सा डर से कांप उठा। आप वास्तव में कौन है? यह आसान है, यूचे ने कहा। या तो आप दास छाप स्वीकार करें या हम ये खेल खेलना जारी रखें। हफ हफ, यान वानहुन जोर से हौंफने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी क्रूर निर्णायकता की झलक थी। हम तीनों ने अस्थि सागर पर विजय प्राप्त की, यम साम्राज्य की स्थापना की, समस्त सृष्टि से ऊपर खड़े हुए। भले ही हमें शाश्वत दंड के लिए सौंप दिया जाए, हम कभी भी आपके कुत्ते नहीं बनेंगे। वे यम क्षेत्र के संस्थापक पूर्वज थे, जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अस्तित्व था। यदि वे किसी को अपने ऊपर गुलामी की छाप डालने की अनुमति देते हैं, तो जीवन भर उन्होंने जो गौरव और सम्मान जीता है वह शर्म में बदल जाएगा। इस घटना से संपूर्ण यम क्षेत्र भी पूरी तरह से अपमानित होगा। यहाँ तक कि उनकी शक्तियां भी किसी और की संपत्ति बन जाएंगी, और सबसे पहली चीज जिसकी ओर उन्हें इशारा किया जाएगा वह उनका अपना यम क्षेत्र होगा, वह क्षेत्र जिसके लिए उन्होंने अपने अनगिनत वंशजों के साथ अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इस प्रकार भले ही उन्हें कगार पर धकेल दिया गया हो, वे कभी भी आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं होंगे। कुत्ता, यूनचे हंसे, इस दुनिया के सामान्य लोगों के लिए किसी और का कुत्ता बनना वास्तव में शर्मनाक होगा। लेकिन तुम तीन पुराने भूतों ने सैकड़ों हजारों साल अंधेरे में छुपे हुए बिताए हैं। मैं ये भी नहीं बता सकता कि क्या आप अब इंसान हैं। आखिर आपका जीवन उस कुत्ते के जीवन से कैसे तुलनीय है जो बाहर स्वतंत्र रूप से रह रहा है? अगर मैं बाहर गया और एक रक्षक कुत्ते को पकड़ लिया, तो वह निश्चित रूप से आप तीनों के साथ स्थान बदलना नहीं चाहेगा। क्या आपकी त्वचा कुछ ज्यादा मोटी नहीं है? आप ये भी सोचेंगे कि आप सबसे पहले अपनी तुलना एक कुत्ते से कर सकते हैं। क्या तुम कुत्ते से तुलना करने के भी योग्य हो? सांस लेने में कठिनाई होने पर तीन यम पूर्वजों के सिर नीचे झुक गए।
उन्होंने यूचे को जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। प्रकाश के उस शुद्धिकरण से पहले इस प्रकार के मौखिक अपमान का अब कोई मतलब नहीं रह गया था। ओह, ये सही है। यूचे को अचानक कुछ याद आया। उसने धीमी आवाज में कहा, पिछले कुछ दिनों से मुझे तुम तीनों के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। उसने एक हाथ उठाया और इस हरकत के कारण तीन यम पूर्वजों के शरीर में हिंसक रूप से ऐठन होने लगी। हालांकि इस बार यूचे के हाथ से कोई भयानक सफेद रोशनी नहीं चमक रही थी, इसके बजाय उसकी हथेली में गहरे गहरे प्रकाश का एक समूह स्पंदित हुआ। जब अंधेरे को नियंत्रित करने की बात आती है तो अंधेरे की शाश्वत आपदा जो मुझे स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट से विरासत में मिली है, उसका कोई सानी नहीं है, इसमें स्वाभाविक रूप से शामिल है। आपको अंधेरे की बेड़ियों को तोड़ने में मदद करना जो आपको अनंत अंधकार के इस अस्थि सागर से बांधती है। यूचे के शब्दों ने तीन यम पूर्वजों को कठोर बना दिया। उन्होंने धीरे से अपना सिर यूचे की ओर घुमाया और एक स्वर में हौंफते हुए कहा, क्या किया तुमने? अभी कहा, अभी तुम्हें इंसान भी नहीं माना जा सकता। आप इस अस्थि सागर के अंधेरे से बनी दयनीय कठपुतलियों से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा इंसान बनाने में मदद कर सकता हूँ। न केवल आप अपनी सारी शक्ति बरकरार रखेंगे, बल्कि आप अपनी जीवन शक्ति और आत्माओं पर भी एक बार फिर नियंत्रण पा लेंगे। वास्तव में इस स्थान को छोड़ने के बाद आप 10,000 वर्ष तक और जीवित रह सकेंगे। यान वांगुई ने अपने शरीर को घुमाते हुए कांपती आवाज में कहा, क्या क्या आप जो कह रहे हैं सच है? उनकी जीवन शक्ति और आत्माएं इस स्थान से स्वतंत्र हो जाएंगी और यहाँ से निकलने के बाद वे 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकेंगे। कितना विचित्र और सुंदर स्वप्न है, लेकिन इसकी कीमत मेरा कुत्ता बनने की है। यूचे के शांत शब्द अविश्वसनीय रूप से ठंडे थे, क्योंकि वे तीन यम पूर्वजों की आत्माओं पर भारी प्रहार करते थे। मत करो, उसकी चाल में मत फंसो, यान अवाची कर्कश आवाज में चिल्लाया। हम पहले से ही 8,00,000 से अधिक वर्षों से इस स्थान पर फंसे हुए हैं। उस तरह की चीज अस्तित्व में नहीं है, ये नामुमकिन है। वह केवल हमारे साथ खेल रहा है, हमें उसका प्रलोभन लेने के लिए प्रलोभित कर रहा है। हे, कितना हास्यास्पद है, यूचे ने यान अवाची का उपहास किया। अगर मुझमें तुम्हें इस जगह से बाहर लाने की क्षमता नहीं होती तो इस जगह पर जंजीरों से बंधे तीन अपाहिज कुत्तों के लिए मेरा क्या उपयोग होता? मेरे पंचिंग बैग के रूप में उपयोग करने के लिए क्या किसी का कुत्ता होना बहुत अपमानजनक है? ये वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि आपका स्वामी कौन है। ठीक है, यूचे ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां बंद की, काली ऊर्जा का समूह खत्म हो गया। आपको ये खबर पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। बनिंग मून क्षेत्र, एक राजा क्षेत्र जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक यम क्षेत्र के बराबर खड़ा था, पहले ही मेरे हाथों में आ चुका है, और अब मैं इस यम क्षेत्र का दावा करने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि अब आप में से कोई भी इसे आसानी से पूरा करने की मेरी क्षमता पर संदेह नहीं करेगा। तीन यम पूर्वजों के शरीर एक बार फिर ऐंठने लगे। एक बार जब मैं उत्तरी क्षेत्र के भीतर अंधेरी ताकतों को एकजुट कर लूंगा तो मैं अपनी तलवार अन्य तीन दिव्य क्षेत्रों पर रखूंगा और अंधेरे को उसके पिंजरे से मुक्त कर दूंगा। ये तीन दिव्य क्षेत्रों के हर कोने में बाड़ला देगा और अंधेरे को ईश्वर क्षेत्र का नया स्वामी बनने की अनुमति देगा। मैं न केवल अंधेरे का शासक बनूंगा, भविष्य में मैं स्वर्ग के नीचे हर चीज का स्वामी बनूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तीन यम पूर्वज अब यूचे को घूर रहे थे। वे उसके हर शब्द पर अड़े हुए थे, क्योंकि उसने वे अपमानजनक बयान दिए थे, क्योंकि उसने एक ऐसी महत्वाकांक्षा प्रदर्शित की थी जो उन्होंने अपने लंबे जीवन में कभी नहीं की थी। आप मेरे वफादार कुत्ते होंगे जो यम क्षेत्र की मदद करेंगे, पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र की मदद करेंगे, इस अंधेरे डिजाइन को साकार करेंगे। आप दुनिया के भावी शासक के वफादार कुत्ते होंगे। यूचे की आवाज धीमी और गहरी थी और वह धीमे और इत्मीनान से बोला। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी आंखों में एक गहरी अंधेरी रोशनी चमक उठी, एक ऐसा अंधेरा जिसे तीन यम पूर्वज भी नहीं देख सकते थे। चाहे ये तथ्य था कि वह उन्हें इस जगह से भागने में मदद कर सकता था, या अंधेरे की भव्य टेपेस्ट्री जो उसने उनके लिए बुनी थी, तीन यम पूर्वजों के लिए जो सबसे लंबे समय तक अनंत अंधेरे के अस्थि सागर में फंसे हुए थे, हर शब्द जो था यूचे के मुंह से निकली बात ने निस्संदेह उन पर बहुत प्रभाव डाला था। यूचे निश्चित रूप से उन्हें सबसे पहले इस बारे में बताना नहीं भूली थी। एक बार जब किसी व्यक्ति के शरीर पर गुलाम की छाप लगा दी जाती है तो वे जीवन भर उस व्यक्ति के वफादार कुत्ते बन जाते हैं जिसने उन पर यह छाप लगाई होती है। यम पूर्वजों जैसे अस्तित्व के लिए वे इसे स्वीकार करने में सक्षम नहीं होंगे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों।
लेकिन जब उनके साथ इस दुखद तरीके से बार बार क्रूरता बरती गई, जब वे इस नारकीय यातना से गुजरे जहां वे मर भी नहीं सकते थे, तब उन्होंने अचानक एक ऐसा उपहार लटकाने का फैसला किया जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी उनके सामने देखने की हिम्मत नहीं की थी। उसने उन्हें अपनी राजसी योजना भी बताई थी, एक योजना जो किसी भी गहन अभ्यासकर्ता के दिल और आत्मा को प्रज्वलित कर देगी। ऐसे मामले में यहाँ तक कि सबसे दृढ़ इरादों वाला और दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति भी आसानी से धूल में मिल जाएगा। जैसे ही तीन यम पूर्वजों की निगाहें बुरी तरह से डगमगा गईं, यूचे ने धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा, या तो आप इस खाई में फंसे खटमल बने रहना चुन सकते हैं, या आप प्राइमल के भविष्य के शासक के वफादार कुत्ते बनना चुन सकते हैं अव्यवस्था। अभी मैं तुम्हें यह विकल्प चुनने का एक और मौका दूंगा। बेशक आपको अभी भी मना करने का अधिकार है। वास्तव में मेरा अभी तक खेलने का मन नहीं भर पाया है, इसलिए मेरे पास आपका साथ देने के लिए दुनिया का पूरा समय है। उनके शब्द किसी सम्राट के स्वर्गीय आदेश के समान थे, लेकिन वे एक राक्षस के मजाकिया शब्दों के समान भी थे। ओह, यान वांगुई ने चलना शुरू कर दिया। वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा और धीरे धीरे कांपते पैरों पर यूचे की ओर चला गया। उसके बाद वह यूचे के सामने रुक गया और अपने घुटनों के बल बैठ गया। बूढ़ा भूत, तुम क्या कर रहे हो? यान अवाची दहाड़ने लगा और उसकी आंखें तेजी से बाहर निकल आईं। वह सही है, यान वांगुई बहुत कठिनाई से बोला। उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द के साथ एक दांत टूटना प्रतीत होता था। इस स्थान पर अपने बाकी दिनों में न तो जीवित और न ही मृत बनकर छिपने की तुलना में मैं एक कुत्ता बनना पसंद करूंगा जो सूरज की रोशनी में अटखेलियां कर सकता है। इसके अलावा उसके पास हमें छोड़ने की शक्ति है। तीन पुराने भूत जो सोचते थे कि हम अजय हैं, मौत की भीख मांग रहे हैं। वह एक शैतान सम्राट का उत्तराधिकारी है। उसकी इस दुनिया को अंधेरे में रंगने की महत्वाकांक्षा है। उसका कुत्ता होना ऐसा नहीं है, आखिरकार बहुत बुरा लग रहा है। जहां तक ये सच है या झूठ है, इसका परीक्षण मैं ही करूंगा। दरार, उसका एक और दांत टूट गया था और उसके मुंह से काला खून निकलने लगा था। जब उसने अपनी सबसे निर्दयी और दृढ़ आवाज में सबसे कठिन शब्द कहे, तो उसने यूचे को गुस्से से देखा। पौधा लगाओ अपनी मुहर, बूढ़ी गुई तुम। यान वांगुई की दृढ़ घोषणा के कारण यान वानची और यान वानहुन की आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गईं। हालांकि उनमें से कोई भी उसे रोकने की बहुत कोशिश नहीं कर रहा था। वे तीनों एक ही भाग्य और यातना से पीड़ित थे। यदि यान वांगुई का विश्वास हिल गया तो उनका भी। इसलिए जब यान वांगुई ने स्वेच्छा से दास छाप प्रत्यारोपित होने की पेशकश की, तो वे भी ये देखना चाहते थे कि क्या यूचे वास्तव में अपना वादा पूरा कर सकता है। बहुत अच्छा, यूचे ने यान वांगुई के सिर को अपनी हथेली से ढकने से पहले उसकी ओर स्वीकृति पूर्वक देखा। यान वांगुई ने और अधिक हिंसक तरीके से कांपना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कुछ भी बेवकूफी करने की कोशिश नहीं की और अपनी आत्मा की सुरक्षा को एक एक करके त्याग दिया जब तक कि वह पूरी तरह से रक्षाहीन नहीं हो गया। वह अपने दांतों को इतनी जोर से भींच रहा था कि वे एक के बाद एक टूटते जा रहे थे। यूचे ने ध्यान केंद्रित किया और एक गुलाम छाप बनाई जो सीधे यान वांगुई की आत्मा में चली गई। यान वांगुई एक पत्ते की तरह कांपने लगा और यान अवाची और यान वानहुन ने सहज रूप से अपनी सांसें रोक ली। लेकिन यान वांगुई ने दास की छाप को बिना किसी प्रतिरोध के अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने दिया। इस बिंदु से दास की छाप हमेशा उसका एक हिस्सा बनी रहेगी जब तक कि यूचे ने इसे स्वयं नहीं हटाया या उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गई। यान वांगुई अपने लोगों की पहली पीढ़ी थे जिन्हें यम वंश विरासत में मिला था। आज वह दास छाप प्रत्यारोपित होने वाले यम शैतानों में से पहले व्यक्ति बन गए। यूचे ने धीरे से यान वांगुई के सिर से अपनी हथेली हटा दी। थम, बूढ़े शैतान की हरकत की कठोरता अचानक गायब हो गई। उसने जमीन पर कराहते हुए कहा, आपका पुराना नौकर यान वांगुई आपका स्वागत करता है स्वामी। उसका क्रोध, अनिच्छा और घृणा ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। उनके मन में एकमात्र भावना जो रह गई वह थी पूर्ण भक्ति और श्रद्धा। जिस क्षण से उन पर दास की छाप थोपी गई, उन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही चीज की परवाह की, वह थी निष्ठापूर्वक यूचे की सेवा करना। वह कभी भी अपने स्वामी के शब्दों की अवज्ञा करने के बारे में नहीं सोचेगा। सीधे उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना तो दूर की बात है। वह अब हर मायने में यूचे का वफादार कुत्ता था। बहुत देर तक यान अवाची और यान वानहुन कुछ नहीं कह सके। उन्होंने यान वांगुई को जमीन पर ऐसे कराहते हुए देखा जैसे वह वहीं पैदा हुआ हो और दुख और पीड़ा की एक अवर्णनीय भावना में डूबा हुआ था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे यम पूर्वज एक दिन किसी दूसरे व्यक्ति के गुलाम बन जाएंगे।
दुखी जोड़ी को नजरअंदाज करते हुए युनचे ने यान वांगुई के सिर पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए काली ऊर्जा को अपनी हथेली में बुला लिया। फिर उसने यान वांगुई को कंधे पर जोर से पकड़ लिया। चर्चा: यान वांगुई कभी भी अपने मालिक की शक्ति का विरोध नहीं करेगा, इसलिए उसके पूरे शरीर में गहरी रोशनी फैलने और उसे निगलने में केवल एक पल लगा। आह, ओह! यान वांगुई की रुक रुक कर आने वाली चीखों ने यान अवाची और यान वानहुन की किसी भी उम्मीद को खत्म कर दिया और उन्हें सदमे और आक्रोश से भर दिया। क्या कर रहे हो? असल में तुम हो टकराना। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात खत्म कर पाते, अचानक काली रोशनी फूट पड़ी और यान वांगुई उड़ गई। यम पूर्वज उनके चरणों में उतरे। यान वांगुई जल्दी से अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया, लेकिन जब वह पूरी ऊंचाई पर पहुंच गया तो वह जम गया। अपने हाथों को घूरते हुए और थोड़ा कांपते हुए बूढ़ा शैतान ऐसा लग रहा था जैसे वह एक असंभव सपने में लीन था। यान अवाची और यान वानहुन भी बीच में ही ठिठक गए और उभरी हुई आंखों से अपने गुलाम साथी को घूरने लगे। अंततः उन्हें खुद को आश्वस्त करने में काफी समय लग गया कि उनकी आंखें और उनकी आध्यात्मिक धारणाएं उन्हें धोखा नहीं दे रही है। यान वांगुई की जीवन आभा और आत्मा आभा पूरी तरह से बदल गई थी। वे शक्तिशाली, अस्पष्ट और पूरी तरह से अलग थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनंत अंधकार के अस्थि सागर से उसका संबंध पूरी तरह से टूट गया था। पहले यदि यिन ऊर्जा का प्रवाह काट दिया जाता तो वे मृत और शक्तिहीन हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि युचे के आने से पहले उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध इसे अपने शरीर में प्रवेश करने से रोकने का कोई तरीका नहीं मिला था। हालांकि यान वांगुई न केवल जीवित था, उसकी शक्ति, आत्मा और जीवन शक्ति असंभव रूप से शक्तिशाली और स्थिर थी। आह आह आह! यान वांगुई के गले से एक अजीब सी कराह निकली जब उसने अपने हाथों को देखा। जब वह अंततः अपने आप में वापस आया तो वह फिर से अपने घुटनों पर बैठ गया और युचे को पहले से भी अधिक जोर से प्रणाम किया। उपकार के लिए धन्यवाद गुरु, धन्यवाद, धन्यवाद। उसका सिर बार बार जमीन से टकराता था। उसका बूढ़ा झुर्रियों वाला चेहरा वास्तव में आंसुओं से ढका हुआ था। एक दास छाप ने विषय को अपने स्वामी के प्रति पूरी तरह से वफादार और आज्ञाकारी बना दिया, लेकिन उनकी यादों को नहीं बदला या उनकी इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए यान वांगुई को ठीक ठीक पता था कि उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आया है। अब से आपका नाम यान थरी है, युचे ने उदासीनता से कहा। एक वफादार कुत्ते से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए नाम के बदले में अपना मूल नाम छोड़ दे, लेकिन उसका मानना था कि वह यान वांगुई को अपना उपनाम रखने की अनुमति दे सकता है, पहला उपहार जो एक मालिक अपने कुत्ते को देता है। यान थरी ने फिर से कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। अपने पुराने नौकर को एक नाम देने के लिए धन्यवाद स्वामी। अब से ये पुराना नौकर यान थरी है। बहुत अच्छा, युनचे ने सहमति में सिर हिलाया। इस बीच यान अवाची और यान वानहुन अभी भी अचंभे में थे। सर्वशक्तिमान पूर्वज से वफादार कुत्ते में यान वांगुई के जबरदस्त परिवर्तन का झटका उस झटके के करीब भी नहीं आया था जब उन्होंने अपने साथी की आभा में बदलाव देखा था। ओल्ड गुई, क्या तुम सच में? अब भी यान अवाची को अपनी इंद्रियों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही है। यान थरी उसकी ओर मुड़ा और उत्साह से बोला, ये सही है, मालिक सच कह रहे हैं। मैं अब पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई हूँ और अब जीवित रहने के लिए मुझे इस सड़े गले गड्ढे में रहने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो? स्वामी को आपके पहले से ही दास की छाप लगाने दे ताकि हम एक साथ अपने स्वामी की सेवा कर सके। न केवल आपका पुनर्जन्म होगा बल्कि आपको हमारे स्वामी की सेवा करने का सम्मान भी मिलेगा। संकोच करने का कोई कारण नहीं है। वह असंभव रूप से उत्साहित और उत्सुक लग रहा था। यह ऐसा था मानो वह यान अवाची और यान वानहुन को युचे के पास खींचने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। गुलाम छाप लगाए जाने के बाद युचे की सेवा करने से ज्यादा खुशी उसे किसी और चीज से नहीं हुई थी। इससे पहले कि यान अवाची और यान वानहुन कोई जवाब दे पाते, युचे अचानक मुस्कुराए और अपनी हल्की गहरी ऊर्जा को फिर से बुलाया। भयानक यातना एक बार फिर शुरू हुई और यान अवाची और यान वानहुन दोनों ऐसे चिल्लाए जैसे उनकी आत्माओं को 1000 ब्लेड से छेद दिया गया हो, बूचड़खाने में सुअरों की तरह। वे छटपटाते रहे और कीड़ों की तरह पूरी जमीन पर लौटने लगे। यान थरी खुद एक लोडेड स्प्रिंग की तरह तनाव में था और चीखने के लिए अपना मुंह खोल रहा था, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोक लिया और रोशनी को अपनी आंखों तक पहुंचने से रोकने के लिए हाथ उठाया। वह पूरी तरह से स्तब्ध लग रहा था। उसके शरीर पर चमकती रोशनी अभी भी उसे बेहद असहज महसूस करा रही थी, लेकिन एक क्षण पहले उसे जो यातना दी गई थी उसकी तुलना में ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में खड़ा हो। उसका शरीर अब भी ऐसा महसूस कर रहा था मानो आग उसे झुलसा रही हो, लेकिन वह पहले जितना असुरक्षित नहीं था।
जैसे ही उसने थोड़ी मात्रा में अंधेरी गहन ऊर्जा प्रसारित की, असहज भावना गायब हो गई जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। यान अवाची और यान वानहुन दर्द से कराह उठे क्योंकि हल्की गहन ऊर्जा उनके जीवन और आत्मा को जला रही थी। लेकिन दर्द की नारकीय धुंध में भी वे देख सकते थे कि यान थरी प्रकाश से पूरी तरह अछूता और अहानिकर था। उनकी चीखें विकृत हो गईं और उनका संघर्ष पहले से कहीं अधिक सचेत हो गया। एक अंधा व्यक्ति उनकी आंखों में इच्छा और परेशानी नहीं देख सकता था। इसलिए आपकी पसंद क्या है? युनचे के होठों से निकली शैतानी फुसफुसाहट उसके शरीर के आसपास की पवित्र रोशनी में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी। कृपया, युनचे का काम पूरा होने के ठीक बाद यान वानहुन जोर से चिल्लाया, कृपया मुझे दे दो, मुझे दास छाप दे दो। यान वानहुन का पतन भी आखिरी तिनका बन गया जिसने यान वानची की कमर तोड़ दी। एक बार जब किसी व्यक्ति का विश्वास नष्ट हो गया तो उनका गौरव और सम्मान मामूली बाधाएं थी जिन्हें धूल की तरह उड़ाया जा सकता था। यान अवाची वास्तव में युनचे के पैरों की ओर रेंगने लगा और वह पागलों की तरह चिल्लाया, मुझे दे दो, गुलाम छाप, दया, दया करो। युनचे ने अपनी हथेली मोड़ी और रोशनी एक बल्ब की तरह चमक उठी। ये बताना असंभव था कि यान अवाची और यान वानहुन के चेहरों का भूरा सफेद रंग निराशा का रंग था या राहत का। युनचे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और वे कांपती आंखों से उसकी ओर देखने लगे। हर बार जब वह एक कदम उठाता था तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह उनकी आत्माओं पर कदम रख रहा है। आखिरकार वह उन दोनों के सामने रुका और अपने बाएं और दाएं हाथों से उनके दोनों सिर पकड़ लिए। आराम करना, युनचे उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराए। अगर आपको लगता है कि आप अपना मन बदलना चाहते हैं तो उसका विरोध करें। मैं तुम्हें रोकने नहीं जा रहा हूं और मेरे पास किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा में जबरदस्ती गुलामी की छाप डालने की क्षमता नहीं है। मेरे पास अभी भी बहुत सारी अद्भुत तरकीबें हैं और इससे पहले कि मैं आपको वे सभी दिखाऊं, इसे यही समाप्त करना शर्म की बात होगी। क्या मैं सही हूँ? यान अवाची और यान वानहुन दोनों अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते। हालांकि युनचे से मिले उन्हें केवल 6 दिन ही हुए थे, लेकिन उसके प्रति उनका डर उस हद तक पहुंच गया था जिसकी कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था। यदि इस संसार में सच्चे शैतानों का अस्तित्व है तो उनसे पहले का मनुष्य भी उनमें से एक होगा। युनचे ने थोड़ा ध्यान केंद्रित किया और प्रत्येक हाथ में एक गुलाम की छाप बनाई। फिर उसने उन्हें यान अवाची और यान वानहुन की आत्माओं में प्रत्यारोपित किया। यद्यपि दोनों यम पूर्वज स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि दास की छाप उनकी आत्मा में बनाई जा रही है और इंजेक्ट की जा रही है, उनमें से किसी ने भी थोड़ा सा भी संघर्ष करने की कोशिश नहीं की। जब दास की छाप पूरी तरह से स्थापित हो गई तो आखिरकार युनचे की आंखों में थोड़ी खुशी और उत्साह जगमगा उठा। इस दूसरे से शुरू करते हुए उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सबसे रहस्यमय और भयानक प्राणी यम क्षेत्र के 3 संस्थापक स्वयं उनके वफादार कुत्ते थे। वे एक ऐसी शक्ति थे जो वास्तव में उनकी और केवल उनकी थी। जिस क्षण चिबुयाओ ने उसे 3 यम पूर्वजों के बारे में बताया, उसी क्षण से योजना उसके दिमाग में आकार लेने लगी थी। अब कुछ ही दिनों में उसने बिना किसी रुकावट के योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। एक ऐसी योजना जिसे क्रियान्वित करने के बारे में केवल वही सोच सकता था। 3 प्राचीन देव सम्राट प्राणी, शब्दों से यह वर्णन भी नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में उनकी मुट्ठी में कितनी महान शक्ति है। इसके बाद युनचे ने अंधेरे की शाश्वत आपदा प्रसारित की और वही किया जो उसने पहले यान वांगुई के साथ किया था। उन्होंने अनंत अंधकार के अस्थि सागर के साथ उनके संबंध को ठीक किया। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, 3 यम पूर्वजों को शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर के नियमों से मुक्त करने और फिर से स्वतंत्र संस्था बनने के बाद वे अधिकतम 10,000 वर्षों तक जीवित रह सकते थे। लेकिन युनचे के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त समय से अधिक था। उपकार के लिए धन्यवाद गुरु। यान वांगुई की तरह यान अवाची और यान वानहुन अनंत अंधकार के अस्थि सागर की बेड़ियों से मुक्त होने के बाद खुशी से रो रहे थे। अब से आप यान वन हैं, युनचे ने यान वानहुन पर जाने से पहले यान अवाची से कहा। और आप यान टू हैं, क्या तुम समझ रहे हो? हमें नाम देने के लिए धन्यवाद गुरु। दोनों यम पूर्वजों ने युनचे को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम किया। अब युनचे ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। मुझे यम डेविल्स की शैतान मूल कलाकृति दो। युनचे को पता नहीं था कि यम क्षेत्र की शैतान मूल कलाकृति क्या थी। इस बारे में उन्होंने कभी किसी से कोई जानकारी भी नहीं ली थी। लेकिन अगर वह अपने पैर की उंगलियों से भी सोचता तो भी वही ये समझ सकता था कि यह 3 यम पूर्वजों के साथ था। शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर और 3 यम पूर्वजों ने यम क्षेत्र की शक्ति और विरासत का मूल बनाया।
वे शैतान मूल की कलाकृतियों की रक्षा करने वाले भी सर्वश्रेष्ठ लोग थे। स्वाभाविक रूप से यह उनके कब्जे में होना ही था। इसके अलावा अनंत अंधकार के अस्थि सागर में फंसे होने के कारण तीन यम पूर्वज अभी भी जीवित और स्वस्थ थे। उनके पास अपने वंशजों को इतना कीमती खजाना देने का कोई रास्ता नहीं था। दुर्भाग्य से वे युनचे का सामना करने के लिए काफी समय तक जीवित रहे। हाँ मास्टर, अप्रत्याशित रूप से यानवाची उसके पास आया और श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथों से लगभग 2 फीट लंबा एक काला चौकोर आकार का कड़ाही पकड़ लिया। युनचे ने इसे एक हाथ से पकड़ा और आधी सिकुड़ी आंखों से इसकी जांच की। बनिंग मून क्षेत्र में बनिंग मून एक्सक्लूसिव डेविल जेड प्राप्त करने के बाद यम क्षेत्र की जीवन रेखा भी उसके हाथों में आ गई थी। शाश्वत अंधकार के शैतान महल में सब कुछ शांत था। जिस दिन युनचे ने यम इंपीरियल जिले का दौरा किया था उस दिन से 10 दिन हो गए थे। यान तियानज़ियाओ ने अब तक अनंत अंधकार के अस्थि सागर के बारे में कुछ भी नहीं सुना था और उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। हालांकि सोल स्टीलिंग रियलम की पूर्ण चुप्पी ने उसे थोड़ा चिंतित कर दिया। कहावत थी कि हर असामान्य घटना के पीछे एक शैतान होता है। इस बात का जिक्र नहीं है कि चिबुयाओ औसत शैतान से भी ज्यादा डरावना था। तार्किक रूप से कहें तो आत्मा चोरी क्षेत्र को अब तक एक कदम उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंत में सबसे पहले उन्होंने ही अपना धैर्य खोया और कार्रवाई करने का फैसला किया। शाही पिता, क्या आप यात्रा पर जा रहे हैं? जब यान जी अपनी दैनिक रिपोर्ट बनाने के लिए आए तो उनके पिता शाश्वत अंधकार के शैतान महल की बाधा से गुजरने ही वाले थे। यान तियानक्सियाओ ने गंभीरता से कहा, जब से हमने आत्मा चोरी क्षेत्र को देखा है बहुत समय हो गया है। ये समय है जिए तुम मेरे साथ आओगे? हाँ शाही पिता। पिता और पुत्र दोनों बैरियर से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक उनके पीछे एक गगनभेदी विस्फोट हुआ। जब वे ये देखने के लिए पीछे मुड़े कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने काले प्रकाश के एक स्तंभ को अपने मुहाने से उड़ते हुए देखा, जो अनंत अंधकार के अस्थि सागर का प्रवेश द्वार था। उसी समय अंधेरे के तूफान ने प्रवेश द्वार पर सभी 36 सीलिंग बाधाओं को नष्ट कर दिया। बूम, यम डेविल दायरे की स्थापना के बाद से यह शायद अब तक का सबसे भयानक विस्फोट था। अनंत अंधेरे का पूरा शैतान महल हिल रहा था और विस्फोट से सदमे की लहर हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंच गई थी। क्या हो रहा है? यान जी ने सदमे में कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, अगली घटना से उसका आतंक 10 गुना बढ़ गया। गड़गड़ाहट, दरार, उनके सिर के ऊपर भूरे आकाश में अचानक काले रंग की दरारें दिखाई दी। उन्हें दुनिया भर में फैलने में मुश्किल से 1 या 2 सेकंड का समय लगा, जिसने पूरे यम इंपीरियल जिले को घेर लिया। केंद्रीय महल ढह रहा था और काले तूफान उसके अवशेषों को नष्ट कर रहे थे। लेकिन यान जी, यान तियानक्सियाओ और बाकी यम डेविल्स अपने सिर के ऊपर की काली दरारों से इतने स्तब्ध थे कि उन्हें अभी कोई परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि तोड़ने वाला आकाश कोई और नहीं बल्कि यम इंपीरियल डिस्ट्रिक्ट का महान सुरक्षात्मक गठन था। प्रत्येक तारा क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र एक शक्तिशाली अवरोध द्वारा संरक्षित था, विशेष रूप से राजधानी शहर जहां एक राजा क्षेत्र के देवता सम्राट रहते थे। वे दुनिया की सबसे मजबूत बाधाएं थी और उनमें से किसी को भी बलपूर्वक तोड़ने के लिए बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता थी। यह अंतिम प्राचीर थी जिसने एक राजा क्षेत्र को उसके शत्रुओं से अलग कर दिया था। लेकिन अब यम इंपीरियल डिस्ट्रिक्ट का महान सुरक्षात्मक गठन पूरे उत्तरी क्षेत्र का सबसे मजबूत रक्षात्मक अवरोध टूट रहा था। यम इंपीरियल जिला हिल रहा था। इसे देख रहे हर महिला पुरुष का दिल भी कांप रहा था। यहाँ तक कि यान तियानक्सियाओ की आंखें भी लाल और काली नसों से ढकी हुई थी। शाही पिता, इसी समय यान वू उसके बगल में प्रकट हुआ और पूछा, क्या हो रहा है? महान यम संरचना क्यों है? ?... यान तियानक्सियाओ कुछ नहीं कह सका। वह किसी और से ज्यादा ये जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। गड़गड़ाहट, शाश्वत अंधकार के शैतान महल से एक और जोरदार विस्फोट हुआ और विनाशकारी काला तूफान अचानक तेजी से फैलने लगा। संपूर्ण ग्रेट यम संरचना को ढकने वाली दरारें पूरी तरह ढहने से ठीक पहले बंद हो गई। दो स्वप्न समाप्त हो गया, नहीं, वह अचानक प्रकट होते ही रुक गया। उसी समय यान तियानज़ियाओ और बाकी सभी लोग शाश्वत अंधकार के शैतान महल के केंद्र की ओर मुड़े, जो शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर का प्रवेश द्वार था, और घूरने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रवेश द्वार से 3 टेढ़ी मेढ़ी और छोटी छोटी परछाइयां उभर रही थी। उनकी शैतानी शक्ति इतनी भयानक थी कि दुनिया उनकी उपस्थिति से स्तब्ध थी। यान तियानक्सियाओ को अंततः समझ आ गया कि क्यों महान यम संरचना लगभग टूट गई थी।
शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर को दर्जनों बाधाओं से सील कर दिया गया था और वह लगभग निश्चित था कि अंधेरे ऊर्जा के उस भयानक विस्फोट ने उन सभी को एक ही बार में नष्ट कर दिया था। अंधेरे का अस्थि सागर पूरे यम क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इसका आखिरी और सबसे मजबूत सीलिंग बैरियर सीधे ग्रेट यम फॉर्मेशन से जुड़ा था। यही कारण है कि अवरोध नष्ट होने पर महान यम संरचना गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। रूपक के तौर पर कहें तो यह ऐसा था जैसे किसी ने संरचना में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया हो। हालांकि इस खोज ने यांत्रियों को और भी अधिक चौंका दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जो कुछ भी जानता था वह उसे बताता था कि ऐसी शक्ति वर्तमान दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए। पूर्वज, हालांकि यांत्रियों अपने पूर्वजों का नाम कह रहा था, लेकिन यह अभिवादन से अधिक बड़बड़ाहट थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि उनकी आभा सामान्य से भिन्न थी, हालांकि वह ये नहीं बता सका कि वास्तव में क्या भिन्न था। अतीत में तीन पूर्वजों ने खुद को प्रचुर मात्रा में काली ऊर्जा में लपेटे बिना शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर को नहीं छोड़ा था। इसके अलावा समय के साथ काली शक्ति कम होती गई, इसलिए इसके पूरी तरह समाप्त होने से पहले तीनों पूर्वजों को कब्रिस्तान में लौटना पड़ा। हालांकि तीन पूर्वज अभी इन ऊर्जा से आच्छादित नहीं थे। उनके शरीर से निकलने वाली काली आभा स्पष्ट रूप से उनकी अपनी शक्ति थी, यम शैतानों की शक्ति। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वे ही थे जिन्होंने बैरियर को नष्ट कर दिया था। एक पूर्वज यान जी ने अपने घुटनों के बल गिरते हुए सदमे में कहा। उनका आंदोलन शुद्ध प्रतिवर्त था। यान वू ने भी फर्श पर घुटने टेके और कहा, नमस्कार पूर्वजो। अंधेरा तूफान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और हर कोई अभी भी सदमे में था। हालांकि किसी ने भी तीन यम पूर्वजों के सामने अशिष्ट व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे भी जल्दी से अपने घुटनों पर गिर गए। हैरान और हैरान यान तियानिक्सियाओ खुद जमीन पर घुटने टेकने ही वाला था कि अचानक उसने एक चौथी आकृति को अनंत अंधकार के अस्थि सागर के प्रवेश द्वार से उठते देखा। वह व्यक्ति तीन यम पूर्वजों के सामने आया और अर्ध मुस्कान के साथ उन्हें घूरने लगा। यूचे, यान तियानिक्सियाओ ने अपनी भौहों को गहराई से सिकुड़ने से पहले सदमे में कहा। क्या यान जी, यान वू, यम डेविल्स और यम घोस्ट सभी ने एक साथ देखा? लेकिन इससे पहले कि यान तियानिक्सियाओ कुछ और कर पाता, एक तेज गर्जना ने अचानक उसकी इंद्रियों को झकझोर कर रख दिया। तुम अपमानजनक छोटे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीधे हमारे मालिक को संबोधित करने की? उद्धरण चिन्ह .. विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कहना कि यान तियानिक्सियाओ स्तब्ध था बहुत बड़ी बात होगी। प्रश्नवाचक शब्द जो उसके गले से निकलने ही वाले थे सीधे उसके पेट में समा गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो आदमी उस पर चिल्लाया था वह पहला यम पूर्वज था, यान अवाची। यदि उसकी इंद्रियां उसके साथ चालाकी नहीं कर रही होती तो उसके पूर्वज ने कुछ ऐसा कहा होता। हमारे स्वामी, इससे पहले कि वह स्थिति का कुछ पता लगा पाता, एक और दहाड़ उसके कानों में गूंज गई। इस बार ये यान वानहुन था जिसने यान तियानिक्सियाओ पर उंगली उठाए और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अयोग्य वंशज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वामी के साथ इतना अशिष्ट व्यवहार करने की? पहले से ही अपने घुटनों पर बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह। यान तियानिक्सियाओ उत्तरी दिव्य क्षेत्र का सबसे मजबूत देवता सम्राट, वह व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता था, पूरी तरह से स्तब्ध था। उसकी दृष्टि काली हो रही थी और उसके होंठ कांप रहे थे। यदि यह स्वप्न था तो उसे आशा थी कि वह इसी क्षण जाग जाएगा। तभी उसने देखा कि उच्चे तीन यम पूर्वजों के सामने खड़ा था। उन्होंने महसूस किया कि तीनों यम पूर्वजों ने अपनी पीठ थोड़ी झुका ली थी, अपने सिर नीचे कर लिए थे और युवक के प्रकट होने के बाद सीधे उच्चे को घूरने से बचते थे। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि उनकी पिछली चीखें चिंता और सम्मान के स्वर से चित्रित थी जो एक ने इस्तेमाल की थी केवल अपने भगवान का सामना करते समय। तभी वह चीख निकली जिसने उसकी आत्मा को विदीर्ण कर दिया, हमारे स्वामी। ये लोग उनके पूर्वज थे, यम क्षेत्र के संस्थापक। वह स्तब्ध रह गया, पूरी तरह से और पूरी तरह से स्तब्ध। चाहे उसके पास कितनी भी इच्छा शक्ति और ज्ञान क्यों न हो, वह समझ नहीं पा रहा था या स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। बाकी यम शैतानों का प्रदर्शन यम सम्राट से भी बदतर रहा। यान जी, यान वू, यम डेविल्स और यम भूत या तो स्तब्ध भावों के साथ यम पूर्वजों को घूर रहे थे या मौके पर ही चुप हो जा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्थिति की बेतुकी स्थिति को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तियानिक्सियाओ, क्या तुम बहरे हो? यान वांगुई चिल्लाया, घुटने टेको, घुटने टेको। यान वन फिर चिल्लाया। यम पूर्वजों का प्रभाव प्रत्येक यम वंश के व्यक्ति के खून में गहरा था और यान तियानिक्सियाओ कोई अपवाद नहीं था। हालांकि यम सम्राट अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाया था,
वह कांप गया और अपने पूर्वजों की आज्ञा का पालन करने और अपने घुटनों पर गिरने के लिए मन की स्पष्टता प्राप्त कर ली। लेकिन वास्तव में वह किसके सामने घुटने टेक रहा था? उनके पूर्वज या यूचे? अरे, बहुत दिनों से नहीं मिले यम सम्राट, आप पिछले 10 दिनों से कैसे हैं? यूचे ने उदासीनता से उसका स्वागत किया। अनंत अंधकार के अस्थि सागर की यात्रा मेरे लिए दिलचस्प और फलदायी रही है। मुझे सबसे पहले प्रवेश देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए यम सम्राट। यान तियानज़ियाओ ने ऊपर देखा, लेकिन यूचे को कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस अपने पूर्वजों को देखता रहा। जब यूचे बोल रहा था तो वह अपना सिर उठाने से भी डर रहा था और कांपती आवाज में पूछा, आदरणीय पूर्वजों, क्या हो रहा है, उन्हें बताओ, यूचे ने लापरवाही से आदेश दिया। हाँ, यान वन ने शुरू करने से पहले उत्तर दिया, मेरे आदेशों पर ध्यान दो यम शैतानों के वंशज, आपके पूर्वज सैकड़ों सहस्राब्दियों तक शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर में फंसे रहे, लेकिन सम्राट यून को अपना गुरु स्वीकार करने के बाद हमने जीवन के प्रति उनका जुनून वापस पा लिया है। यान टू ने कहा, यम डेविल्स के वंशज होने के नाते अपने पूर्वजों की आज्ञाओं का पालन करना आपका स्वाभाविक कर्तव्य है। अब से सम्राट यून की इच्छा यम शैतानों की इच्छा है और उनके आदेश स्वर्ग के आदेश के समान ही अनुल्लंघनीय है। यान थरी ने कहा, यह आपके पूर्वजों का सर्वोच्च आदेश है और हमारे किसी भी वंशज को इस पर सवाल उठाने या अवज्ञा करने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उसके साथ देशद्रोही माना जाएगा और उसके साथ तदनुसार निपटा जाएगा। 3 यम पूर्वजों द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द ने उनके वंशजों की आत्माओं को 9 चरणों वाले बिजली के क्लेश की तरह छेद दिया। यम सम्राट से लेकर यम इंपीरियल डिस्ट्रिक्ट की सबसे दूर की दीवारों की रक्षा करने वाले यम सैनिकों तक हर कोई जो कुछ भी सुना उससे स्तब्ध रह गया। यह ऐसा था मानो किसी ने उनकी आत्मा में असंख्य ब्लैक होल डाल दिए हो। क्या उनके देश के सबसे सम्मानित वरिष्ठ यम क्षेत्र के 3 रक्षक देवता ने सिर्फ ये घोषणा की थी कि यूचे उनके स्वामी थे। इतना ही नहीं, वे चाहते थे कि संपूर्ण यम क्षेत्र भी यूचे को अपना स्वामी मानकर उसकी आज्ञा का पालन करे। क्या यह एक सपना था या स्वर्ग द्वारा किया गया एक हास्यास्पद मजाक? शाही पिता, किया यान जी ने खोई हुई दृष्टि से यान तियानक्सियाओ को गोली मार दी, लेकिन उसने पाया कि यम सम्राट सिर से पैर तक कांप रहा था। वह यम शैतानों के देव सम्राट और 3 यम पूर्वजों के सबसे करीबी रिश्तेदार थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें जो झटका महसूस हुआ वह उनसे कई गुना अधिक बड़ा था। क्या 3 पूर्वज पागल हो गए हैं? यान वू ने धीरे से खुद से फुसफुसाया। मेरे 3 पूर्वज यान तियानज़ियाओ ने भी जमीन से ऊपर देखा और वही बात बोली, क्या तुम सब पागल हो गए हो? बाकी यम शैतान शायद फुसफुसाहट से ज्यादा अपने संदेह व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन यान तियानज़ियाओ को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। वह व्यवहारिक रूप से 3 यम पूर्वजों पर चिल्ला रहा था। आखिरकार वे मांग कर रहे थे कि वह पूरे यम क्षेत्र को यूचे को सौंप दे। उन्होंने शुरू से ही कई बार गहरी ऊर्जा के साथ खुद पर हमला किया था। बार बार उसके शरीर को झकझोरने वाला दर्द उसे बता रहा था कि उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था वह कोई सपना नहीं था। यदि यह सपना नहीं था तो 3 यम पूर्वज पागल हो गए होंगे। कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वह तीसरी संभावना के बारे में नहीं सोच सका। तियानक्सियाओ, तुम छोटे लड़के, यान वन गुस्से से चिल्लाया, आप वर्तमान यम सम्राट हैं। आप सभी लोगों में से अपने पूर्वजों से ठीक से बात करना कैसे भूल सकते हैं? नहीं, तियानक्सियाओ अपने 3 पूर्वजों का कभी अनादर नहीं करेगा। यान तियानज़ियाओ ने दुखी स्वर में भीख मांगने से पहले गहराई से सिर झुकाया, लेकिन आप दुनिया के सर्वोच्च प्राणी हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कैसे झुक सकते हैं? यम क्षेत्र उत्तरी दिव्य क्षेत्र में 8 लाख वर्षों से मजबूत खड़ा है और इसे अजेय क्षेत्र बनाने के लिए अनगिनत लोगों ने इसमें अपने जीवन का खून बहाया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह अभी और हमेशा के लिए सभी यम शैतानों का गौरव है। तो आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं जैसे कि यह कुछ भी नहीं है? कैसे आप इतने हास्यास्पद निर्णय पर कैसे पहुंच गए? हास्यास्पद, हम तुम मूर्ख हो, यान टू ने जवाब दिया। यम दायरे की स्थापना हम 3 ने की थी। आप सभी हमारे बच्चे या पोते हैं। यदि हम अस्तित्व में नहीं होते तो यम क्षेत्र का अस्तित्व नहीं होता। ठीक वैसे ही अगर हम नहीं होते तो आप जैसे अयोग्य वंशजों का अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए हमें यम लोक के भाग्य और भविष्य का निर्णय क्यों नहीं करना चाहिए? यान थरी ने कहा, सम्राट यून शैतान सम्राट की विरासत का वाहक है और उसकी महत्वाकांक्षा अनंत आकाश जितनी महान है। आपको क्या लगता है कि हम 8 लाख वर्षों तक अनंत अंधकार के अस्थि सागर में मिट्टी की तरह क्यों रहे? यह इसी दिन के लिए था।
हमने यम दायरे की स्थापना इसलिए की थी ताकि उसे शीर्ष पर ले जाया जा सके और उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद की जा सके। क्या हमने आपको उस दुनिया का आनंद लेने की अनुमति नहीं दी है जिसे बनाने के लिए हमने अपने जीवन से संघर्ष किया है? क्या अब आप सचमुच हमारे आदेशों के विरुद्ध जाने वाले हैं? जब उन्होंने यान तियानेक्सियाओ से बात की तो वे उस पर कोई बुरा शब्द कहे बिना मुश्किल से एक वाक्य ही बोल पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मालिक के बारे में बात की, उनका स्वर तुरंत अप्राकृतिक श्रद्धा में बदल गया। यान तियानेक्सियाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फिर से बेहोश हो गया हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह यम सम्राट सदमे से बेहोश हो जाएगा। आदरणीय पूर्वज, इस बिंदु पर यान तियानेक्सियाओ का स्वर 3/10 रोष और 7/10 याचना वाला था। उन्होंने यूचे की ओर इशारा किया और दुखी होकर कहा, ये सच है कि यूचे शैतान सम्राट का उत्तराधिकारी है, लेकिन वह सिर्फ उत्तराधिकारी है, वह स्वयं शैतान सम्राट नहीं है। वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र से है और ऐसा कहा जाता है कि वह निचले क्षेत्र के निवासी के रूप में पैदा हुआ था। कैसे तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो मेरे पूर्वजो? यूचे जैसा तुच्छ लड़का आपसे इस स्तर के व्यवहार का हकदार नहीं हो सकता। हालांकि यान तियानेक्सियाओ पूरी तरह से व्याकुल था, उसने कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो वास्तव में असभ्य या अपमानजनक थे। दुर्भाग्य से उनके लिए, उनके शब्दों ने गुलाम यम पूर्वजों के उल्टे तराजू पर प्रहार किया और उन्हें इतना क्रोधित कर दिया कि उनके सिर के ऊपर जो भी बाल बचे थे वे खत्म हो गए, क्योंकि उनके चारों ओर काली ऊर्जा का विस्फोट हो गया। मौन, यान वन ने जोर से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वामी का इस तरह अनादर करने की? हरामी, यान टू ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें हमारे स्वामी का अपमान करने का साहस किसने दिया? अविवाहित वंशज, यान थरी ने कठोरता से कहा, अब माफी मांगो, नहीं तो हम परिवार से तुम्हारी गंदगी खुद साफ कर देंगे। यम पूर्वजों की शोकपूर्ण चीखें पूरे यम इंपीरियल डिस्ट्रिक्ट में गूंज उठी। उनके अलावा किसी और की आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। हर कोई स्तब्ध और अविश्वासी था। अपने पूर्वजों का क्रोध भड़कने के डर से उन्होंने एक शब्द भी बोलने या आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। यान तियानेक्सियाओ का दिमाग फिर से खाली हो गया। उसके पूरे दिल से समझाने के कारण ही उसे भयानक डांट मिली। यूचे के बारे में उनकी टिप्पणी को आलोचना के रूप में भी नहीं गिना गया और तीन पूर्वज इतने क्रोधित थे कि उन्होंने वास्तव में उसे मारने की धमकी दी थी। राख की तरह चेहरे पर उसने धीरे धीरे अपनी मुठियां भींच ली। तीन यम पूर्वज इतने बदल गए थे कि ऐसा लग रहा था मानो उन पर गुलामों की छाप लगा दी गई हो। लेकिन यान तियानेक्सियाओ ने इस पर बिल्कुल भी विचार किए बिना तुरंत उस संभावना को अपने दिमाग से मिटा दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अद्वितीय और सर्वशक्तिमान यम पूर्वज थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे किसी को अपने ऊपर दास की छाप डालने की इजाजत दे सके। उन्हें जल्द ही विश्वास हो जाएगा कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र अगले ही पल ध्वस्त हो जाएगा। यान तियानेक्सियाओ अनुभवहीन नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिस पर कोई तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक कि वे इसे अपनी आंखों से न देख ले। इसके अलावा वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यूचे ने तीन यम पूर्वजों को उदारता पूर्वक किस प्रकार का स्वर्ग और नरक दिखाया था, जबकि वह युवक अनंत अंधकार के अस्थि सागर में डूबा हुआ था। मानव स्वभाव के दो पक्ष थे, यहाँ तक कि सबसे दयालु व्यक्ति के अंदर भी एक शैतान होता है। जैसा कि बाद में पता चला, यूचे के अंदर का शैतान उसके जीवन में आए किसी भी खलनायक से भी बदतर था। अब तक किसी ने भी अपने देव सम्राट, उत्तरी दैवीय क्षेत्र के सबसे मजबूत देव सम्राट के बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा था, भले ही उसे अपमानजनक डांट का सामना करना पड़ा हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डांटने वाले स्वयं तीन यम पूर्वज थे। यम क्षेत्र के टोटेम पोल में जितना ऊंचा स्थान था उतना ही अधिक उन्हें तीन यम पूर्वजों के बारे में पता चला। क्या यम क्षेत्र अभेद्य था? वह था, लेकिन वह यह मान रहा था कि तीन यम पूर्वज उनके खिलाफ नहीं हुए। इसमें कोई शक नहीं कि यान तियानेक्सियाओ उत्तरी दिव्य क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली और सबसे खूनखार देवता सम्राट था। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से कहें तो तीन यम पूर्वजों के सामने वह एक परपोते से भी कम था। ये बूढ़े शैतान सैकड़ों हजारों वर्षों से अनंत अंधकार के अस्थि सागर में डूबे हुए थे। उनकी खेती उस पूर्ण शिखर पर पहुंच गई थी जिसे वे बहुत पहले ही प्राप्त कर सकते थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यम डेविल्स की शैतान मूल कलाकृति और यम क्षेत्र की जीवन रेखा यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन उनके कब्जे में थी। उन्होंने इसे कभी किसी को नहीं दिया था, इसलिए तीन यम पूर्वजों के पास निश्चित रूप से यम क्षेत्र के भाग्य को बदलने की शक्ति थी यदि वे चाहें। अंगिनत कांपती निगाहें यान तियानेक्सियाओ की पीठ पर पड़ी। यम शैतानों और यम भूतों के पास उत्तरी दिव्य क्षेत्र में महान शक्ति और स्थिति थी, लेकिन उनमें से किसी को भी यम पूर्वजों से बात करने का कोई अधिकार नहीं था।
यान तियानक्सियाओ ने अपनी मुठियां और कसकर भींचना जारी रखा। जल्द ही उसकी उंगलियों और दांतों के बीच से खून बहने लगा। जब उसने आखिरकार एक बार फिर अपने पूर्वजों का सामना करने के लिए ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर सदमे की जगह धीरे धीरे क्रूर दृढ़ संकल्प ने ले ली। अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूँ तो क्या आप ऐसे निर्णय पर आए हैं पूर्वजों? उसे एक कारण की आवश्यकता थी, एक ऐसा कारण जिसे वह थोड़ा सा ही समझ सके। यान वन ने गंभीरता से कहा, हम तीनों 800,000 वर्षों तक अनंत अंधकार के अस्थि सागर में फंसे रहे। इसने हमें अमरता प्रदान की, लेकिन इसने हमसे हमारी स्वतंत्रता भी छीन ली। ये हमारे स्वामी ही थे जिन्होंने हमें हमारी आजादी लौटा दी और हमें एक बार फिर दिन का उजाला देखने की अनुमति दी। यह एक ऐसा उपकार है जिसे हम 100 जन्मों तक वापस नहीं कर पाएंगे। यान टू ने गंभीरता से कहा, हमारा गुरु विधर्मी भगवान की दिव्य शक्ति का वाहक और शैतान सम्राट की विरासत का उत्तराधिकारी है। वह हमें जीतने में सक्षम था, भले ही वह स्तर 8 का दिव्य संप्रभु हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी तुलना उनसे की जा सके, और उनका सेवक बनने से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। यान थरी ने भावुकता से कहा, यम क्षेत्र समृद्ध है, लेकिन हम निस्संदेह पिछले 1,00,000 वर्षों से स्थिर हैं। हम उत्तरी दैवीय क्षेत्र के सबसे मजबूत राजा क्षेत्र हैं, लेकिन वास्तव में हम पिंजरे में बंद कैदियों के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि हमारे गुरु का लक्ष्य इस पिंजरे को तोड़ना और ईश्वर क्षेत्र को अपने लिए लेना है। जिस दिन हमारा स्वामी 3 राजा क्षेत्रों को एकजुट करता है, उसी दिन वह हमें हमारे पिंजरे से बाहर निकालता है और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के भाग्य को उलट देता है। एक महान उद्देश्य की सेवा करने से बड़ा सम्मान क्या होगा जिसे आने वाले 1,00,000 जन्मों तक गाया जाएगा। 3 यम पूर्वजों के भावपूर्ण भाषण ने स्वर्ग को हिला दिया। जिस भी यम शैतान ने ये सुना वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यान तियानजियाओ ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने एक कारण पूछा था और उसके पूर्वजों ने उसे 3 कारण बताए। उनका लहजा धार्मिक, भावुक और अस्वाभाविक रूप से पवित्र भी था। हालांकि उनमें से कोई भी कारण 800,000 वर्षों से उनके स्वामित्व वाले क्षेत्र को किसी बाहरी व्यक्ति को मुफ्त में देने के योग्य नहीं है, भले ही पैमाने को 100 गुना बढ़ाया गया हो। क्या तमाशा है, क्या मजाक! यान तियानजियाओ ने अपने पूर्वजों के आदेश का पालन नहीं किया। धीरे धीरे वह अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। बजना यम डेविल स्पीयर यान तियानक्सियाओ के सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर काली ऊर्जा से चमक रहा था और उसके बल उसकी ही शक्ति से हल्के से नाच रहे थे। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली देव सम्राट का चेहरा गहरे दर्द और द्वेख में डूबा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यम क्षेत्र के संस्थापकों, उन पूर्वजों के खिलाफ लड़ना होगा जिन्हें वह अब तक हर दिन सम्मान देता था। आदरणीय पूर्वज, यान तियानक्सियाओ ने धीरे और गंभीरता से कहा, आपके वंशज के रूप में ये बिल्कुल सही है कि हम आपके आदेशों का पालन करें। हालांकि जिस क्षेत्र की हम रक्षा करते हैं वह हर यम शैतान के गौरव, सम्मान और जीवन की पराकाष्ठा है जो पिछले सैकड़ों हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। इसलिए हम इसे किसी को नहीं सौंपेंगे, भले ही आप ही हो जिन्होंने हमें आदेश दिया हो। यान तियानजियाओ ने अपना सिर हिलाया और आखिरी बार 3 पूर्वजों के मन को बदलने की कोशिश की। पूर्वजों, आप ही हैं जिन्होंने यम लोक का निर्माण किया। आप ही हैं जिन्होंने शून्य से लेकर सब कुछ तक इसके विकास का निरीक्षण किया। तो कृपया उठो, आप ऐसा नहीं होने दे सकते। आप यूचे के प्रलोभन को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दे सकते। वह जानता था कि 3 यम पूर्वज सैकड़ों हजारों वर्षों से अंधेरे के पूर्ण शिखर की खोज कर रहे थे और शैतान सम्राट से यूचे को जो शक्ति विरासत में मिली थी वह स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक थी। यही कारण था कि वे यूचे की सेवा करने के लिए तैयार थे और यहाँ तक कि अपने स्वयं के क्षेत्र की पेशकश करने के लिए भी तैयार थे। सच कहूं तो यह उसके पूर्वज के व्यवहार में अचानक और भारी बदलाव को समझाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, लेकिन वह किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकता था। यान तियानजियाओ की कार्रवाई और शब्दों ने उनके रुख और निर्णय को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। उसके अलावा यान जी और यान वू भी बहुत ही संक्षिप्त क्षण की झिझक के बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए। बाकी यम शैतान, यम भूत, यम सैनिक, हर कोई भी अपने पैरों पर खड़े हो गए। एक ही स्थान पर एकत्र हो रही गहन ऊर्जा की भारी मात्रा के कारण पूरा यम इंपीरियल जिला इस तरह हिल गया जैसे उस पर एक साथ हजारों तूफानों का हमला हुआ हो। यान तियानक्सियाओ उनके देव सम्राट थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उन्होंने उसके निर्णय का समर्थन किया। इसके अलावा वे यम क्षेत्र को किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपने के इच्छुक नहीं थे, भले ही आदेश स्वयं 3 यम पूर्वजों की ओर से आया हो। हालांकि वे ये भी जानते थे कि 3 यम पूर्वज वास्तव में कितने भयानक थे। ऐसा कहा जाता था कि उनमें से कोई एक यम सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली था।
इसके अलावा वे वर्तमान में यम क्षेत्र के केंद्र शाश्वत अंधकार के शैतान महल में थे। यदि उन्होंने इसे यहाँ से बाहर निकालने का फैसला किया तो इसका परिणाम सबसे अच्छी जीत होगी। एक सहयोगी के रूप में तीन यम पूर्वज अंतिम सहारा थे, तुरुप के पत्तों का तुरुप का पत्ता। एक दुश्मन के रूप में वे किसी के लिए भी सबसे बुरा सपना थे, जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। तीन यम पितरों की आंखें एक पल में ठंडी हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि आप सभी हमारी इच्छा की अवज्ञा करेंगे? यान वन ने पूछा। यान त्यानज्यव अब शांत हो गया क्योंकि उसका मन बन गया था। मैं यम शैतानों का सम्राट हूँ और मैंने अपने लोगों की मृत्यु तक रक्षा करने की शपथ ली है। हम लड़ेंगे भले ही हमारे दुश्मन हमारे अपने पूर्वज ही क्यों न हो। लेकिन पूर्वजों, क्या आप अपने द्वारा बनाए गए यम राक्षसों को नष्ट करने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छा, तीनों पूर्वज क्रोध से उबल पड़े। यान टू ने चारों ओर देखा और कहा, जी भर कर विद्रोह करो, इससे हमारे लिए आप सभी को एक साथ हटाना आसान हो जाता है। पूर्वज यान वू की आंखें बेहद ठंडी लग रही थी। वे सभी जो यम शैतानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे हमारे कट्टर शत्रु हैं। भले ही वे हमारे अपने पूर्वज ही क्यों न हो। ये सही है, यान जी बेरहमी से घोषणा करने से पहले यान वू के बगल में खड़े थे। यदि तीन पूर्वज अपना मन नहीं बदलेंगे तो हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए विद्रोह करेंगे। हा 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 हा। इसी समय युनचे ने हल्की सी हंसी उड़ाए और धीरे से कहा, यान तियानेक्सियाओ, आप विरोध करने से पहले इस पर नजर क्यों नहीं डालते? उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक काली कड़ाही को अपनी हथेली पर बुलाया। उस पल में यम डेविल्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी आंखों की पुतलियों पर हथौड़ा घुमा दिया हो। यम शैतान नीदरलैंड क्रॉसिंग कड़ाही। सभी लोग सदमे में चिल्ला उठे। ये यम शैतानों की शैतान मूल कलाकृति थी जो उनकी विरासत और शक्ति की जीवन रेखा थी। यान तियानज़ियाओ लगभग अपने पैरों पर लड़खड़ा गया। अंत में सबसे खराब स्थिति घटित हो गई। नहीं, यह उस सबसे खराब स्थिति से भी बहुत अधिक खराब थी जिसकी उसने अपने मन में कल्पना की थी और फिर उसे सबसे पीछे के हिस्से में धकेल दिया था। उनकी कल्पना में तीन यम पूर्वज वे थे जिन्हें यम शैतान नेदर क्रॉसिंग कड़ाही से धमकाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में युनचे ही धमकी दे रहा था। सभी तर्कों को खारिज करते हुए उनके तीन पूर्वजों ने वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति को अपनी विरासत और शक्ति की जीवन रेखा दी थी। एक पल के लिए यान तियानज़ियाओ को वास्तव में ऐसा लगा जैसे दुनिया उल्टी हो रही है। क्यों? बस यही वजह, शाही पिता का क्या? यान जी ने स्पष्ट रूप से घबराई हुई आवाज में पूछा। यम डेविल क्राउन प्रिंस के रूप में उनके शैतान मूल कलाकृतियों के रहस्यों के बारे में उनका ज्ञान अधिकांश लोगों के लिए बौना था। यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन सिर्फ यम डेविल मूल शक्ति का वाहक नहीं था। बनिंग मून क्षेत्र और आत्मा चुराने वाले क्षेत्र की शैतान मूल कलाकृतियों के विपरीत इसमें यम शैतान की सारी शक्ति को बलपूर्वक वापस लेने की अत्याचारी क्षमता थी। उस अर्थ में ये ब्रह्म देव क्षेत्र की ब्रह्म आत्मा बेल के समान था। प्रारंभिक अराजकता के किनारे पर ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट ने कियाने यंत्र की शक्ति को बलपूर्वक वापस लेने के लिए ब्रह्मा सोल बेल का उपयोग किया था। हालांकि परिणाम स्वरूप वह अपनी दास छाप से भी मुक्त हो गई थी। मुझे यकीन है कि आप इसे पहचानते हैं, यम सम्राट युचे ने कड़ाही को एक हाथ से पकड़ते हुए अलग ढंग से कहा। ये कड़ाही न केवल यम क्षेत्र की विरासत की जीवनधारा है बल्कि ऐसा लगता है इसमें किसी भी यम शैतान की शक्ति को बलपूर्वक वापस लेने की शक्ति है। क्या आप वाकई विरोध करना चाहते हैं? युचे, यान तियानज़ियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। आखिरकार उसे एहसास होने लगा कि वह 10 दिन पहले युचे के जाल में फंस गया था, लेकिन इस बिंदु पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अंधेरे में कहा। हालांकि यम शैतान नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन अपनी विरासत को जबरदस्ती वापस ले सकता है, यह एक तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है। यही वह समय है जब मुझे तुम्हारे लाखों टुकड़े करने की जरूरत होती है। अपमानजनक, तीनों यम पूर्वजों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन जब युनचे ने अपना हाथ उठाया तो वे तुरंत चुप हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? चाहे कुछ भी हो, क्या तुम अपने पूर्वजों की आज्ञा के विरुद्ध जाओगे? नहीं, लेकिन यान तियानज़ियाओ ने अपनी आंखें बंद करके और असहाय होकर अपनी शक्ति वापस लेकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। विरोधाभासी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, यम शैतान नेदर क्रॉसिंग कड़ाही आपके हाथों में है और हम शाश्वत अंधकार के शैतान महल में हैं। यदि यह राजा अब अपने पूर्वजों के विरुद्ध लड़ता है तो वह अपने राज्य की नींव को अपने हाथों से नष्ट कर सकता है। ये राजा इस बात को स्वीकार नहीं करता, परंतु उसके अहंकार के आगे उसकी प्रजा आ जाती है। वो जिए।
जब यान तियानजियाओ ये कह रहा था, उसने अपने बच्चों को आश्चर्यजनक रूप से शांत ध्वनि संचरण भेजा। मैं अब से 3 सांसों बाद 3 पूर्वजों को उनके रास्ते पर रोकने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा। जब तक वे पकड़े जाएं, किसी भी कीमत पर यूचे को मार डालो। यहां तक कि अगर आप असफल भी होते हैं, तो आपको कम से कम यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन को उसके हाथों से छीनना होगा। यान जी और यान वू ने चुपचाप अपनी गहन ऊर्जा एकत्र की। जब भी उनके पिता तैयार हो, वे जाने के लिए तैयार थे। मेरे सवाल का जवाब दो, यान तियानजियाओ ने यूचे को उदासीनता से देखा। यदि आपका उत्तर मुझे निराश नहीं करता है, तो ये राजा पुनर्विचार कर सकता है। ट्रिप। जब हर कोई यान तियानजियाओ के भाषण पर ध्यान दे रहा था, वह भाषण जो यम शैतानों के भविष्य को बहुत अच्छी तरह से तय कर सकता था, उस व्यक्ति ने खुद अंतरिक्ष में घुसकर 3 यम पूर्वजों पर हमला किया था। तभी एक विस्फोट हुआ, जबकि हर कोई अभी भी सदमे में था। यान तियानजियाओ उत्तरी दिव्य क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली देवता सम्राट था और उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर पाता, उस पर 3 भयानक शक्तियों ने हमला कर दिया। प्रतिकार बिल्कुल वैसा ही था, प्रतिशोध। लेकिन किसी कारण से वे यान तियानजियाओ के पास पहले पहुंचे और उसे स्वर्ग के हथौड़ों की तरह तेजी से पीछे धकेल दिया, जितना वह अपनी ताकत इकट्ठा करने में सक्षम था। फिर वे 3 अपराजय पर्वतों की तरह उस पर टूट पड़े। यान तियानजियाओ ने धीमी कराह निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह से उतरा, जैसे कि उसके पैरों के नीचे चुंबक हो, लेकिन वह उस अप्राकृतिक सफेदी को छिपा नहीं सका जिसने उसके रंग को एक पल के लिए भी रंग दिया था। इससे भी बुरी बात ये थी कि उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों के ठीक बगल में 1000 बिजली गिर रही हो। मेरे नाथ, शाही पिता, यान वू और यान जी किसी भी क्षण जाने वाले थे, लेकिन उनके पिता के साथ जो हुआ उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। बाकी सभी लोग बुरी तरह पीले पड़ गए थे और अंदर से भी कांप रहे थे। हम्फ, यान वन के बचे हुए बाल खड़े हो गए और उसने जानलेवा ढंग से कहा, तुमने हमारे सामने ही हमारे मालिक पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत की। तुम हमें अपंग बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते, गद्दार लड़के। जब यम शैतानों ने 3 यम पूर्वजों को फिर से देखा, तो उनके शरीर का हर रोम कांप रहा था। ऐसा कोई यम शैतान नहीं था जो यम पूर्वज की ताकत के बारे में नहीं जानता था। हालांकि उनमें से अधिकांश ने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। अभी यम पूर्वजों ने अपने देवता सम्राट उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत देवता सम्राट को एक पल में दबा दिया था और उसके बाद यान तियानजियाओ ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था। आज से पहले अफवाहें कि 3 यम पूर्वजों में से कोई एक यम सम्राट से अधिक शक्तिशाली था, सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन अब कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि अब अपनी आशावादिता पर कायम रहे। यान तियानजियाओ, यूनचे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। आज खून बहाने की या आपकी नींव उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे वास्तविकता में एक गंभीर सबक सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं देते हैं। यान तियानजियाओ ने निडर होकर जवाब दिया, ये राजा आज अपने ही पूर्वजों के हाथों मर सकता है, लेकिन यदि उसने यह आखिरी काम किया तो वह तुम्हें अपनी कब्र में खींच लेगा। ओह, यूचे मुस्कुराए और यम सम्राट के पीछे मौजूद लोगों की ओर देखा। क्या आप सभी एक ही विचार साझा करते हैं? बूम, यू चे की बात खत्म होने के ठीक बाद एक विस्फोट हुआ। ये यान जी था जो वह सारी शक्ति एकत्रित कर रहा था। अपनी बहन की पीठ पर यान तियानजियाओ उभरी हुई आंखों के साथ घूमा। यान वू ने खून की उल्टी की और 5 किलोमीटर दूर फर्श पर गिर पड़ा। यान जी और यान वू केवल 2 कदम दूर थे और वे दोनों यान तियानजियाओ के पहले ध्वनि प्रसारण को पकड़ने के बाद अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे थे। चूंकि यान वू का ध्यान पूरी तरह से यूनचे पर था, इसलिए उसकी पीठ यान जी के लिए पूरी तरह खुली रह गई थी। खेती के लिहाज से यान वू यान जी से कहीं अधिक मजबूत था, लेकिन यान वू पूरी तरह से रक्षाहीन थी और वे एक दूसरे से केवल 2 कदम की दूरी पर थे। हमला उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। जब तक वे वापस होश में आए, यान जी पहले से ही यूनचे के सामने थे और गहराई से झुक रहे थे। यान जी 3 पूर्वजों के आदेश का पालन करने और सम्राट यू की वफादारी से सेवा करने को तैयार है। यान जी अपने पूर्वजों और सम्राट यू की आज्ञा को पूरा करने के लिए 1000 मौतों को पार करेंगे। अध्याय 1686 से 1690 ... यह ऐसा था मानो 3 यम पूर्वजों पर किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा हो गया हो। जिन लोगों को यम क्षेत्र की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए था, वे इसे किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपना चाहते थे।
इससे भी बुरी बात ये थी कि जब यान त्यानक्सियाओ ने उनके खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया था तो उसे धोखा देने वाला पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा था जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता था, जिसे उसने खुद यम क्राउन प्रिंस नाम दिया था। उसने सपने में भी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। क्राउन प्रिंस, क्या तुम पागल हो गए हो? नौवा यम शैतान यान तो चिल्लाया। यान त्यानक्सियाओ यान वू के पक्ष में पहुंचे और अपनी शक्तियां इकट्ठी की। कम से कम समय में उसके घावों को दबाने के बाद आखिरकार वह अपने ही बेटे का सामना करने के लिए मुड़ा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल गहरी निराशा और दुख था। यान वू धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर कांप रहा था। जब उसने अपने होठों के कोने पर लगे खून को पोंछा तो उसने यान जी को ऐसी आंखों से देखा जैसे वे आग उगल रही हो। यान जी, ये पहली बार था जब उसने अपने बड़े भाई को उसके नाम से संबोधित किया। तुम जानवर। एक पल में यान जी के चेहरे पर भावों की एक श्रृंखला चमक उठी। पूर्वजों के आदेश स्वर्ग के आदेश के समान महान है। आदरणीय पूर्वजों के बिना कोई यम शैतान या हम नहीं होते। आप वह जानवर हैं जिसने अपने पूर्वजों की अवज्ञा करने और उन्हें उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। यदि यान जी यान वू पर हमला करते समय घबरा रहा था तो अपना पक्ष चिल्लाने के बाद वह पूरी तरह से शांत हो गया था। वास्तव में वह अपने पूरे जीवन में इतना शांतचित कभी नहीं रहा था। उसे यहाँ तक लगने लगा था कि उसने अपने जीवन में अब तक का सबसे साहसी, सबसे बुद्धिमान और सबसे निर्मम चुनाव किया है। एक अति सतर्क और अति दयालु व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। दया की किसी गलत भावना के कारण वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। देशद्रोही बेटा, यान त्यानज़ियाओ ने लंबी सांस छोड़ने से पहले बुदबुदाया। वह समझ गया कि यान जी ने ऐसा विकल्प क्यों चुना। यान जी अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थे और वह यम शैतान की शक्ति के उत्तराधिकारी थे। उन्हें सर्वसम्मति से क्राउन प्रिंस के रूप में चुना गया था और एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि उनका भविष्य उज्ज्वल और असीमित था। उस समय किसी को कोई संदेह नहीं था कि वह अगला देव सम्राट बनेगा। लेकिन यानवू के जन्म के बाद वह बहुत कम उम्र में यम शैतान की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो गई और केवल 3000 वर्षों में 10वें स्तर की दिव्य गुरु बन गई। उसकी उपलब्धियां उस पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। यान जी अपने अत्यधिक उपलब्धि हासिल करने वाले भाई बहन से बेहद सावधान और भयभीत थे, जबकि यान त्यानक्सियाओ ने इसे अपने बेटे के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा था, एक प्रेरक जो उसे अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि वह यानवू से आने वाले दबाव को सहन कर सकता है और खुद को एक अच्छा ब्लेड बना सकता है तो वह पहले से भी बड़ा राजकुमार बन जाएगा। यही कारण है कि यान त्यानज़ियाओ ने यान जी के सामने यानवू के प्रति पक्षपातपूर्ण होने का नाटक किया। वह यहां तक अफवाहें फैलाने तक चला गया कि वह यान जी का दर्जा वापस ले लेगा और उसकी जगह यानवू को क्राउन प्रिंसेस बना देगा। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में यान जी के प्रदर्शन को देखते हुए उनका बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उसे लगने लगा था कि उसने यान जी की महत्वाकांक्षा और सहन शक्ति के पैमाने को ज्यादा आंक लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने उसे छोड़ दिया था। इसके विपरीत वह आशावादी रहे कि उनका बेटा अंततः एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जिस पर उन्हें गर्व हो सकता है। अब तथापि ये कितना दुखद अंत था। अच्छा, बहुत अच्छा, यान जी की प्रशंसा करते हुए यूचे की आंखें खतरनाक दरारों में सिमट गई। आप सचमुच यम युवराज हैं। यान जी जल्दी से झुके और बोले, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद सम्राट यून। ये स्वाभाविक है कि एक वंशज अपने पूर्वजों की इच्छा का पालन करता है। इसके अलावा सम्राट यून शैतान सम्राट का अवतार है और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लिए स्वर्गीय मार्ग का उपहार है। आपका समर्थन करना स्वर्गीय मार्ग का समर्थन करने के समान है। उसके बाद वह फिर से अपने लोगों के सामने आया और कहा, शाही पिता बहन हर कोई, पूर्वजों की इच्छा का सदैव पालन किया जाना चाहिए। स्वर्गीय मार्ग की इच्छा तो और भी अधिक। अब धर्म के मार्ग से मत भटको। उनका रवैया और शब्द दोनों ही स्पष्ट रूप से पहले से अधिक कठोर थे। पिछले कुछ सालों से यानवू ने उन्हें हर विभाग में पछाड़ दिया था। हालांकि वह यम क्राउन प्रिंस था, लेकिन खुद सहित सभी ने सोचा कि वह यानवू की तुलना में बहुत हीन था। हर बार जब उसका सामना होता तो वह शर्मिंदगी की गहरी भावना महसूस किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन अब उसके सभी बंधनों से मुक्त होने का मौका आ गया था। अजय यम पूर्वजों ने यूनचे को अपने साथ जोड़ लिया था। यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन यूनचे के हाथों में गिर गया था और यूनचे के पीछे सोल चोरी क्षेत्र और बनिंग मून क्षेत्र था जिस पर उसने एक या दो सप्ताह पहले ही कब्जा कर लिया था।
हालांकि वह ये नहीं समझ सका कि तीन यम पूर्वज इस तरह के व्यवहार कर रहे थे, लेकिन ये पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि यहाँ किसका फायदा था। युनचे की ओर तीन यम पूर्वज यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन सोल स्टीलिंग क्षेत्र और बनिंग मून क्षेत्र थे। यम क्षेत्र की ओर से उनके तीन रक्षक दल बदल गए थे और उनकी जीवन रेखा चोरी हो गई थी। ये स्पष्ट था कि युनचे का पलड़ा भारी था। जब तीन यम पूर्वजों ने एक पल में यांतियानिक सियाओ को दबा दिया था और अविश्वसनीय स्तर की शक्ति का प्रदर्शन किया था, तो यान जी के संदेह के अंतिम अवशेष पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। वह अपने विजेताओं के साथ अपनी हिस्सेदारी सौंपने वाले पहले व्यक्ति होने के महत्व को जानता था। वह ये भी जानता था कि अपनी वफादारी साबित करने का सबसे अच्छा तरीका निर्विवाद सबूत प्रदान करना या प्रदर्शित करना है। यही कारण है कि उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने शाही पिता के अलावा क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली यम शैतान पर हमला किया था। यह उसकी वफादारी को प्रदर्शित करने के लिए और वर्षों से उसकी आंखों के अंदर छिपी ईर्ष्या और निराशा को बाहर निकालने के लिए था। धन्यवाद कुत्ता, यान तियानजियाओ ने एक और आह भरने से पहले शाप दिया। इस राजा ने सोचा कि अपने लोगों के दिलों पर राज करने की कला में उससे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी सबसे महानतम भी सबसे स्पष्ट चीज से चूक सकता है। अपना विलाप समाप्त होने पर उसने पुनः अपना भाला उठाया। हालांकि इस बार वह अपना हथियार युनचे पर नहीं बल्कि अपने ही बेटे पर तान रहा था। अरे यान तियानिक्सियाओ, आपका बेटा आपसे कहीं अधिक होशियार है, युनचे ने उपहास करते हुए धीमे स्वर में कहा। उसे अपंग बना दो। उसके शाही पिता की आंखों में गुस्सा और उसकी अद्भुत शक्ति के कारण यानजी एक तनी हुई डोरी की तरह तनावग्रस्त हो गए। हालांकि उसकी आंखों में क्रूर दृढ़ संकल्प पहले से भी अधिक बढ़ गया। जब युनचे ने उसे अपंग शब्द कहे तो यानजी ने निश्चित रूप से सोचा कि वह तीन यम पूर्वजों को अपने ही शाही पिता को अपंग करने का आदेश दे रहा था। तभी वह ये देखकर चौंक गया कि पीछे से तीन जबरदस्त दबाव उसे घेर रहे थे। हैरान होकर उसने अपनी शक्ति प्रसारित करने और विरोध करने की कोशिश की। हालांकि उसके पीछे की तीन अंधेरी शक्तियां इतनी महान थी कि इससे पहले कि वह उन्हें मुक्त करने में कामयाब होता, उसकी शक्ति उसकी गहरी नसों में वापस चली गई। उसके अंग वाइज जैसी पकड़ में बंद थे और वह एक मांसपेशी भी नहीं हिला पा रहा था। वह एक यम शैतान था। वह औसत लेवल 9 डिवाइन मास्टर से बिल्कुल अधिक मजबूत था। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी तीन यम पूर्वज थे। यदि यान तियानिक्सियाओ वह था जिसे तीन यम पूर्वजों ने पकड़ लिया था, तो वह भी काफी प्रयास के बिना मुक्त नहीं हो पाता, यान जी तो बिल्कुल भी नहीं। सम्राट यू किया, इसका क्या मतलब है? यान जी ने अपने दांत पीस लिए और अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी ताकत लगा ली हो, वह आधी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। ये सिर्फ यान जी नहीं था, घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से बाकी सभी लोग भी हैरान रह गए। युनचे ने एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की, लेकिन यान जी की ओर नहीं देखा। जब अपने लोग गंभीर खतरे में हो तो उनका बचाव न करना एक बात है, और उन्हें धोखा देने वाला पहला व्यक्ति बनना और यहाँ तक कि अपनी बहन पर भी हमला करना दूसरी बात है, खासकर जब आप क्राउन प्रिंस हो। आप वास्तव में सोचते हैं कि आप जैसा कुत्ता मेरी सेवा करने के योग्य है? चेहरा घुमाते हुए यान जी ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसकी पुतलियां अचानक भय से चौड़ी हो गईं। वाह, क्या कर रहे हो? युनचे ने यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन को पकड़ लिया और अपनी गहन ऊर्जा प्रसारित की। जब एक काली शक्ति कड़ाही से बाहर निकली और यान जी के चारों ओर लिपट गई, तो उसका आतंक तुरंत असीम रूप से बढ़ गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो! यान जी की आंखों की पुतलियां उनकी आंखों के सॉकेट से बाहर गिरने की धमकी दे रही थी और उनका चेहरा कागज की शीट की तरह सफेद हो गया था। सिर से पांव तक कांपते हुए उसने पहले से कहीं अधिक कठिन संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह यम पूर्वजों की पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। सम्राट यू, मैंने अपना हिस्सा आपके साथ देने के लिए अपने शाही पिता को धोखा दिया। मैं आपके प्रति वफादारी की शपथ लेने वाला पहला व्यक्ति था। आप ऐसा नहीं कर सकते। सम्राट यू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आह! उसका सारा भय और विनती निराशा की चीख में बदल गई जब काली शक्ति तेज चमकने लगी। काली शक्ति की एक धारा यान जी के शरीर से निकलकर काली कड़ाही में लौटने लगी। ये यम शैतान की मूल शक्ति थी जो यान जी को कड़ाही से विरासत में मिली थी। अब युनचे इसे उससे दूर ले जा रहा था। उसके कमजोर होने के बिल्कुल विपरीत यान जी की आवाज में हताशा और भी बदतर होती गई। युनचे, मैं तुम्हें भयानक मौत मरने का श्राप देता हूँ। मुझे बचा लो राजपिता, मुझे बचा लो। मदद के लिए उसकी पुकार का किसी ने उत्तर नहीं दिया।
युनचे नहीं, यम पूर्वज नहीं, यम शैतान भी नहीं। यम पूर्वज यानजी को दबाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे और युचे यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन का उपयोग करके अपनी शक्ति निकाल रहा था। अगर वे युचे को हराना चाहते थे तो ये यम रियलम के लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा मौका था। लेकिन यान तियानक सियाओ नहीं हिला। यान जी की विकृत अभिव्यक्ति को देखने और उसकी निराशा भरी चीखें सुनने से उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय केवल गहरा दर्द और दुख था। यान जी के विश्वासघात के बावजूद वह बेटा था जिसे वह प्यार करता था और हजारों वर्षों से अपनी सर्वोच्च उम्मीदें रखता था। इसके अलावा वह जो अविश्वसनीय दृश्य देख रहा था उसे देखकर वह दंग रह गया। हालांकि यह सच था कि यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन अपने द्वारा दी गई किसी भी यम डेविल विरासत को वापस ले सकता है, उपयोगकर्ता के पास यम डेविल की रक्तरेखा होनी चाहिए। अन्य सभी दिव्य मूल कलाकृतियों के साथ भी ऐसा ही था। यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन किसी बाहरी व्यक्ति के लिए हमेशा बेकार होना चाहिए, लेकिन उनके सामने जो हकीकत थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता था। युनचे स्पष्ट रूप से यान जी की यम शैतान विरासत को उससे छीनने के लिए कड़ाही का उपयोग कर रहा था। यान जी की चीखें कमजोर और कमजोर होती गई। अंत में उसके पास निराशापूर्वक सिसकने के लिए ही पर्याप्त ऊर्जा थी। जब अंधेरी लहरें कम हो गई और यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन ने चमकना बंद कर दिया तो यान जी की यम डेविल शक्तियां पूरी तरह से छीन ली गईं। यम शैतान के लिए इससे अधिक क्रूर दुःस्वप्न कोई नहीं था। यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन के अंदर प्रकाश की एक काली काली गेंद दिखाई दी। वह ठंडी लौ की तरह चुपचाप जलता रहा। यान जी की आभा दैवीय संप्रभु क्षेत्र तक पूरी तरह से गिर गई थी। उनकी शक्ति का मूल स्तर अगर उन्हें यम शैतान की विरासत प्राप्त नहीं हुई थी। उसकी आंखें सूनी थी और उसका रंग घातक रूप से धूसर था। वह अब चिल्ला भी नहीं रहा था और न ही संघर्ष कर रहा था। जब युचे ने फिर से अपना हाथ लहराया तो तीन यम पूर्वजों ने यान तियानक्सियाओ और यान वू के सामने क्राउन प्रिंस को जमीन पर फेंक दिया। वह आपका है यम सम्राट, युनचे ने अंततः यान जी को तिरछी नजर से देखा। मेरा इस गंदगी को छूने का कोई इरादा नहीं है। यान जी एक मरते हुए कुत्ते की तरह जमीन पर निढाल होकर लेट गया। वह न तो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और न ही दया की भीख मांगी। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वह जानता था कि भीख मांगने से उसके पास बचा हुआ दयनीय गौरव का बचा हुआ हिस्सा भी खो जाएगा। उसके बंद भाग्य से भी अधिक दुखद बात यह थी कि जब वह जमीन पर पड़ा हुआ था तो कोई भी उसके पास नहीं आया था। कोई उसे खींचकर ले जाना भी नहीं चाहता था। क्या उसने खराब चुनाव किया? शायद, शायद नहीं। उसने पूरी तरह से उतावलेपन से काम नहीं लिया था। उसने कम से कम अपने वर्तमान दृष्टिकोण, अपने भविष्य, अच्छे और बुरे पर विचार किया था। एकमात्र बात जो वह महसूस करने में असफल रहा वह ये थी कि युनचे को विश्वासघात से अधिक नफरत करने वाली कोई चीज नहीं थी। यम डेविल्स के दृष्टिकोण से वह एक गद्दार था जिसने अपने सबसे गंभीर आपातकाल के दौरान अपने लोगों को धोखा दिया था और विश्वासघाती इरादे से अपने क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक यानवू को नुकसान पहुंचाया था। युनचे के लिए कोई भी अपराध अक्षम्य था, बहुत निर्दयी। यान तियानक्सियाओ ने पूरी तरह से दूर देखने से पहले केवल एक बार यान जी की ओर देखा, लेकिन उतना ही मूर्ख। ओह, युनचे ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। हम्फ, यान तियानक्सियाओ ने कहा, इस दुनिया में गद्दार कुत्ते से ज्यादा जोर से काटने वाला कोई नहीं है। तुम्हें इतने उपयोगी कुत्ते को इतनी जल्दी फेंकना नहीं चाहिए था। सिर्फ 10 सांस पहले यान जी उसके जीवन का गौरव था, अब वह उसके लिए केवल एक कुत्ता था, कम से कम मौखिक रूप से। हा 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 हा, युचे उस पर कृपालु दृष्टि दिखाने से पहले जोर से हंसा। यान तियानक्सियाओ, तुम अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझते हो, है ना? मुझे उन सभी को मिटाने के लिए एक गद्दार कुत्ते की आवश्यकता क्यों होगी जो मेरा विरोध करते हैं? बोलना समाप्त करने के बाद युनचे का शरीर अचानक काली रोशनी से चमक उठा। उसके काले बाल हवा में उड़ गए और स्वर्ग तक पहुंचने से पहले उसके पीछे एक भयानक तूफान इकट्ठा हो गया। तूफान के केंद्र में शाश्वत अंधकार के अस्थिर सागर का प्रवेश द्वार था। 1, 10, 1000, 10,000 अंधेरे के असंख्य तूफान अथाह ड्रैगन की तरह आकाश में बढ़ने लगे, चीखते और चिल्लाते रहे जब तक कि उन्होंने शाश्वत अंधेरे के पूरे शैतान महल और यहाँ तक कि यम इंपीरियल जिले के आकाश को भर नहीं दिया। जब आकाश पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया तो जमीन पर जो कुछ बचा था वह शाश्वत अंधकार था। उस पल में पूरे यम इंपीरियल डिस्ट्रिक्ट में हर जीवित प्राणी, जमीन का हर टुकड़ा और हर इंच जगह मौत, अंधेरे और निराशा के अदृश्य घुटन भरे अपरिहार्य दबाव से जकड़ी हुई थी। यह ऐसा था मानो सर्वनाश उन सभी को नष्ट करने से कुछ ही सेकंड दूर था।
आह आह आह। यान त्यानक्सियव आकाश की ओर देखते हुए अवचेतन रूप से पीछे की ओर चला गया। उसकी पुतलियां उतनी ही फैली हुई थी जितनी उसकी आंखें अनुमति दे सकती थी। एक क्षण पहले वह अभी भी शक्तिशाली यम सम्राट जैसा दिखता था। अब वह सदमे और आतंक की अत्यधिक भावना के नीचे झुक रहा था और अपनी आत्मा की गहराई से छटपटा रहा था। पूरे यम इंपीरियल डिस्ट्रिक्ट में भी वही चीखे और निराशा का आतंक सुना जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस अंधेरे ने नीले आकाश को ही धुंधला कर दिया था उसमें पूरे यम इंपीरियल जिले को तुरंत नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति थी। परिचित अनुभूति ने सभी को सूचित किया कि काली आभा शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर से यिन ऊर्जा थी। किसी तरह यूचे ने इसे नरक की गहराई से बुलाया था और इसके साथ पूरे यम इंपीरियल जिले के आकाश को मिटा दिया था। यम शैतानों को भूल जाए, शक्ति की यह मात्रा तीन यम पूर्वजों का भी दम घोटने और भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। अब समझी, यूचे फुसफुसाए, उसे बस अपना हाथ नीचे की ओर लहराना था और शक्ति का विशाल समुद्र जमीन पर गिर जाएगा और सब कुछ शाश्वत अंधकार में दफन कर देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान त्यानक्सियव ने आकाश की ओर चकित होकर देखा। ऐसी दुनिया में जहां सारी रोशनी खत्म हो चुकी थी उसका चेहरा अभी भी आश्चर्यजनक रूप से सफेद दिख रहा था। आपने पहले से ही जो संघर्ष की योजना बनाई है वह मेरे लिए एक दुखद और दयनीय मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। उस शैतानी ताकत के तहत जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी, यूनचे के शब्द मक्खन में गर्म चाकू की तरह उनकी आत्माओं में घुस गए। यान त्यानक्सियव ने बहुत कठिनाई से अपना सिर उसकी ओर घुमाया, लेकिन उसने फिर भी यम डेविल स्पीयर को मौत की चपेट में ले रखा था। हम यम लोक के वंशज आत्मसमर्पण करने से पहले ही मर जाएंगे। यदि आप हमारे यम लोक पर कब्जा करना चाहते हैं तो आपको पहले इस राजा के ठंडे शव पर कदम रखना होगा। अपने यम क्षेत्र पर कब्जा कर लो, यूनचे ने बेहद तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी। यान त्यानक्सियव, तुम न केवल अनुभवहीन हो बल्कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे कान भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे तीन पूर्वजों ने तुम सभी से कहा था कि तुम अपने शासक के रूप में मेरे अधीन हो जाओ। मैंने कब कहा कि मैं आपके यम क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान त्यानक्सियव उन शब्दों से स्तब्ध रह गया। आपका क्या मतलब है? हे है, यूनचे ने उसकी ओर देखा और ऐसे शब्द कहे जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। मैं उत्तरी क्षेत्र का सम्राट बनना चाहता हूँ, न कि केवल इस छोटे से यम क्षेत्र का सम्राट। यान त्यानक्सियव, यम क्षेत्र अभी भी यम क्षेत्र ही रहेगा। आप वर्तमान यम सम्राट अभी भी यम सम्राट ही रहेंगे। हालांकि मैं इस अंधेरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सर्वोच्च शासन करूंगा। यूनचे ने धीरे से अपना एक हाथ नीचे किया और उसे यान त्यानक्सियव की ओर इशारा किया। तो अभी बताओ, क्या आप उस अंधेरे शासक को गले लगाने जा रहे हैं जो पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र का भाग्य बदल देगा, या क्या आप इस यम लोक को अंधकार की अनंत खाई में फेंक देंगे? यान त्यानक्सियव और यम क्षेत्र के निवासी अपने चेहरे पर शून्य भाव के साथ वहां खड़े थे। उसने सबसे पहले उन्हें एक कोने में धकेल दिया और उन्हें निराशा के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन अब उसने अचानक उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसने उन्हें एक नई आशा दी थी। यूनचे ने तीन यम पूर्वजों के साथ ऐसा किया था और वह अब यम दायरे के साथ भी वही कर रहा था। यदि उन्होंने समर्पण करना चुना तो इसका मतलब ये होगा कि यम क्षेत्र अब दुनिया में सबसे ऊंचा अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उन्हें नियंत्रित कर सकता है और जैसा वह उचित समझे उनका उपयोग कर सकता है। लेकिन तीन यम पूर्वज इस व्यक्ति के सामने झुकने को तैयार थे और अपने हाथ के झटके से उसने यम साम्राज्य को पूरी तरह से विनाश के कगार पर ला दिया था। जब उन्होंने उन चीजों पर विचार किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में शासन करने के लिए योग्य था उन पर। इसके अलावा यम दायरे का मालिक बदलने वाला नहीं था। यम शैतान ही रहेंगे, यम भूत अभी भी यम भूत ही रहेंगे और यहाँ तक कि यम सम्राट भी यम सम्राट ही रहेंगे। यदि यह वास्तव में सच था तो उन सभी को इस व्यर्थ संघर्ष में मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यम दायरे के पतन की कोई आवश्यकता नहीं थी। कई निगाहें यान त्यानक्सियव के शरीर पर टिकने लगी और उनमें अब लड़ने का कोई दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति नहीं बची थी। इसके बजाय वे चुपचाप उससे समर्पण करने की विनती करते दिख रहे थे। शाही पिता, यान वो बुदबुदाया। यहाँ तक कि वह जो उनमें से सबसे ठंडी और सबसे जिद्दी महिला थी उसने महसूस किया कि जब उसने यूचे के शब्द सुने तो उसके दिल से सबसे ज्यादा तनाव निकल गया। यदि उनके पास इस लड़ाई को जीतने की कम से कम 10% संभावना होती तो आधे से अधिक यम डेविल्स ने मौत से लड़ने का विकल्प चुना होता। हालांकि यदि वे बिना कुछ लिए मर गए, बिना कुछ लिए अपने घर को नष्ट कर दिया
इसके अलावा सबमिशन पहले की तुलना में कहीं बेहतर विकल्प प्रतीत हुआ। यान तियानिक्सियो की आंखें हिलने से उसकी छाती जोर से फूल गई। दुनिया की बाकी सभी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं और वह जल्द ही केवल अपनी उखड़ी हुई सांसों की आवाज ही सुन सका। तीन पूर्वज यम शैतान नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन शैतान सम्राट की विरासत तथ्य यह है कि उचे तुरंत अनंत अंधकार के अस्थि सागर की शक्ति को बुला सकता था। व्यर्थ अवज्ञा में मरने का विकल्प यम दायरे का अस्तित्व। आखिरकार उसने एक लंबी सांस ली और उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। जब वह बोलते थे तो उनकी आवाज समुद्र जितनी गहरी होती थी। यूचे कृपया इस राजा के एक प्रश्न का उत्तर दे। प्यादा कौन है, आप या शैतान रानी? यान तियानिक्सियो ने इतना तीखा सवाल पूछा कि उसे सुनते ही हर किसी की सांसें थम गईं। यह एक ऐसा सवाल था जो बेहद उत्तेजक था। अरे यह एक अच्छा प्रश्न है, यूचे हंसे। उसकी नजर में मैं एक अनोखा और अपूरणीय मोहरा हूँ। तथापि उसके हाथ में एक काली रोशनी चमकी और अर्धचंद्र के आकार का एक गहरा काला मगाटामा दिखाई दिया। द बनिंग मून एक्सक्लूसिव डेविल जैग। यान तियानिक्सियो ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया जब उसने देखा कि वह वस्तु यूचे के हाथ में दिखाई दे रही है। जब बनिंग मून गिर गया था तो ये सोल चोरी क्षेत्र के नियंत्रण में समाप्त हो गया था, इसलिए यान तियानिक्सियो ने हमेशा अनुमान लगाया था कि बनिंग मून एक्सक्लूसिव डेविल जेड डेविल क्वीन ची बुयाओ के हाथों में गिर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यूचे के पास ये होगा। उसके पास एक तरफ यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन और दूसरी तरफ बनिंग मून एक्सक्लूसिव डेविल जेड था और इन दोनों वस्तुओं से निकलने वाली दो अलग अलग उदास काली रोशनी यूचे के सामने एक साथ मिश्रित हो गई। यह एक ऐसा दृश्य था जो हर किसी की आंखों में गहराई तक उतर गया था। आज यम क्षेत्र और बनिंग मून क्षेत्र दोनों की जीवन रेखाएं मेरे हाथों में आ गई है। यूचे के होंठ धीरे धीरे एक शांत और भयावह मुस्कान में बदल गए। तो आप अनुमान क्यों नहीं लगाते? आपके अनुसार मोहरा वास्तव में कौन है? जैसे ही कमरे में चारों ओर की हवा ठोस हो गई, एक लंबी और घातक चुप्पी तुरंत कमरे में छा गई। किसी को सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। बजना यम डेविल स्पीयर यान तियानिक्सियो के हाथ से फिसल गया और जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। पत्थर से धातु के टकराने की आवाज उन सभी के दिलों में गूंज उठी जिन्होंने इसे सुना। आखिरकार उनका आखिरी संकल्प भी ढह गया। यान तियानिक्सियो का चेहरा राख हो गया था और घुटनों के बल गिरते ही उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। लेकिन इस बार वह न केवल तीन यम पूर्वजों की ओर झुक रहा था, यम क्षेत्र के सम्राट के रूप में वह यूचे के पैरों पर घुटने टेक रहा था उसकी तिरस्कारपूर्ण निगाहों के नीचे। मैं यम क्षेत्र का सम्राट यान तियानिक्सियो अपने पूर्वजों की इच्छा का पालन करने को तैयार हूँ। मैं सम्राट यून को अपने स्वामी के रूप में लूंगा और मैं यम क्षेत्र की सारी शक्ति का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए करूंगा कि सम्राट यून उत्तर का सम्राट बने। उसने उस अंधेरी शक्ति पर एक आखिरी नजर डाली जो आकाश में फैली हुई थी, वह अंधेरी शक्ति जो पलक झपकते ही यम इंपीरियल जिले को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। उसका सिर धीरे धीरे नीचे की ओर झुक गया और उसने कहा, यदि मैं अपने शब्दों से पीछे हट गया तो मुझ पर स्वर्ग प्रहार हो सकता है। जब उसने ये शब्द दहाड़े तो उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन एक देव सम्राट के शब्द पहाड़ जितने भारी थे। इसके अलावा उनके पूर्वज उनके सामने थे, उनके यम भूत उनके बगल में खड़े थे और उनके यम भूत उनके बगल में खड़े थे। यम इंपीरियल जिले के सभी जीवित प्राणियों ने उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुना था। यम क्षेत्र जो पिछले 8 लाख वर्षों से गर्व से उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शीर्ष पर खड़ा था, आज उसकी नियति पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। हालांकि यम क्षेत्र के निवासियों में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, जिससे उसे बहुत सदमा लगा, क्योंकि उन सभी ने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि यान तियानिक्सियो ने क्या झेला और सहा था। ऐसे में उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। जब तीन यम पूर्वजों और यम सम्राट ने यूचे की ओर अपना सिर झुकाने का फैसला किया तो यम क्षेत्र के बाकी लोगों के लिए उसके खिलाफ संघर्ष जारी रखने का कोई कारण नहीं रह गया था। यम डेविल्स और यम घोस्ट्स ने यान तियानिक्सियो के पास अपने घुटनों के बल झुकते ही अपनी पहले से ही नष्ट हो चुकी लड़ाई के इरादे के साथ साथ अपनी गहन ऊर्जा को वापस लेना शुरू कर दिया। उसके बाद पूरे यम इंपीरियल जिले में शाश्वत अंधेरे के शैतान महल में हर जीवित प्राणी अपने घुटनों पर गिर गया। उन्होंने दूर से अपने नए शासक को देखा। उनके नए शासक ने, जो यम सम्राट के ऊपर शासन करता था, यूचे ने अपने नीचे की भूमि का सर्वेक्षण करते हुए ठंडे स्वर में हंसा। इसके बाद उसने धीरे से एक हाथ आसमान की ओर बढ़ाया। तुरंत आकाश को भरने वाली इन ऊर्जा का आधा भाग शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर में वापस चला गया, जबकि अन्य आधा बुरी तरह से टूटे हुए महान यम संरचना की ओर बढ़ गया।
रू उंगली। जैसे ही महान यम संरचना की सतह से दरारें तेजी से गायब हो गईं, पृथ्वी को हिला देने वाली गड़गड़ाहट से आकाश भर गया। 10 सांसों की छोटी सी अवधि में ये बिल्कुल नई जैसी हो गई और बची हुई काली इन ऊर्जा वापस शाश्वत अंधकार के अस्थिर सागर में प्रवाहित हो गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने न तो नियंत्रण खोया था और न ही कोई डाकिन ऊर्जा बर्बाद की थी। अंधेरे पर उसका नियंत्रण इतना उत्तम था कि इससे सभी का खून ठंडा हो गया। यान जी, जो जमीन पर लंगड़ा कर लेटे हुए थे, ने बहुत कठिनाई से अपना सिर उठाया। जब उसने अपने पिता और अन्य यम शैतानों को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा तो उसकी आंखें निर्जीव और धूसर हो गई। जिस क्षण उसने यम क्षेत्र के साथ विश्वासघात करने का निर्णय लिया, वह पहले ही समर्पण का अधिकार खो चुका था। युनचे ने अपनी दोनों भुजाएं नीचे कर दी और सब कुछ फिर से शांत हो गया। उसने विशाल और असीम यम क्षेत्र की ओर अपनी आंखें घुमाने से पहले उन लोगों को देखा जो उसके नीचे डरे हुए थे। जैसे ही उसने युद्ध की लूट का जायजा लिया, उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी काली रोशनी चमक उठी। अनंत अंधकार के अस्थि सागर की शक्ति पर उसके नियंत्रण ने यम क्षेत्र के सभी लोगों को निराशा में डाल दिया था। साथ ही जब तक वह आसपास था, तब तक ये यम दायरे की सबसे मजबूत रक्षा भी बन गया था। जब तक युनचे और शाश्वत अंधकार का अस्थि सागर दोनों मौजूद थे, हर कोई यम क्षेत्र पर हमला करने के बारे में भूल सकता था। जिस क्षण एक हमलावर सेना यम क्षेत्र की राजधानी के पास पहुंची, युनचे उन्हें हमेशा के लिए दफनाने के लिए अनंत अंधकार के अस्थि सागर की शक्ति को बुला सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, और इसमें चिबुयाओ और आत्मा चोरी क्षेत्र शामिल थे। बनिंग मून क्षेत्र में वापस चिबुयाओ ने फेन डाओजुन से बड़े अभिमान से कहा था कि युनचे आत्मा चोरी क्षेत्र का सम्राट बन जाएगा और वह साम्राज्य होगी। इस बार सोल चोरी क्षेत्र छोड़ने से पहले चिबुयाओ ने इस तथ्य पर जोर दिया था कि वह उसके लौटने से पहले उसका राज्याभिषेक समारोह तैयार कर लेगी। हे युनचे ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, लेकिन उसके दिल में केवल ठंडक भर गई। चिबुयाओ ने इस विचार को आगे बढ़ाया था कि युनचे शैतान सम्राट की इच्छा का उत्तराधिकारी था। बेशक वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के दिल और दिमाग पर कब्जा करने के लिए अपने प्रभाव को उधार लेना था, और एक बार जब उसे सम्राट का ताज पहनाया गया तो उसकी सभी योजनाएं योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगी। बेहद बेहुदा, मानो वह चिबुयाओ को अब उसकी इच्छानुसार काम करने देगा। भले ही उसने चिबुयाओ के खिलाफ अपनी सुरक्षा बरकरार रखी थी, लेकिन उसने उस पर काफी भरोसा भी किया था। उसने उसकी चुड़ैलों को बदलने और प्रशिक्षण देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। झुओ किनचेन को मारने के बाद चिबुयाओ पर उनका भरोसा भी तेजी से बढ़ गया था। उसने उसे यम क्षेत्र को जीतने की अपनी योजनाओं के बारे में भी काफी कुछ बताया था। हालांकि उसे पता चला कि वह अभी भी बहुत भोला था। फेन दाओजुन की तुलना में वह वास्तव में किया ना ये यंग रह के गर्भपात के पीछे मुख्य अपराधी थी। वह ऐसी व्यक्ति थी जो फेन दाओजुन से कहीं अधिक मरने की हकदार थी। जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे वे कार्य कितने भी दुष्ट या क्रूर क्यों न हो। उसे सम्राट का ताज पहनाया, ये बहुत अच्छा विचार था। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जो उसे करना था, लेकिन उसे आत्मा चोरी क्षेत्र में सम्राट का ताज नहीं पहनाया जाएगा। उसे इस यम क्षेत्र में सम्राट का ताज पहनाया जाएगा, और सम्राट का ताज पहनाए जाने के बाद उसका अगला लक्ष्य आत्मा चोरी क्षेत्र होगा। अगला व्यक्ति जिसे वह मारने वाला था वह चिबुयाओ था। वह 3 यम पूर्वजों और शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर की शक्ति का उपयोग करने से पहले उसे यम इंपीरियल जिले में लुभाएगा। वर्तमान में उसके पास जो शक्ति है उसे देखते हुए उसे मारना बहुत कठिन काम नहीं होगा। शाश्वत अंधकार का इंपीरियल हॉल। अभी युनचे वर्तमान में अकेले यम सम्राट के लिए आरक्षित देव सम्राट सिंहासन पर बैठा हुआ था। यह एक ऐसी सीट थी जिस तक यम क्षेत्र के अन्य निवासी नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन युनचे वर्तमान में इसकी सीट पर कब्जा कर रहा था। उनके नए अंगरक्षक यान 1, यान 2 और यान 3 उनके पीछे खड़े थे। यान तियानज़ियो और अन्य सभी यम शैतान सिंहासन के नीचे खड़े थे। भले ही उन सभी के सिर नीचे झुके हुए थे, फिर भी उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। क्यों? क्या तुम मुझसे छुटकारा पाने का मौका ढूंढ रहे हो? युनचे ने ठंडे और तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोलते हुए उनकी ओर देखा। उसके शरीर से एक बुरी ऊर्जा लुढ़क गई। यान तियानक्सियो ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे स्वामी अनावश्यक रूप से चिंता कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इच्छुक हैं या नहीं। हे राजा, मेरा मतलब है कि मैं पहले ही आपके सामने घुटने टेक चुका हूँ। चूंकि मैंने पहले ही ऐसा कर दिया है, इसलिए मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे प्रभु का आदेश ही मेरा आदेश है।
यूं चेके हाथ की एक आकस्मिक लहर ने अनंत अंधकार के अस्थि सागर में मौजूद ऊर्जा को यम क्षेत्र के आसमान पर मंडराने लगा था। यहाँ तक कि उस दृश्य को याद करके वहाँ मौजूद सभी लोगों की रूह कांप उठी थी। जब तक उन्हें कोई सही अवसर नहीं मिल जाता जो उसकी मृत्यु की गारंटी देता, वे स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को क्रोधित करने का साहस नहीं करते जिसने उनके यम शैतान को क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन में पकड़ रखा था। वह अशुभ तारा जो आसानी से अपनी उंगलियों के एक झटके से उनके यम क्षेत्र को नष्ट कर सकता था, जिसके बारे में बोलते हुए यम क्षेत्र का जन्म शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर के कारण हुआ था और यही यम क्षेत्र की ताकत का स्रोत भी था। यही कारण है कि यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र में नंबर एक राजा क्षेत्र था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक आपदा का स्रोत बन जाएगा जो किसी भी क्षण यम क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। हम्फ, मुझे यकीन है कि तुम लोग पहली बार में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे, यान वन ने ठंडी खर्राटे के साथ कहा। अगर यह मास्टर की उदारता और दया नहीं होती तो आपके पिता ने बहुत पहले ही आप सभी को मार डाला होता, सिर्फ इसलिए कि आपने उनका बहुत अपमान किया था, यान टू ने गंभीर स्वर में कहा। बस काफी है, जैसे ही यून चे ने बोलना शुरू किया उसके शांति से बोले गए दो शब्दों ने यान थरी की बात काट दी। यान थरी को उन शब्दों को जल्दी से निगलना पड़ा जो उसके मुंह से लगभग बाहर ही निकल रहे थे। उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर झुका लिया और उसके बाद उसे बहुत जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। बनिंग मून क्षेत्र को वश में करने के लिए दो लोग जिम्मेदार थे। इसका आधा श्रेय यून चे को दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी दिव्य शक्ति ने उन्हें भय से अभिभूत कर दिया था, लेकिन बाकी आधा हिस्सा चिबुयाओ को देना पड़ा जिसकी शैतानी आवाज ने उन्हें मोहित कर लिया। लेकिन यूं चे ने यम क्षेत्र को पूरी तरह से दिव्य शक्ति के आधार पर अपने अधीन कर लिया था जिसे उन्होंने अंधेरे की शाश्वत आपदा का उपयोग करके प्रदर्शित किया था। उसने यम क्षेत्र के निवासियों में जो आतंक पैदा किया था वह उन्हें डराने के लिए काफी था। दोनों में से कौन सी विधि अधिक विश्वसनीय थी ये कहना कठिन था। यान तियानजियाओ ने एक मौन आह भरी। उसके लिए एक देव सम्राट के लिए जल्दी से दूसरे की सेवा करने का आदि होना बहुत कठिन था। उन्होंने पूछा, जहाँ तक मेरे प्रभु के राज्याभिषेक और आपकी शाही उपाधि का सवाल है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि हम उस मामले पर ध्यान दें, अभी भी कई चीजें करने की जरूरत है। यून चे ने उसे रोका। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके बाद वह मुड़ा और बोला, यानबू यहाँ आओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यानबू का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। लेकिन वह निश्चल पड़ी रही। वुआ, आज्ञा मानो, यान तियानजियाओ ने गंभीरता से चेतावनी दी। यान वु ने उड़ान भरी लेकिन उसके कदम असामान्य रूप से कठोर और धीमे थे। यान जी ने उसे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी लेकिन ये स्पष्ट रूप से इतना बुरा नहीं था कि यह उसे इतना धीमा कर देता। हालांकि अंत में चाहे वह कितनी भी धीमी गति से चल रही हो, यून चे से पहले उसके पहुंचने में केवल समय की बात थी। वह उसकी ओर झुकी और ठंडे स्वर में पूछा, आपके निर्देश क्या हैं, मेरे स्वामी? जवाब देने के बजाय यून चे ने अपना हाथ बढ़ाया और यान वू की ओर काली ऊर्जा का एक झोंका भेजा। यान वू की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं, लेकिन उसके पिता पीछे से उस पर गुर्राने लगे। विरोध मत करो, इसलिए यान वू ने खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया और अपने दांत पीस लिए। उसका पूरा शरीर घबराहट से हल्का हल्का कांप रहा था। इस बीच काली शक्ति उसकी गहरी नसों में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह इस कार्य के लिए सहमत है या नहीं। हालांकि उसकी घबराहट और उसकी शत्रुता केवल कुछ सांसों तक ही टिकी रही। जब उसने अपने शरीर के भीतर होने वाले बदलावों को देखा तो उसकी आंखों का ध्यान केंद्रित हो गया और जब उसके परिवर्तन का पूरा पैमाना धीरे धीरे उसके सामने आया तो उसका उत्साह और अविश्वास तेजी से बढ़ गया। खत्म होने के बाद यून चे ने अपना हाथ और काली ऊर्जा वापस ले ली। यान वू जहाँ थी वहीं खड़ी रही और बहुत देर तक खुद को देखती रही। उसका अविश्वास उसके चेहरे पर स्थायी स्थिरता की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपने में गिर गई हो। अचानक गौरवान्वित महिला फिर से झुक गई, लेकिन इस बार वह अपनी कमर को झुकाने के बजाय एक घुटने पर झुक गई थी। उसकी आवाज में ठंडक पूरी तरह से एक प्रकार के उत्साह से बदल गई थी जो केवल किसी की आत्मा की गहराई से ही आ सकती थी। यान वू, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। यान वू का स्वभाव बहुत अच्छा था। पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं था जो इसके बारे में नहीं जानता हो। यहाँ तक कि खुद यान तियानिक्सियाओ ने भी शायद ही कभी यान वू की ओर से कृतज्ञता और सम्मान का इतना गहरा भाव देखा हो। आश्चर्यचकित और हैरान यान तियानिक्सियाओ यान वू के पास गया और उसके कंधे पर उंगली रखी।
उस पल में अविश्वास और उत्तेजना ने यान वू की तरह उसकी अभिव्यक्ति पर काबू पा लिया और उसने आश्चर्यचकित होकर खुद से कहा, चुड़ैलों के बारे में अफवाहें वास्तव में सच है। हम्फ, बनिंग मून रियलम द्वारा इतनी जल्दी आत्मसमर्पण करने का एक कारण ये था कि उन्होंने चुड़ैलों के परिवर्तन को अपनी आंखों से देखा था। यू चे ने उदासीनता से कहा, जबकि उसका हाथ शैतानी रोशनी से चमक रहा था। यह शायद आप लोगों के लिए एक चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ ऐसा है जिसे मैं जब भी चाहूं कर सकता हूं। यान तियानज़ियाओ भी यान वू के बगल में घुटनों के बल बैठ गया और इस बार यह पिछली बार की तरह उतना मुश्किल नहीं लगा। कृपया यमराजों को अपना आशीर्वाद दें मेरे प्रभु, हम आपका उपकार सदैव याद रखेंगे और हमारे पास जो कुछ भी है उससे आपकी सेवा करेंगे। एक बार फिर उन्हें अंधेरे की शाश्वत आपदा की सच्ची शक्ति का गवाह बनाया गया। शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर की अंधेरी ऊर्जाओं को अपनी पसंद के अनुसार हेरफेर करने की शक्ति, एक हाथ की लहर पर सामान्य ज्ञान को पार करने वाले चमत्कार पैदा करने की शक्ति। उन्हें यकीन था कि यह सब अंधेरे की शाश्वत आपदा नहीं कर सकती थी। इस क्षण में उसे ये भी महसूस होने लगा कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र के नए स्वामी की सेवा करना उसका कर्तव्य था। मैं अधिकांश यम शैतानों को अपना आशीर्वाद दूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपकी वफादारी चाहिए। यू चे बहुत धीरे धीरे बोलता था ताकि कोई उसकी बात भूल न जाए। यह मत कहो कि मैंने तुम सबको चेतावनी नहीं दी, एक बार जब तुमने मेरी सेवा करने की शपथ ले ली तो कुछ भी नहीं वापस मुड़ना। यान तियानज़ियाओ ने ऊपर देखा और सीधे यू चे को देखा। वह जानता था कि उसे इस तरह की स्थिति में कैसे कार्य करना चाहिए। मेरे प्रभु, आप महान शैतान सम्राट के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। आप एकमात्र व्यक्ति भी हैं जिसने हमें पूरी तरह से हराया है। आपके अलावा कोई और नहीं जो हमारी वफादारी का हकदार हो मेरे प्रभु। बहुत अच्छा, यून चे ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले उसकी प्रशंसा की। जब वह चला गया तो तीन यम पूर्वजों ने उसका बारीकी से पीछा किया ताकि उसे किसी भी खतरे से बचाया जा सके। मेरे पास दो चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि आप करें, कृपया अपने विचार मेरे साथ साझा करें मेरे प्रभु, यान तियानज़ियाओ ने गंभीरता से कहा। एक, आप सभी को आज की घटना को गुप्त रखने का आदेश देंगे, विशेष रूप से आत्मा चोरी क्षेत्र से। इन दिनों काली भावनाओं में वृद्धि महसूस किए बिना वह चिबुयाओ के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हम, यान तियानज़ियाओ ने जवाब देने से पहले थोड़ा भौहें चढ़ाई, हे प्रभु, मुझे लगता है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आपकी शक्ति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है और हमारी भूमि में सोल चोरी क्षेत्र के अनगिनत जासूस हैं। मुझे अत्यधिक संदेह है कि लॉकडाउन बिल्कुल समय पर होगा। ये होना जरूरी नहीं है, कोशिश करने का दिखावा काफी अच्छा है। यून चे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। ।। यान तियानज़ियाओ ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, ये हो जाएगा मेरे प्रभु। दो, यून चे ने यान तियानज़ियाओ को तिरछी नजर से देखा। आप किसी को शाही स्वर्ग क्षेत्र में भेजेंगे और एक आदमी को मेरे पास लाएंगे। यदि आप इसे गुप्त रख सकते हैं तो मैं इसे पसंद करूंगा, लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो इससे लंबे समय में कोई फर्क नहीं पड़ता। शाही स्वर्ग क्षेत्र, यान तियानज़ियाओ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। यहीं पर यू चे ने यम भूतों के नेता यान सांगेंग को मार डाला था। उस समय वह इतना क्रोधित था कि उसने अपने लोगों को हर कीमत पर यून चे को पकड़ने का आदेश दिया, यहां तक कि वह तीन यम शैतानों को आत्मा चुराने वाले क्षेत्र में भेजने और यू चे की मांग करने तक पहुंच गया। उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यू चे कितना बड़ा राक्षस था। ये कौन आदमी है जिसे आप हमारे साथ ले जाना चाहते हैं हे प्रभु, उसने सावधानी से पूछा। यू चे ने शांत स्वर में उत्तर देने से पहले ऊपर देखा, तियान गुहू। तियान गुहू न केवल युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत गहन अभ्यासी था, बल्कि वह अपने से कई स्तर ऊपर के विरोधियों से भी लड़ सकता था। ऐसा इसलिए था कि यहाँ तक कि एक देव सम्राट यान तियानज़ियाओ ने भी उसके बारे में सुना था और उसका अध्ययन करने का प्रयास किया था। यान तियानज़ियाओ ने कोई और प्रश्न नहीं पूछा, वह बस पलटा और अपने आदमियों को आदेश दिया, यानी इंपीरियल हेवन क्षेत्र में स्वयं जाएं और तियान गुहू को वहां ले आएं। आप तुरंत चले जाएंगे। आमतौर पर ऊपरी तारा क्षेत्र के एक सामान्य नागरिक को यम क्षेत्र में लाना यम शैतान के अधीन था। हालांकि शाही स्वर्ग क्षेत्र केवल उत्तरी दिव्य क्षेत्र के राजा क्षेत्रों की तुलना में हीन था और तियान गुहू अपने कनिष्ठों के बीच बेहद प्रसिद्ध था। अंततः आदेश स्वयं यू चे की ओर से आया था, इसलिए तियान गुहू को पुनः प्राप्त करने के लिए यम शैतान को भेजना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी और न ही अत्यधिक। हाँ, यानी ने उसके आदेश को स्वीकार कर लिया और कमरे से बाहर चला गया। यान एक दो तीन मेरे पीछे आओ, यू चे ने आदेश दिया।
यान त्यानज्याओ ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं मेरे प्रभु? युनचे उसके कदमों को रोके बिना उसके पास से गुजरा। उन्होंने बस इतना कहा, अपने कर्तव्यों के पालन पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक प्रश्न न पूछें। अतीत में यान त्यानज्याओ ही वह व्यक्ति था जिसने चेतावनी दी थी, न कि इसके विपरीत। लेकिन चूंकि वह यानवू के महान परिवर्तन से उबर नहीं पाया था, इसलिए वह जल्दी से अपनी भूमिका में प्रवेश कर सका और उत्तर दिया, आप सही हैं, मेरे प्रभु। आपको शुभकामनाएं मेरे प्रभु। युनचे और तीन यम पूर्वज बिना कुछ कहे हॉल से चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अनंत अंधकार के अस्थि सागर की ओर जा रहे हो। कुछ समय के लिए शाही हॉल दमनकारी रूप से शांत था। थोड़ी देर बाद यानतू ने अंततः सावधानी से कहा, महामहिम, क्या हम वास्तव में करने जा रहे हैं? अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि यम क्षेत्र में कुछ भी नहीं बदला है। यम सम्राट अभी भी यम सम्राट थे, यम शैतान अभी भी यम शैतान थे, यम इंपीरियल जिले पर दुश्मन द्वारा कब्जा नहीं किया गया था या बंधक नहीं बनाया गया था। उन्होंने किसी भी तरह की कोई स्वतंत्रता भी नहीं खोई थी। यदि उन्हें अपने नुकसान गिनने थे तो इमारतें और यान जी थे। हालांकि बाद वाला निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। यदि उन्होंने यम साम्राज्य का यम सम्राट बनने के बाद अपना असली रंग दिखाया होता तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनके देश का क्या हुआ होता। तथ्य यह है कि युनचे ने कुछ भी नहीं बदला था या उन पर बिल्कुल भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब था कि वे जब चाहे उसे धोखा दे सकते थे। हालांकि ये तथ्य कि वह इतना ढीला था एक संकेत था कि उनका नया स्वामी जरा भी चिंतित नहीं था। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तुरंत उत्तर देने के बजाय यान त्यानज्याओ ने अपनी बेटी की ओर रुख किया और पूछा, वो तुम क्या सोचती हो? यान वू ने अपना ध्यान अपने शरीर से हटा लिया और कहा, मुझे लगता है कि मैं अब उत्तरी दिव्य क्षेत्र को छोड़ सकती हूँ और अभी भी ठीक हो सकती हूँ और अंधेरे की गहन ऊर्जा में लगभग उसी तरह हेरफेर कर सकती हूँ जैसे मैं अब हूँ। उन्होंने जो कहा उसने सभी को चौंका दिया। महाराज, आपका मतलब है? यानतू ने तुरंत पूछा। बहुत समय पहले शिबुयाओ ने मेरे शाही पिता को उसके साथ काम करने और हमारे पिंजरे को एक साथ तोड़ने के लिए मनाने की एक से अधिक बार कोशिश की थी। हालांकि उस समय ये केवल एक दिवास्वप्न था। यान वू ठंडे स्वर में बोल रही थी, लेकिन ये डराने वाला साम्राज्यवादी स्वर नहीं था जो वह आमतौर पर अपने से कमतर लोगों से बात करते समय इस्तेमाल करती थी। ये दृढ़ संकल्प बनाने की ठंडी ठंडक थी। लेकिन युनचे अलग है। उन्होंने जो कहा उसका मतलब था और उनमें इसे पूरा करने की शक्ति है। यान वू ने कहने से पहले अपने चारों ओर देखा, हम केवल एक बार जीते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमेशा के लिए अंधेरे में छुपे रहना बहुत उबाऊ और निराशाजनक होगा? इस तरह के अवसर और उनके जैसे नेता के साथ हम इसे एक मौका क्यों नहीं देते और अपनी किस्मत को पलटने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम अंत में मृत और नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम अंधकार की इस भूमि के योग्य होते जिसने हमें जन्म दिया और जो शक्ति हमें विरासत में मिली। यान वू की बातों ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पहले वह थी जिसने उन सभी में से सबसे अधिक प्रतिरोध दिखाया था। युनचे द्वारा उसे छूने के बाद किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा बदलाव कर देगी। यान त्यानज्याओ ने शांति से शुरुआत की, आप कहना चाहते हैं? मैंने उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया है। यान वू ने दृढ़तापूर्वक और बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की। सुनी सुनाई बातें कभी भी व्यक्तिगत अनुभव जितनी विश्वसनीय नहीं होंगी। क्या आपको यकीन है? यान त्यानज्याओ ने फिर पूछा। हाँ, मुझे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। यान वू ने अपना हाथ उठाया और अंधेरे के एक चक्र को बुलाया। एक समय की बात है, जैसे ही मैंने उत्तरी दिव्य क्षेत्र से बाहर कदम रखा मैं आधा अपंग हो गया और प्रतिरोध की कोई भी बात एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं थी। लेकिन अब मैं तीन दिव्य क्षेत्रों की धरती पर अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि वे उस नफरत और गुस्से को महसूस करें जो हमने अनगिनत वर्षों से अपने दिलों में जमा कर रखा है। टकराना, उसने अपना हाथ भींच लिया और अंधेरे का छोटा सा गोला उसकी हथेली में फूट गया। उसने नीचे देखते हुए कहा, मेरे रवैये में बदलाव से आश्चर्यचकित मत होइए। आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है जब आपको मेरे जैसा ही आशीर्वाद मिला है। मुझे लगता है कि मैं ये समझना शुरू कर रहा हूँ कि पूर्वजों ने ये निर्णय क्यों लिया। ये सच है कि यम डेविल्स और यम घोस्ट अभी भी यान वू के परिवर्तन और परिवर्तन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन उसके व्यवहार में भारी बदलाव ने उन्हें युनचे को और अधिक स्वीकार करने वाला बना दिया है। अच्छा, यान त्यानज्याओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसे अब समझ आया कि युनचे ने यान वू को अपने परिवर्तन के पहले विषय के रूप में क्यों चुना था। यह कोई यादृच्छिक विकल्प नहीं था। याद करो उसने क्या कहा था।
एक बार जब आपने उनकी सेवा करने की शपथ ले ली तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। यान तियानजियाओ ने गंभीरता से चेतावनी दी। नहीं, हम सब ने देखा है कि वह कितना निर्दयी है। ये पसंद है या नहीं, वापस लौटने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, यान वू ने उदासीनता से कहा। मैं उसके हाथों की तुलना में 3 दिव्य क्षेत्रों की धरती पर मरना अधिक पसंद करूंगा। मैंने कम से कम कुछ तो हासिल किया होता। युनचे द्वारा आशीर्वाद दिए जाने के बाद से उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। वास्तव में वह संभवतः पहली व्यक्ति होगी जिसने इस स्तर पर विद्रोह करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाहर निकाला और मार डाला। हे, यान तियानजियाओ ने विनम्रता से हंसते हुए कहा। यम सम्राट होने के बावजूद उन्हें यान वू की पेशकश करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं, ये कभी न भूले कि युचे मुझसे ऊपर है। आप सभी ने उसकी योग्यता और उसकी शक्ति को अपनी आंखों से देखा है। कम से कम तुम्हें उसके सामने कभी भी अवज्ञा प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। अंत में यान तियानजियाओ ने आदेश भेजा। अब हमारे प्रभु के आदेश का पालन करें और जितनी जल्दी हो सके अफवाहों पर रोक लगाएं। अनंत अंधकार के अस्थि सागर में युचे 3 यम पूर्वजों के साथ वापस आ गया था, लेकिन वह अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए यहाँ नहीं था। इसके बजाय वह अनंत अंधकार के अस्थि सागर के किनारे की ओर उड़ गया। रास्ते भर उसे अपनी दृष्टि में बैंगनी प्रकाश दिखाई देता रहा। यह नीदरलैंड के उदुम्बरा फूल की बैंगनी रोशनी थी। उसकी ताकत के स्तर पर ये भयानक फूल अब उसकी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते थे। उसने कभी उनकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। आखिरकार वह सब उसके दिल और आत्मा को एक अंधेरी दर्दनाक खाई में धकेल देगा जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहेगा। युनचे अंततः रुक गया। वह एक शैतान क्रिस्टल को देख रहा था जिसके पूरे शरीर में रहस्यमयी काली रोशनी घूम रही थी। ये शैतान क्रिस्टल अनंत अंधकार के अस्थि सागर के किनारे बिखरे हुए थे। अजीब आकार के क्रिस्टल ऐसे लग रहे थे जैसे वे प्राकृतिक रूप से बने हो। उनकी सतह से उछलती फॉस्फोरस रोशनी उन्हें एक अंधेरा और स्वप्निल रूप दे रही थी। युचे नीचे की ओर झुके और काले क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, लेकिन 3 यम पूर्वज एक ही समय में चिल्लाए। इसे मत छुओ मास्टर। युनचे आंदोलन के बीच में ही जम गया। यान वन ने कहा, ये शैतान क्रिस्टल इस स्थान पर प्राचीन यिन ऊर्जा का क्रिस्टलीकरण है। इन्हें बनने में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगता है। हालांकि वे सामान्य डेविल क्रिस्टल के समान दिखते हैं, लेकिन उनमें मौजूद डार्क एनर्जी अविश्वसनीय रूप से सघन और अस्थिर है। किसी भी तरह के शारीरिक संपर्क के परिणाम स्वरूप हिंसक प्रतिक्रिया होगी। यान टू ने कहा, हमने पहले भी इसकी शक्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी तीनों शक्तियां संयुक्त होने पर भी यह एक असंभव कार्य साबित हुआ। परिणाम इतने भयानक थे कि हम इसके करीब भी जाने की हिम्मत नहीं कर सके। यान टू अचानक सदमे में बोला, ऐसा इसलिए था क्योंकि युचे ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था और काले क्रिस्टल को छू लिया था। हालांकि जिस प्रतिक्रिया की उन्होंने कल्पना की थी वह नहीं हुई। काले क्रिस्टल ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। जैसे ही तीनों यम पूर्वजों ने राहत की लंबी सांस ली, यान थरी ने कहा, आप दोनों हमेशा बकवास करते हैं। अनंत अंधेरे के शैतान क्रिस्टल जैसी दयनीय चीज से हमारे स्वामी को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हम अत्यधिक सतर्क थे। यान वन और यान टू ने जल्दी से सिर हिलाया। इस बीच युचे ने अपना हाथ क्रिस्टल से हटा लिया था और अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर रहा था। उसके दिमाग में विचारों की श्रृंखला तेजी से घूम रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्रिस्टल ऊर्जा का सबसे स्थिर रूप थे। यही कारण है कि सभी प्रकार के गहन क्रिस्टल का उपयोग किसी की खेती को बेहतर बनाने, संरचनाओं और कलाकृतियों को बनाने और यहां तक कि मुद्राओं के रूप में व्यापार करने के लिए किया जाता था। हालांकि ये तथाकथित शाश्वत अंधेरे का शैतान क्रिस्टल सामान्य अंधेरे क्रिस्टल से पूरी तरह से अलग था। जैसे ही युनचे ने उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाया था, उसके अंदर रहने वाली ऊर्जा एक शैतान देवता की तरह हिंसक रूप से जाग उठी थी जो अपनी नींद से जाग गया था। ये असामान्य क्रिस्टल समय और इस स्थान की मौलिक यिन ऊर्जा के क्रिस्टलीकरण का उत्पाद थे, या अधिक विशेष रूप से यहां मरने वाले प्राचीन शैतानों की मृत्यु ऊर्जा थी। यहां तक कि वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि जब वे अनंत अंधकार के अस्थि सागर में नष्ट हो गए तो उनकी मृत्यु ऊर्जा में कितनी नफरत और हत्या का इरादा था। युचे ने धीरे से अपने चारों ओर देखा। उन्होंने इस क्षेत्र में केवल कुछ शैतान क्रिस्टल देखे, लेकिन शाश्वत अंधकार का अस्थि सागर विशाल था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वह कोशिश करेगा तो शैतान क्रिस्टल का पहाड़ इकट्ठा कर सकता है। युनचे के मुंह का कोना धीरे धीरे ऊपर हो गया। अंतिम परिणाम कुछ कुछ रक्त पिपासु राक्षस की भयावह मुस्कान जैसा लग रहा था।
उसके पीछे तीनों यम पूर्वज एक स्वर में कांप रहे थे। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, विज्ञापन पॉपअप विज्ञा आत्मा चोरी क्षेत्र, आत्मा चोरी पवित्र क्षेत्र के अंदर ची भुयाओ खूबसूरती से उतरने से पहले धीरे धीरे जमीन की ओर तैरने लगा। जैसे ही उसके पैर की उंगलियां जमीन को छूती थी, उसका काला वस्त्र उसके चारों ओर लिप्त जाता था। अनजाने में उसके कामुक शरीर के हर आकर्षक मोर दिखने लगते थे। मालिक, जैसे ही वह प्रकट हुई, दूर से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज के हवा में गूंजने के बाद एक लड़की की आकृति जल्द ही चिबुयाओ के सामने अस्तित्व में आ गई। उसका चेहरा उत्तम जेड के समान सुंदर था और उसकी त्वचा का रंग क्रीम जैसा था। उसके सुंदर होंठ माणिक की तरह लाल थे, भले ही उसने कोई रूज नहीं लगाया था। उसकी चमकीली आंखें विशेष रूप से आकर्षक थीं। उन साफ और चिकने तालाबों में अजीब रंग लहरा रहे थे और वे शुद्ध और आकर्षक दोनों लग रहे थे। उसकी सुंदर और हवादार पोशाक उसकी कमर पर उसके शरीर से चिपकी हुई थी और उसके शरीर से चमकती रंगीन और मनमोहक रोशनी उसकी पहचान को स्पष्ट रूप से बता रही थी। आत्मा चोरी क्षेत्र की सातवीं चुड़ैल हुआ जिन। क्या बात क्या बात, ची भुयाओ ने पूछा। मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, यम क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। यम बाधा बिना किसी कारण के ध्वस्त हो गई और तीन यम पूर्वजों ने अनंत अंधकार के अस्थि सागर को छोड़ दिया और सार्वजनिक रूप से यूचे को अपना नया स्वामी घोषित किया। उसके बाद शाश्वत अंधकार का अस्थि सागर हिल गया और आसमान में काले बादल छा गए। इन सभी घटनाओं का यूचे से कुछ लेना देना प्रतीत होता है। ची भुयाओ, हमारे पास अभी भी इसका विवरण नहीं है कि आगे क्या हुआ, लेकिन ये बहुत संभव है कि यम सम्राट ने यूचे के साथ किसी तरह का समझौता कर लिया है। ची भुयाओ ने उत्तर दिया, मुझे इन चीजों के बारे में पहले से ही पता था। हुआ जिन की आवाज चिंता और चिंता से भरी थी, लेकिन ची भुयाओ की आवाज असाधारण रूप से शांत और शांत थी। उसके भीतर एक भी लहर सुनाई नहीं दे रही थी। हमारे बनिंग मून क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने से पहले ही उन्होंने यम क्षेत्र में जाने की लंबे समय से योजना बनाई थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि ऐसी संभावना है कि वह अनंत अंधेरे के अस्थि सागर में अंधेरे यिन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए अंधेरे की शाश्वत आपदा का उपयोग कर सकते हैं। उसका इरादा इसका उपयोग तीन यम पूर्वजों से निपटने और यम क्षेत्र को मजबूर करने के लिए करना था। ऐसा लगता है कि वह अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक सफल हुआ। ये सोचना कि शक्तिशाली तीन यम पूर्वज उन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थे, उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ची भुयाओ ने बहुत धीमी हंसी छोड़ी। ऐसा लगता है जैसे वह वास्तव में उस समय पीछे हट रहा था। जैसे ही उसने ची भुयाओ की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा, हुआ जिन अब खुद को रोक नहीं सकी। उसने पूछा, मास्टर, ऐसा क्यों लगता है कि आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र हैं? इसमें चिंता की क्या बात है? ची भुयाओ ने सहज स्वर में कहा। हुआ जिन ने चिंतित स्वर में कहा, एक बात है जिसकी हमने पुष्टि की है और वह है तीन यम पूर्वजों द्वारा यूचे को अपने स्वामी के रूप में पहचानने का मामला। इसके अलावा तीन यम पूर्वजों ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि यूचे ने उन्हें अनंत अंधकार के अस्थि सागर से मुक्त कर दिया है। यही मुख्य कारण होना चाहिए कि वे यूचे को अपने स्वामी के रूप में लेने के इच्छुक थे। उसके बाद जो हुआ उससे ये स्पष्ट है कि यम दायरे ने यूचे के साथ समझौता कर लिया। यदि यूचे अब यम क्षेत्र की सेनाओं को संगठित करने में सक्षम है, आप चिंतित हैं कि वह इस अवसर का उपयोग हमारे आत्मा चोरी क्षेत्र को दबाने के लिए करेगा? ची भुयाओ ने पूछा। जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी आवाज जरा भी नहीं लड़खड़ाई। हाँ, हुआ जिन ने अपना सिर झुका लिया। पहले यूचे और यूकियानिंग उत्तरी क्षेत्र में अकेले और मित्रहीन थे, लेकिन मास्टर उनके साथ बराबरी का समझौता करने को तैयार थे। लेकिन अब यदि उसने वास्तव में यम क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, तो उसके पास मौजूद बलों की पूरी ताकत, जिसमें भयानक तीन यम पूर्वज मैं शामिल है। चिंता मत करो, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, ची भुयाओ ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तीन राजा क्षेत्रों को एकजुट करना हमेशा हमारा एक साझा लक्ष्य था। बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने ये लक्ष्य अपनी ताकत से पूरा किया है। हुआ जिन ने कहा, मास्टर, कुछ ऐसा है जिससे आप अनजान हैं। उसके बाद यम क्षेत्र ने तेजी से अपनी सीमाएं बंद कर दी और हमारे सभी जासूस दूर धकेल दिए गए। इस बीच हमारे लिए कोई और जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। अभी 20 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और यूचे के लौटने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। असल में उन्होंने हमें कोई खबर भी नहीं भेजी है, ची भुयाओ ने कहा। इतनी बड़ी घटना घटी, इसलिए इसे छिपाने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है। यह जबरदस्त हस्तक्षेप शायद यूचे का हमें संदेश भेजने का तरीका है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुआ जिन का सिर झटके से ऊपर उठ गया। मास्टर, जब आप इस बारे में पहले से ही जानते हैं तो आप
जरा भी चिंतित क्यों नहीं होते? ची बुयाओ मंद मंद मुस्कुराए और अपना जैद हाथ बढ़ाया, उसकी नाजुक उंगलियां हुआ जिन के चेरी होठों को धीरे से छू रही थी। तुम चिंता मत करो, वह हमारा दुश्मन नहीं बनेगा, वह कभी हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। हुआ जिन के होंठ अनायास ही अलग हो गए। उसे समझ में नहीं आया कि ची बुयाओ का आत्मविश्वास कहां से आया, लेकिन जब उसके मालिक की बात आती थी तो उसे केवल एक ही काम करना था और वह था उनका पालन करना। ची बुयाओ ने आगे कहा, ये पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि यम क्षेत्र में क्या हो रहा है। दरअसल अभी केवल एक ही काम है जो मुझे आपसे करना है। मेरे लिए यम लोक में कुछ भेजो। उद्धरण चिन्ह ... आप मुझसे क्या चाहते हैं? हुआ जिन ने पूछा। एक निमंत्रण कार्ड। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुआ जिन अपने दिल में कई आशंकाओं के साथ चली गई। ची बुयाओ ने धीरे से अपने शरीर को यम क्षेत्र की दिशा में घुमाया। फिर उसने एक धीमी और उदास आह भरी। अंत में स्वर्ग की इच्छा हमेशा मनुष्य की योजनाओं से अधिक मजबूत होगी। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया है, लेकिन ये भी ठीक है। शुरू से अंत तक मैं अपना मोहरा भी खुद हूँ। यूं चेको अनंत अंधकार के अस्थि सागर से बाहर आने में कई दिन बीत गए। यान वो इस पूरे समय व्यक्तिगत रूप से शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। जैसे ही उसने यूचे को देखा, उसने उसे गहरा प्रणाम किया और कहा, यान वो मेरे स्वामी को नमस्कार करता है। यान वो पूर्वजों को नमस्कार करता है। कुछ दिन पहले उसने अपने चेहरे पर जो घिनौना चेहरा धारण किया था, उसकी तुलना में और तेज और बर्फीली चमक के साथ वह पहले यूचे को देखती थी, यान वो के रवैये में भारी बदलाव आया था। क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश है? यूचे ने शांत स्वर में पूछा। माय लॉर्ड को सूचित करते हुए, हम उस व्यक्ति को 12 घंटे पहले ही यहाँ ला चुके हैं और हमने कोई निशान नहीं छोड़ा है। इंपीरियल हेवन क्षेत्र के केवल कुछ ही लोग इस मामले से अवगत हैं। यान वू ने यूनचे को सूचना दी। बहुत अच्छा। जैसे ही यूनचे शाही हॉल की ओर चला, उसकी नजर उस पर पड़ी। तियान गुहू को अचंभित अवस्था में यम क्षेत्र में लाया गया था। यम क्षेत्र के नाटकीय परिवर्तन की खबर अभी तक इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी। जब यानी उसे लेने आया था, तियान गुहू को स्वर्गीय संप्रभु सभा के दौरान अन्य सभी स्वर्गीय संप्रभुओं और उत्तरी दिव्य क्षेत्र की उल्लेखनीय हस्तियों के सामने यूचे से बुरी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनकी हार ने तियान गुहू के लिए कोई स्थायी आघात पैदा नहीं किया था। इसके विपरीत यूनचे ने जो शब्द उसके पास छोड़े थे, उसने उसके अहंकारी विश्वास को बहुत हिला दिया था। यम सम्राट ने उसे यम क्षेत्र में बुलाने का आदेश दिया था और एक यम शैतान उसे वहां ले जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया था। भले ही शाही स्वर्ग क्षेत्र के राजा तियान मुई को इस बारे में बहुत संदेह था, लेकिन उन्होंने सम्मन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह यहां उसका पीछा करने के लिए दृढ़ था और ये तियान गुहू ही था जिसने उसे ऐसा न करने के लिए मना लिया था। इसलिए तियान गुहू अकेले ही यानी के पीछे पीछे यम क्षेत्र तक आ गया था। भले ही तियान गुहू उत्तरी दैवीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचारित युवा व्यक्ति था, अपनी पीढ़ी का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था, इनमें से कोई भी चीज राजा के दायरे पर लागू नहीं होती थी। वे बाकियों से एक स्तर ऊपर मौजूद थे। इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र पीढ़ियों से यम क्षेत्र के साथ मित्रतापूर्ण रहा है, लेकिन एक बार जब किसी ने सतह को खरोंच दिया तो यह मैत्रीपूर्ण संबंध निस्संदेह वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच के रिश्ते में बदल गया। इसके अलावा ये श्रेष्ठता का एक अंतर था जिसे कमतर व्यक्ति कभी भी दूर करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि तियान गुहू की स्थिति के साथ उसके लिए यम भूतों के पूर्व नेता यान सांगेंग जैसे किसी व्यक्ति को देखना बेहद दुर्लभ था, यम डेविल्स या यम सम्राट जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि शाही हॉल में प्रवेश करते समय प्रसिद्ध यम शैतानों को देखकर तियान गुहू का दिल कितनी बुरी तरह हिल गया था। जब उसने शाही कक्ष के केंद्र की ओर देखा तो उसकी आंखें श्रद्धा और भय से कांपने लगी। जब उसने देखा कि उसके सामने क्या था तो उसके पैर ठिठक गए और उसकी आंखें तेजी से फैल गईं। वह जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। यम क्षेत्र के सम्राट यान तियानजियाओ तियान गुहू को उन्हें एक बार देखने का सौभाग्य मिला था जब वह उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में प्रवेश करने के बाद अपने पिता के साथ यहाँ आए थे। हालांकि उसकी नजर में सबसे मजबूत और सबसे महान देवता सम्राट वास्तव में सिंहासन के किनारे खड़ा था, और जो व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठा था, यूचे तियान गुहू, यूचे ने शांत स्वर में कहा, हमें आखिरी बार मिले हुए कुछ महीने हो गए हैं, क्या आप अब भी मुझे याद हैं? यूचे तियान गुहू की आवाज कांप उठी और उसने सदमे में यह नाम बोला। उसने एक बार फिर अपने आस पास की जाँच की, लेकिन वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या देख रहा है।
इन दिनों पूरा उत्तरी दैवीय क्षेत्र यू चेक नाम से हिल गया था। वह एक शैतान सम्राट की विरासत का उत्तराधिकारी था और उसने जलते चंद्रमा देवता सम्राट को अपने ही क्षेत्र के मध्य में काटने के लिए एक सच्चे ईश्वर की शक्ति का प्रयोग किया था। यह इतना चौंकाने वाला दृश्य था कि मून ईटर्स ने बिना किसी लड़ाई के हार मान ली थी। ऐसी अफवाहें भी थी कि उसे आत्मा चोरी क्षेत्र के सम्राट का ताज पहनाया जाने वाला था। प्रत्येक अफवाह अगली से अधिक चौंकाने वाली और अविश्वसनीय थी। हालांकि जल्द ही फेन डाओजुन की मृत्यु और बनिंग मून रियलम के आत्मसमर्पण की खबरें आई और ये अफवाहें अकाट्य तथ्य बन गईं। जब सभी ने ये खबर सुनी तो सचमुच उनकी सांसें थम गईं। ये वह खबर भी थी जिसके कारण यूचे ने तियान गुहु से जो शब्द कहे थे वे उसके दिल में और अधिक तीव्रता से गूंजने लगे। वास्तव में पिछले कुछ दिनों में उसकी भावनाएं इतनी प्रबल और तीव्र हो गई थी कि वह 10 से अधिक बार दर्शकों से भीख मांगने के लिए सोल स्टीलिंग दायरे में जाने के आवेग से जबत हो गया था और लगभग हार मान चुका था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे यमलोक में उसकी वांछित मुलाकात मिलेगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह यूनचे से दोबारा तब मिलेगा जब वह उस सिंहासन पर बैठा होगा जिसे केवल यम सम्राट ही छू सकता था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर देगा, एक ऐसा दृश्य जिसने दिमाग को पूरी तरह से चकित कर दिया था। तियान गुहु, यूचे ने सिकुड़ी हुई आंखों से कहा, उसकी नजर असाधारण रूप से तेज हो गई। ये बहुत मामूली अवसर है, लेकिन आपने इतने भद्दे तरीके से प्रतिक्रिया दी है। क्या आपका तथाकथित गौरव और आकांक्षाएं केवल इतनी ही है? यूचे के शब्द तियान गुहु के दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। जब उसने चुपके से अपनी जीभ की नोक को काटा तो उसकी रूह कांप उठी। उस तीव्र दर्द के बीच आखिरकार उसके दिमाग में कुछ स्पष्टता आ गई। गंभीर और सम्मानजनक प्रणाम करते हुए उसने धीरे धीरे हवा का झोंका लिया। इंपीरियल हेवन रियलम के तियान गुहु यम रियलम का दौरा करने आए हैं। सीनियर यून यम सम्राट और सभी यम डेविल्स को देख पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यून चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी दिशा में चलने लगा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, तीन यम पूर्वज तेजी से उसके पीछे चल पड़े। तियान गुहु ने पहले कभी यूचे के पीछे तीन झुके हुए और बदसूरत बूढ़े लोगों को नहीं देखा था, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसे लगा कि उसकी आत्मा सुन्न हो गई है और वह बिना आवाज के कांप रही थी। यह ऐसा था मानो किसी अदृश्य पंजे ने उसे इतनी मजबूती से जकड़ लिया था कि वह मुक्त होने के लिए संघर्ष करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। एक ऐसा पंजा जिसे उसे मौत की अनंत खाई में धकेलने के लिए केवल एक पल की जरूरत थी। उसे ऐसी अनुभूति केवल तभी महसूस हुई थी जब उसने इतने वर्षों पहले यम सम्राट से मुलाकात की थी। उनकी वर्तमान खेती को देखते हुए उनका दिमाग पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। फिर भी यूनचे के पीछे तीन बुरे लोगों ने उसे वही भयावह अनुभूति महसूस कराई जो उसने तब महसूस की थी। तियान गुहु के अविश्वसनीय आश्चर्य के कारण उसका पूरा शरीर कांपने लगा था, एक ऐसी क्रिया जिसे वह नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ था। हालांकि उसने खुद को सीधे खड़े होने के लिए मजबूर किया और अपनी निगाहों को शांत और अलग रखने के लिए जमकर संघर्ष किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि कूड़े का एक टुकड़ा जो दूसरे व्यक्ति की आभा के कारण उसके घुटनों तक डूब जाएगा, उसका कभी भी सम्मान नहीं किया जाएगा। मैंने सुना है कि आपने अपना नाम तियान गुहु रखा है। यूचे उसकी ओर चला। जब उसने आखिरकार दोबारा बात की तो वह तियान गुहु से केवल कुछ ही कदम की दूरी पर था। आप इस तथ्य से क्रोधित थे कि आपके आसपास हर कोई इस जेल के अंदर फंसने से संतुष्ट था। वे या तो निराशाजनक जीवन जीते थे या व्यक्तिगत लाभ के लिए एक दूसरे को मारने की कोशिश करते थे। न केवल उनमें अपने भाग्य को चुनौती देने का कोई दृढ़ संकल्प नहीं था, बल्कि वे अपनी कब्र खोदने में भी सक्रिय भागीदार थे। एक कब्र जो पहले से ही रसातल जितनी गहरी थी। उन शब्दों से तियान गुहु का दिल बुरी तरह हिल गया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इन उच्च विचारधारा वाली आकांक्षाओं का क्या मतलब था? मैं तियान गुहु न केवल इन आकांक्षाओं में अकेला हूँ, बल्कि मैं एक कूड़े के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं हूँ जो एक भी लहर पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तरी दिव्य क्षेत्र अपने अपरिहार्य भाग्य की ओर बढ़ रहा है। आप बहुत आत्म जागरूक है, यूचे ने शांत भाव से कहा। चाहे आपकी आकांक्षाएं कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अगर आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो वे एक बेतु के मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होंगी। ।। तियान गुहु ने अपने दांत भींच लिए। फिर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। ये शब्द कहते हुए यूनचे ने उस पर गहरी नजर डाली। मैं तुम्हें वह शक्ति दे सकता हूँ जो तुम्हारे पिता से भी अधिक है, लेकिन मेरी एक शर्त है।
मैं चाहता हूँ कि तुम वह भाला बन जाओ जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र के पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाए, एक ऐसा भाला जो तीन अन्य दिव्य क्षेत्रों को भेद देगा, एक ऐसा भाला जो किसी भी क्षण टूट सकता है। क्या आप इस शर्त को स्वीकार करने का साहस करते हैं? तियान गुहू उन शब्दों से पूरी तरह से स्तब्ध था। एक पल के लिए उसे ये भी संदेह हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति खराब हो गई है। क्या कहा आपने? आपको मेरी बातों पर संदेह करने या ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो कहा वह पूरा कर पाऊंगा या नहीं। तुम्हें मुझे केवल एक उत्तर देना होगा। क्या आप हिम्मत करते हैं या आप हिम्मत नहीं करते हैं? यम पूर्वज उसके पीछे थे और यम सम्राट और उसके यम शैतानों ने उनके चारों ओर एक घेरा बना लिया था। यूं चेके हर शब्द से एक आध्यात्मिक दबाव पैदा हुआ जो किसी देव सम्राट की ताकत से कम भारी नहीं था। उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तियान गुहू का मन असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और विश्वास को अविश्वसनीय रूप से हिंसक झटका लगा था। जब उन्होंने अपना उत्तर दिया तो उन्होंने व्यवहारिक रूप से बिना सोचे समझे कहा, ये कुछ ऐसा है जिसका मैंने अपने पूरे जीवन में सपना देखा है, एक अवसर जिसके लिए मैं भीख मांग रहा हूँ। क्यों नहीं, मैं हिम्मत करूंगा। बहुत अच्छा, यून चे ने ठंडे और शांत स्वर में उसकी प्रशंसा की। इसके बाद अचानक उनकी भौहें झुक गईं। उसे रोकें। जैसे ही उन्होंने यह आदेश दिया, तीन यम पूर्वज तुरंत तियान गुहू के आसपास प्रकट हो गए। उन्होंने एक साथ अपनी शक्ति जारी की, तियान गुहू को तुरंत अपने घुटनों पर मजबूर कर दिया। उसकी शक्ति पूरी तरह से दबा दी गई थी और वह एक मांसपेशी भी नहीं हिला सका। तियान गुहू के पास लेवल 7 के दिव्य संप्रभु होने के बावजूद स्तर 10 के दिव्य संप्रभुओं के खिलाफ लड़ने की ताकत थी, लेकिन वह यम पूर्वज के सामने एक दयनीय कीड़ा से ज्यादा कुछ नहीं था। यम पूर्वज इतने शक्तिशाली थे कि उनसे व्यक्तिगत रूप से एक दिव्य संप्रभु को दबाना बेहद अपमानजनक था, एक साथ तीनों को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यूनचे का आदेश पूर्ण था और वह यही था। तियान गुहू के घुटने एक जोरदार दरार के साथ जमीन से टकराए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लाखों पहाड़ उसके कंधों पर बैठे हों और शरीर का एकमात्र हिस्सा जिसे वह अभी भी हिला सकता था वह उसकी आंखें थी। हालांकि उन्होंने संघर्ष करने की कोशिश नहीं की। इस समय उसका दमन करने वाली कोई भी शक्ति पलक झपकते ही उसके अस्तित्व को मिटा सकती है। प्रतिरोध करना, क्या वह मजाक था? टकराना, यून चे ने तियान गुहू के सामने जोर से गिराने से पहले एक काली कड़ाही मंगवाई। यह कोई और नहीं बल्कि यम क्षेत्र की शैतान मूल कलाकृति यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन थी। कमरे में मौजूद हर यम शैतान यूं चे की हरकतों से स्तब्ध था। क्या वह योजना बना रहा है? यान तियानिक्सियाओ तब ठंडा हो गया जब उसके दिमाग में एक स्मृति कौन थी। उसने अवचेतन रूप से एक कदम आगे बढ़ाने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन तुरंत अपने कदमों और उन शब्दों को रोक लिया जो उसके मुंह से निकलने वाले थे। यूं चे की हथेली कड़ाही के ऊपर धीरे धीरे तैरी। जब उसने अपनी हथेली उठाई तो कड़ाही से एक काली काली लौ उठी और उसकी उंगलियों के बीच आकर रुक गई। उस काली लौ के प्रकट होते ही शाही हॉल के अंदर की सारी रोशनी उसके अंधेरे से भस्म हो गई। इसकी उपस्थिति भी हर किसी की आंखों में चुभ गई और उनके दिल और आत्मा में भर गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह यम शैतानों की शैतानी मूल शक्ति थी, एक आदिम सच्चे शैतान की मूल शक्ति थी। एक सच्चे शैतान की मूल शक्ति को किसी चुने हुए उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे कभी भी सीधे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसा कभी कोई यम सम्राट नहीं हुआ जो इसकी इच्छा में हस्तक्षेप कर सके। लेकिन अब ये बिना किसी प्रतिरोध के यूचे के आदेश का पालन कर रहा था। हालांकि यहाँ हर किसी को यूनचे ने स्वयं सभी प्रकार की असंभव चीजों का गवाह बनाया था, फिर भी उनके सामने के दृश्य ने उन्हें बहुत हिला दिया था। ये यम शैतानों की शैतानी मूल शक्ति है, यूचे ने धीरे से कहा। शैतान मूल की शक्ति उसकी आंखों के ठीक सामने तैर रही थी, लेकिन यह उसकी आंखों की गहरी चमक को थोड़ा भी प्रभावित नहीं कर सकी। यहाँ ये चीज आपको वह शक्ति प्रदान करेगी जो दुनिया में कोई भी एक ही दिन में लाखों जन्मों में सपने देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आशा करते हैं कि आप अपने नाम लूनली स्वान के अनुरूप जिएंगे। इससे पहले कि तियान गुहू कोई प्रतिक्रिया दे सके, उसने तियान गुहू के माथे में काली रोशनी दबा दी। बस एक धीमी गड़गड़ाहट थी क्योंकि यम शैतान की आभा बाढ़ की तरह काली लौ से बाहर निकल रही थी। तियान गुहू की आकृति एक ही पल में भस्म हो गई। आर्ग, दिव्य संप्रभु ने शुरू में दर्द की चीख निकाली, लेकिन उसने इसे लगभग तुरंत ही रोक लिया। उसके बाद उसने कभी चीख नहीं निकाली, तब भी जब उसके दांत जोर से टूटने लगे। सभी यम शैतान निश्चित रूप से अपनी शैतान मूल शक्ति का सम्मान करते थे। यद्यपि यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन किसी भी यम डेविल से अपनी शक्ति वापस ले सकता था,
लेकिन इसमें एक विशेष प्रतिबंध भी था जहां इसे केवल उन लोगों को ही दिया जा सकता था जिनके पास यम डेविल वंश था। तियान गुहू में यम शैतान का कोई वंश नहीं था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसे यम शैतान मूल शक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या युनचे वास्तव में उसे अपनी शक्ति किसी ऐसे अजनबी को सौंपने के लिए मजबूर कर सकती है जिसका उससे कोई संबंध नहीं है? महामहिम ये यानी ने यान तियानिक्सियाओ को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। अनादिकाल से यम शैतान की शक्ति हमेशा यम शैतान की ही रही है, किसी और की नहीं। यदि युनचे वास्तव में जो कर रहा था उसमें सफल हो गया तो ये किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी शक्ति देने के बराबर था। चुप रहो, यान तियानिक्सियाओ ने उसे डांटा। एक घंटा बीत गया, फिर दो घंटे बीत गए। टकराना, बाद में एक बड़ा विस्फोट हुआ। पूरे शाही हॉल में अंधेरा छाने वाली काली रोशनी और काली आभा पूरी तरह से गायब हो गई। तियान गुहू की लंगड़ी आकृति सबके सामने आई। वह युवक जमीन पर पड़ा हौंफ रहा था और खूब पसीना बहा रहा था और उसके शरीर के अंदर अंधेरे की एक परत धीरे धीरे घूम रही थी। उनकी आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। जब तियान गुहू ने धीरे से ऊपर देखा और अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों की पुतलियों में एक काली चमक चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान तियानिक्सियाओ ने चुपचाप अपनी मुठियां भींच ली और उसे अपनी खोपड़ी पर एक भयानक खुजली महसूस हुई। यम शैतानों की प्रतिक्रियाएं उससे भी बदतर थी। हालांकि तियान गुहू इस समय अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रहा था, उसकी आभा स्पष्ट रूप से आठवें स्तर के दिव्य गुरु की थी। आमतौर पर यम शैतान के शरीर में शैतान मूल की शक्ति को इंजेक्ट करने और उन्हें पूरी तरह से सिंक्रोनाइज करने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन तियान गुहू एक पूर्ण बाहरी व्यक्ति जिसे यम शैतान मूल शक्ति द्वारा किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था, अपनी शक्ति हासिल करने में सक्षम था और विरासत केवल दो घंटे के समय में पूरी हो गई। हालांकि यह अभी भी थोड़ा अस्थिर था। तियान गुहू के शरीर से निकलने वाली यम शैतान की आभा व्यवहारिक रूप से परिपूर्ण थी। वे आभामंडल में व्यवधान या उसकी ओर से अस्वीकृति के किसी भी संकेत को महसूस नहीं कर सके। यम डेविल्स अपने सदमे का वर्णन भी शुरू नहीं कर सके। टकराना, जब तियान गुहू ने यूचे के सामने अपना सिर गहराई से झुकाया तो उसके घुटने फिर से जमीन पर आ गए। उन्होंने कहा, इस दिन के बाद से तियान गुहू का जीवन सीनियर यूका है और किसी का नहीं। नहीं, आप गलत हैं। युनचे ने ऊंचे स्थान से तियान गुहू को देखा। आपका जीवन केवल आपका है। आपको अपने गृह क्षेत्र के साथ विश्वासघात करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको अपने आप को यम क्षेत्र की सेवा करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता है। आप अभी भी तियान गुहू हैं। आप यम शैतान नहीं हैं। मैंने कभी भी आपके जीवन का स्वामी नहीं बनना चाहा। मैं जो चाहता हूँ वह आपकी इच्छा है। तियान गुहू ने उसकी आंखों में देखा और शब्दों की कसम खाई कि वह उसकी आत्मा पर अंकित कर देगा। मेरी इच्छा को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है वरिष्ठ। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरा मार्गदर्शन करने के योग्य है। उस मामले में युनचे ने तियान गुहू की ओर पीठ करते हुए कहा, मैं तुम्हें अनंत अंधकार के अस्थि सागर में तब तक रहने का आदेश देता हूँ जब तक कि तुम अपनी शक्ति के लिए पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं हो जाते। फिर आप शाही स्वर्ग क्षेत्र में लौट सकते हैं। उसके बाद युनचे आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड के लिए रुका। आपके पास सबसे बड़ा मूल्य वही यम शैतान की शक्ति नहीं है जो आपको विरासत में मिली है, बल्कि वह प्रभाव है जो आपने उत्तरी दैवीय क्षेत्र पर प्राप्त किया है, विशेष रूप से दैवीय संप्रभु और युवाओं के बीच गहन अभ्यासी। मैं जो कह रहा हूँ वह तुम समझ रहे हो। तियान गुहू ने युचे द्वारा कहे गए हर शब्द को अपने दिल में उकेरा। उसका खून खौल रहा था। वह महसूस कर सकता था कि जिस सपने को वह कभी अपनी पहुंच से हमेशा के लिए दूर समझता था वह अब उसके ठीक सामने तैर रहा है। गुहू समझता है, गुहू वरिष्ठ को निराश नहीं करेगा। तियान गुहू ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा करने से पहले अपने उत्साह को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। अब आप अनंत अंधकार के अस्थि सागर की ओर बढ़ेंगे। यांटू, आप उसे उसकी शक्ति के अनुकूल ढलने में मदद करेंगे। ये नौकर आपकी आज्ञा का पालन करेगा स्वामी, यांटू ने जल्दी से उत्तर दिया। अंत में युचे ने जोर दिया, और मुझे दोबारा सीनियर कहकर संबोधित मत करना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तियान गुहू गहराई से झुकने से पहले एक सेकंड के लिए चुप हो गया। हाँ, युचे की अफवाहों ने हाल ही में पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से भर दिया था, इसलिए निश्चित रूप से वह जानता था कि उससे पहले का महान व्यक्ति केवल 30 वर्ष का था। उसने युचे को स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ कहकर संबोधित किया था क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता था कि वह एक ऊंचे पहाड़ जैसा है जिसे कभी भी पार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यांटू ने तियान गुहू को दूर ले जाया। यांटू की सहायता से उन्हें यकीन था कि तियान गुहू कुछ ही समय में अपनी नई विरासत में मिली शक्तियों के अनुकूल हो जाएगा।
इससे उन्हें एक निष्ठावान शक्ति प्राप्त हो गई थी जिसका उनकी भविष्य की योजनाओं पर बहुत प्रभाव पड़ना तय था। कृपया प्रतीक्षा करें मेरे स्वामी, कुछ ऐसा है जिस पर केवल आप ही ध्यान दे सकते हैं। यान तियानज़ियाओ ने यून चे को तभी बुलाया जब वह छुट्टी लेने वाला था। यम सम्राट के हाथ में एक जेड गोली थी जिसके चारों ओर काली ऊर्जा का हल्का सा झोंका था। यून चे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उन्होंने तुरंत ही डार्क एनर्जी को आत्मा चोरी क्षेत्र की डार्क आभा के रूप में पहचान लिया। क्या ये कुछ ऐसा है जिसे शैतान रानी ने भेजा है? यून चे ने उदासीनता से पूछा। उसने टैबलेट को नहीं छुआ, यान तियानज़ियाओ ने उत्तर दिया। ये निमंत्रण कार्ड है जो सातवीं चुड़ैल ने स्वयं परसों दिया था। निमंत्रण पत्र? यून चे ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। और समय क्या है? अब से 7 दिन बाद, यान तियानज़ियाओ ने उत्तर दिया, शैतान रानी स्वयं आ रही होगी। उसने ये भी विशेष रूप से उल्लेख किया कि वह आप ही से मिलना चाहती है, मुझसे नहीं। 7 दिन? यून चे की भौहें गहरी हो गई, इससे पहले कि वह उपहास करता। यह एक जिज्ञासा है। वह आमतौर पर मेजबान की प्रतिक्रिया से पहले जिस भी दरवाजे में प्रवेश करना चाहती है उसे तोड़ देती है। एक निमंत्रण पत्र, तैयारी का समय। सचमुच एक जिज्ञासा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वह कहीं से भी चुड़ैलों के अपने दल के साथ स्वर्ग से उतरेगी और मुझे सुखद आश्चर्यचकित करेगी, यून चे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में चमक आश्चर्यजनक रूप से गहरी थी। यान तियानज़ियाओ को यह एहसास होने लगा था कि यून चे सिर्फ आत्मा चोरी क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा था। यदि उनका अवलोकन सही था तो वे दोनों एक गहरी शिकायत साझा करते दिख रहे थे। हमें क्या करना चाहिए महाराज? यान तियानज़ियाओ ने पूछा। यून चे ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, इस महिला से निपटने का सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका उसकी पसंदीदा चालें और योजनाएं खेलना है। वह 7 दिन चाहती है, फिर मैं उसे 7 दिन का समय दूंगा और उसके आने का इंतजार करूंगा। लेकिन यहाँ नहीं, मानो कुछ समझ में आ रहा हो, यान तियानज़ियाओ ने पूछा, क्या आप जा रहे हैं? लेकिन उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद को रोक लिया। तियानज़ियाओ को उसकी फिसलन भरी जुबान के लिए माफ कर दो, यून चे ने कहा, मैं 7 दिनों में वापस आऊंगा। मेरे चले जाने तक मेरे राज्याभिषेक के निमंत्रणों पर काम करो। याद रखें, निमंत्रण सभी के लिए है, ऊपरी सितारा क्षेत्र, मध्य सितारा क्षेत्र और विशेष रूप से निचले सितारा क्षेत्र, वे कुंजी हैं। आप अपनी इच्छानुसार शब्दों का चयन कर सकते हैं। जी महाराज। यान तियानज़ियाओ ने एक आखिरी सवाल पूछने से पहले आदेश स्वीकार कर लिया। नए शाही हॉल के बारे में क्या आपकी कोई प्राथमिकताएं हैं जिनका आप उल्लेख करना चाहेंगे मेरे प्रभु? अनावश्यक, यून चे पहले ही जा चुका था जब उसने अपना उत्तर छोड़ा। मुझे ऐसी बेकार चीजों की जरूरत नहीं है। यून चे ने यम क्षेत्र के अधीनस्थ एक सितारा क्षेत्र की उजाड़ सीमाओं की यात्रा की थी। यह एक अंधेरी और बेजान जगह थी। यून चे के बगल में एक लकड़ी की आत्मा वाली लड़की बैठी थी। एक ठंडी हवा ने उसके हरे बालों को हल्के से उड़ा दिया, उसके चेहरे को उसके ही बालों से धीरे से सहलाया। समय समय पर वह अपनी ओर वापस मुड़ने से पहले एक नजर यून चे के चेहरे पर डाल लेती थी। उसकी जैद जैसी आंखों की रोशनी रंगीन शीशे की तरह सुंदर लग रही थी। वह अकेली नहीं थी जिसने खुद को वास्तविकता के सामने प्रकट किया था। होंगर और यून चे के बाईं और दाईं ओर बैठे थे। एक उन काले क्रिस्टलों को खा रहा था जो यून चे ने उसे दिए थे और दूसरा उन मिठाइयों को कुतर रहा था जिन्हें हे लिंग ने अभी अभी उसके लिए बनाया था। स्वादिष्ट, 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 हांगर लगातार 3 बार चिल्लाया। उसके गाल पूरी तरह भरे हुए थे और उसकी लाल पुतलियां उत्तेजना से चमक रही थी। यूया ध्यान से उसकी मिठाइयां पकड़ रही थी और उसकी चतुष्कोणीय पुतलियों के साथ हांगा को घूर रही थी। उसे इस बात से ईर्ष्या हो रही थी कि हांगा काले क्रिस्टल को ऐसे खा सकता है जैसे वे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीजें हो। गल्प, हांगा निगल गई और अंधेरे की एक किरण उसकी लाल रंग की पुतलियों पर चमक उठी। फिर उसने यूनचे की जांघों को पकड़ लिया और चिल्लाई, मुझे और चाहिए। मुझे नहीं पता था कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कुछ इतना स्वादिष्ट होता है। आपने इसे मुझे पहले क्यों नहीं दिया गुरु? यू चे ने उसे लोंगन के आकार के 2 और काले क्रिस्टल दिए। ये दिन के आखिरी 2 क्रिस्टल हैं। उसे बाकियों को बचाने की जरूरत थी, एक बड़ा सपना पूरा करने के लिए। हम्फ, मैं अभी भी एक कंजूस देखता हूँ। होंगर ने यही कहा था लेकिन उसकी गति थोड़ी भी धीमी नहीं थी। उसने पलक झपकते ही दोनों क्रिस्टल उठा लिए, उन्हें मुंह में डाल लिया और मजे से चबाने लगी। कुछ दूरी पर यान वन और यान थरी हांगा को अनंत अंधेरे के शैतान क्रिस्टल को खाते हुए देख रहे थे, जिसे छूने की उनकी हिम्मत भी नहीं हुई और वे सिर से पांव तक कांप रहे थे। क क क क क क क आखिर वह राक्षस क्या है?
यान वन को प्रश्न पूछने में कुछ समय लग गया। मुझे नहीं पता। यान थरी ने ये समझने से पहले अपना सिर हिलाया कि यान वन ने क्या किया है। उसने उसे धीमे स्वर में डांटा, पुई, तुम शिष्टाचार कहाँ हो बूढ़े भूत। मास्टर शैतान सम्राट का अवतार है और वह स्वर्ग के समान ऊंचा है। उनकी सेवा करने का अवसर पाने में 800,000 साल का इंतजार करना पड़ा। ये लड़की स्पष्ट रूप से हमारे स्वामी के करीब है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह हमारे स्वामी की तरह ही हमारी समझ से परे है। तो आप उसे राक्षस कैसे कह सकते हैं? इतना बुरा बर्ताव। यान वन सहमति में सिर हिलाने से पहले एहसास में कांप उठा। सही है, ठीक है, आप बिल्कुल सही है। मास्टर, आपने तियान गुहू को क्यों चुना? उसने लिंग से चुपचाप पूछा। युनचे अभी जिस तरह से अभिनय कर रही थी, वह युनचे थी जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करती थी। वह केवल तभी इस तरह मुस्कुराता था जब वह हांगा और युआ का सामना कर रहा होता था। युनचे ने कहा, किसी व्यक्ति का दृढ़ विश्वास जितना मजबूत होता है, उसे मोड़ना उतना ही कठिन होता है। हालांकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि उन्हें क्या प्रेरित करता है, तो इससे उन्हें नियंत्रित करना भी आसान हो जाता है। मैंने उसे उसकी असंभव महत्वाकांक्षा को पूरा करने का मौका दिया, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह मुझे अपनी वफादारी और अपने जीवन का बदला चुकाएगा। इसके अलावा तियान गुहू की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और प्रभाव हमेशा मेरे एक नवागंतुक को बौना बना रहे थे। वह अकल्पनीय मूल्य का एक उपयोगी हथियार है। क्या इसका मतलब यह है कि आपने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि आपने उसे एक संभावित मूल्यवान उपकरण के रूप में देखा, और इसलिए नहीं कि आप उसकी भावना की प्रशंसा करते हैं? उसने लिंग से पूछा। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखों का नजारा थोड़ा बदल गया। बिल्कुल, यूं चेने सामने की ओर देखा। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सब कुछ मेरे लिए एक उपयोगी उपकरण है, करता है। हे लिंग ने अपना सिर झुका लिया और अपना संदेह अपनी आंखों के पीछे छिपा लिया। क्या इसका मतलब यह है? मैं भी आपके लिए एक उपकरण हूँ। जिस दिन से युनचे ने उसके साथ दोहरी खेती करने का अनुरोध किया, हे लिंग को कभी भी शांति का क्षण नहीं मिला। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस पर हर तरह के भ्रम और संदेह ने हमला कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही है। वह उस दिन से ही जानती थी कि वह युनचे की संपत्ति के रूप में जिएगी और मरेगी, जिस दिन से उसने बदला लेने के लिए खुद को जहरीली आत्मा में बदल लिया था। हालांकि जैसे जैसे यह विचार उस पर हावी होता गया, उसकी चिंता बढ़ती गई। अचानक उसने महसूस किया कि उसके छोटे हाथों को युनचे ने पकड़ लिया है। उसने उसे अपने पैरों के पास खींच लिया और धीरे से उससे कहा, मेरे साथ आओ।